हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज आप लोगों के लिए, दैट इज द रिवीजन ऑफ इंटरनेशनल टैक्स पेपर 6C रिलेवेंट फॉर योर May 22 एंड November 22 एग्जाम्स डायरेक्टली फ्रॉम ICAI मटेरियल। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज हम लोग पिछले 3 साल से कर रहे हैं, जब से ICAI ने इंटरनेशनल टैक्स एज एन इलेक्टिव पेपर डाला है तब से हम लोग हर साल ये एक्सरसाइज करते हैं आप लोगों के लिए, कि हम लोग डायरेक्टली ICAI के मटेरियल से आपको पेज बाय पेज, लाइन बाय लाइन पूरा का पूरा सिलेबस रिवाइज करवा देते हैं, जैसे हम लोग डायरेक्ट टैक्स के लिए करवाते हैं अपनी बुक में से। सो ये रिवीजन स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा मदद करता है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव रिव्यूज आए, इसलिए इस रिवीजन को हम लोग हर साल कंटिन्यू करते रहेंगे बस। तो अब आपको क्या करना है, आपको मेरे लेक्चर्स पहले सबसे अच्छे से सुनना होगा। मेरे लेक्चर सुन के अगर हो गया, पूरी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ चुकी है, उसके बाद आपको रिविजन वीडियो सुनते रहना है, सुनते रहना है, सुनते रहना है, और साथ में जो ICAI की केस स्टडी बुकलेट है बस वो करना है। इसके अलावा आपको कुछ भी और करने की जरूरत नहीं है, दैट्स इट। आपको डिफिकल्ट से डिफिकल्ट पेपर भी आए ना अगर, तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो पेपर 60 का, ये मेरी गारंटी है आपको। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक ऑफ द रिवीजन एंड वी विल गो इन द ऑर्डर ऑफ द बुक। बुक के ऑर्डर में जाएंगे हम लोग, एंड द फर्स्ट टॉपिक इज व्हाट, द फर्स्ट टॉपिक इज ट्रांसफर प्राइसिंग। ठीक है, ट्रांसफर प्राइसिंग के बारे में हम लोग सबसे पहले बात करते हैं। तो ट्रांसफर प्राइसिंग सबसे पहला टॉपिक है आपका सीए फाइनल पेपर 6C इंटरनेशनल के पेपर के सब्जेक्ट में। ठीक है, अब यहाँ पर स्टार्टिंग में कुछ बहुत सारे भाषण दिए गए, ये भाषण एकेडमिकली इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम लोग इस पे ज्यादा बात नहीं करेंगे। हम लोग डायरेक्टली उन मुद्दों पे बात करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो बहुत कम चीजें जो एग्जाम में के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, 99% आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट चीजें ही है, बट बीच में कुछ चीजें आएगी जो ICAI ने ऐसी भाषण के लिए डाला है तो वो शायद एकेडमिकली इतना इंपॉर्टेंट। जैसे शुरुआत में अगर आप देखो तो इंट्रोडक्शन इन सब चीज से हमको क्या करना है, ये व्हाट इज ट्रांसफर प्राइसिंग, ऐसा कोई क्वेश्चन एग्जाम में थोड़ी आने वाला है। व्हाट इज आर्म्स लेंथ प्राइस, ऐसा कोई क्वेश्चन एग्जाम में थोड़ी आने वाला है। ये सारी चीजें इंस्टीट्यूट एग्जाम में आपको नहीं पूछने वाला। ठीक है, तो अब मैं डायरेक्टली मुद्दे पे आता हूँ। मुद्दा कहाँ से शुरू होता है मैं आपको बताता हूँ। मुद्दा यहाँ से शुरू होता है, अब ये वाले पेज से, पेज नंबर 10 से लेकर लास्ट पेज तक इस टॉपिक में सब कुछ इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं इस टॉपिक के अंदर ट्रांसफर प्राइसिंग का चार्जिंग सेक्शन। इसमें 3 सबसेक्शन है, सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3। सबसेक्शन 1 बताता है कि ट्रांसफर प्राइसिंग कब लगता है। कब लगता है ट्रांसफर प्राइसिंग, जब कोई SSC एक इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करता है तो उसको अपना आर्म्स लेंथ प्राइस निकालना पड़ेगा। एनी इनकम अराइजिंग फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन हैज टू बी कंप्यूटेड बाय आर्म्स लेंथ प्राइस। आप कोई भी इनकम कमाओगे इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन में तो आपको आर्म्स लेंथ प्राइस निकालना पड़ेगा। सर इनकम कमाते समय सिर्फ नहीं, नहीं, कोई एक्सपेंस करोगे तब भी, कोई लोन लोगे और इंटरेस्ट पे कर रहे हो तब भी, सिर्फ इनकम के लिए नहीं, इनकम को तो कवर ही है, एक्सपेंस इनकर करोगे तो भी आर्म्स लेंथ प्राइस निकालना है, लोन ले रहे हो इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो भी आर्म्स लेंथ प्राइस निकालना है। तो सर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है उसके बारे में हम लोग आगे जाकर पढ़ेंगे 92B के अंदर। सर आर्म्स लेंथ प्राइस का मतलब क्या होता है उसके बारे में हम लोग आगे जाकर पढ़ेंगे 92C के अंदर। अभी के लिए सिर्फ इतना समझ के चलो, जब भी मैं पढ़ाता हूं तभी भी मैं ऐसे ही बोलता था कि अभी के लिए सिर्फ इतना समझो कि एनी इनकम अराइजिंग फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन मतलब फॉरन ट्रांजेक्शन शैल बी डिटरमाइंड फ्रॉम आर्म्स लेंथ प्राइस। आर्म्स लेंथ प्राइस मतलब करेक्ट प्राइस। ठीक है, इतना दिमाग रखना। Yes, क्या सर ट्रांसफर प्राइसिंग स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन के लिए भी एप्लीकेबल है? यस, ट्रांसफर प्राइसिंग स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन के लिए भी एप्लीकेबल है, लेकिन पेपर 6 में इसके बारे में इतना ज्यादा इंस्टीट्यूट ने बोला नहीं है, क्योंकि दिस पेपर इज अबाउट इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन, इंटरनेशनल टैक्स, एंड इट इज नॉट अबाउट डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन, इट इज नॉट अबाउट डोमेस्टिक टैक्स। तो इस सब्जेक्ट के अंदर आपको डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन के बारे में बहुत ज्यादा इंस्टीट्यूट ने बात नहीं किया है, प्रोविजन भी बुक में नहीं डाला है, सिर्फ एक रेफरेंस दे दिया है कि आप डायरेक्ट टैक्स की बुक में से जाके पढ़ सकते हो, पेपर 6 में इतना ज्यादा बोला नहीं है। ठीक है, सेकंड सर और क्या क्या आपको आर्म्स लेंथ प्राइस के सामने निकालना पड़ेगा? जब कोई जॉइंट वेंचर करते हो और जॉइंट वेंचर में अगर आपको कोई कॉस्ट एलोकेशन, कोई प्रॉफिट एलोकेशन, कोई कॉस्ट अपॉर्चुनमेंट, कोई प्रॉफिट का अपॉर्चुनमेंट करना है तो गवर्नमेंट बोलती है वो भी आपको आर्म्स लेंथ प्राइस के हिसाब से ही करना पड़ेगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अगले पेज पे दिया गया है, जो मैंने यहाँ पर येलो में हाईलाइट करके रखा है, एंड दैट इज व्हाट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि ट्रांसफर प्राइसिंग एप्लीकेबल नहीं होगा। कब नहीं होगा? अगर ट्रांसफर प्राइसिंग अप्लाई करके SSC की इनकम घट जाती है, इनकम कम हो जाती है या लॉस बढ़ जाता है, अगर ट्रांसफर प्राइसिंग अप्लाई करके इनकम कम होती है या लॉस बढ़ता है तो ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजन आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होंगे। नीचे कुछ घटिया से एग्जाम्पल इंस्टीट्यूट ने डाला है, उसके आगे बढ़ते हम लोग। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर ट्रांसफर प्राइसिंग एप्लीकेबल करवाना है तो ट्रांसफर प्राइसिंग एप्लीकेबल सिर्फ तब होता है जब एक ट्रांजेक्शन इज बिटवीन टू एसोसिएट एंटरप्राइज, दो एसोसिएट एंटरप्राइज के बीच में अगर ट्रांजेक्शन नहीं होगा तो उसको आपको ट्रांसफर प्राइसिंग लगाने का कोई हक ही नहीं, उस पर कोई राइट ही नहीं, उस पर ट्रांसफर प्राइसिंग नहीं लग सकता है। तो सबसे पहले जो दो लोग ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उनके बीच में पहले रिलेशनशिप पता लगाओ, क्या वो दोनों एसोसिएट एंटरप्राइज है, अगर है तो ट्रांसफर प्राइसिंग एप्लीकेबल, अगर नहीं है तो ट्रांसफर प्राइसिंग एप्लीकेबल नहीं हो सकता है। देयरफॉर व्हाट इज एसोसिएट एंटरप्राइज, उसके बारे में डेफिनेशन दिया गया है सेक्शन 92A, और उसके अंदर पूरे डेफिनेशन को गवर्नमेंट ने दो पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहले नॉर्मल एसोसिएट एंटरप्राइज का डेफिनेशन दिया है, और फिर सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए डीम्ड एसोसिएट एंटरप्राइज का डेफिनेशन दिया है।
तो सबसे पहले नॉर्मल एसोसिएट एंटरप्राइज में कुछ बहुत ज्यादा नहीं है, डीम्ड एसोसिएट एंटरप्राइज में 10-12 केसेस है, वो केसेस हमको बहुत अच्छे से देखने पड़ेंगे एकेडमी के लिए। लेकिन सबसे पहले हम लोग नॉर्मल एसोसिएट एंटरप्राइज जो 92A सबसेक्शन 1 में दिया है उसके बारे में बात करते हैं। नॉर्मल एसोसिएट एंटरप्राइज का मतलब क्या होता है, जब एक एंटरप्राइज दूसरे एंटरप्राइज में टांग अड़ाती है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टांग अड़ाती है, मतलब पार्टिसिपेट करती है, किसमें पार्टिसिपेट करती है, उसके मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करती है, उसको कंट्रोल करती है या उसके कैपिटल में पार्टिसिपेट करती है, मतलब उस कंपनी या उस एंटिटी में उसका शेयर कैपिटल है, तो दोनों बन जाएंगे डीम टू बी एसोसिएट एंटरप्राइज। डीम टू बी एसोसिएट नहीं, ये डायरेक्ट एसोसिएट है, डीम टू बी एसोसिएटेड इज गिवन इन सबसेक्शन 2। तो यहां पर देखो इसी का डायग्राम बना के दिया, एक एंटरप्राइज अगर दूसरे के मैनेजमेंट में कंट्रोल में या कैपिटल में पार्टिसिपेट करती है, डायरेक्ट पार्टिसिपेट करती है टू बी एसोसिएटेड है, इनडायरेक्ट पार्टिसिपेट करती है तो भी एसोसिएट एंटरप्राइज मानी जाएगी। ठीक है, अब इसमें सेकंड पॉइंट क्या है, जब एक बंदा दो लोगों के अंदर, अभी ये तो क्या है, एक ही एंटिटी दूसरे एंटिटी में पार्टिसिपेट कर रही है, अभी एक बंदा से मिस्टर है इस पार्टिसिपेटिंग इन द कैपिटल ऑफ ए एंड कैपिटल ऑफ बी लिमिटेड, तो ये ए और बी लिमिटेड भी क्या बन जाएंगे, ट्रायंगल, अगर ट्रायंगल बन गया ना, अगर ए मिस्टर है, एक ए लिमिटेड के कैपिटल में पार्टिसिपेट करता है, बी लिमिटेड के कैपिटल में पार्टिसिपेट करता है, तो ए लिमिटेड और बी लिमिटेड भी बन जाएंगे गॉट एसोसिएट एंटरप्राइज। ये भाषण दिया गया पॉइंट नंबर बी के नीचे, नीचे उसका एग्जांपल है। ठीक है, नाउ कमिंग टू मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, डीम्ड एसोसिएट एंटरप्राइज में क्या क्या आएगा, उसमें 12-13 केसेस गवर्नमेंट ने डाले। सबसे पहला केस, अगर एक एंटिटी दूसरे एंटिटी में 26% या उससे ज्यादा वोटिंग पावर रखती है, वोटिंग पावर मतलब इक्विटी शेयर, तो दोनों बन जाएंगे एसोसिएट एंटरप्राइज, और डायरेक्टली भी अगर 26% रखती है तो भी एसोसिएट एंटरप्राइज, इनडायरेक्टली भी अगर 26% रखती है तो भी एसोसिएट एंटरप्राइज बन जाएंगे, बराबर से चेक कर लेना। सेकंड कैटेगरी, अगर एक एंटिटी दो लोगों में 26-26% का स्टेक रखती है तो सामने वाले दोनों भी एसोसिएट एंटरप्राइज बन जाएंगे, फिर से डायरेक्टली 26% रखती है या इनडायरेक्टली 26% रखती है, सामने वाले दोनों बन जाएंगे क्या, डीम टू बी एसोसिएट एंटरप्राइज। थर्ड वन, अगर एक एंटिटी के पास 100 रुपए का बुक वैल्यू ऑफ असेट है, 100 रुपए का बुक वैल्यू ऑफ असेट है, और दूसरी एंटिटी उस 100 रुपए के बुक वैल्यू ऑफ असेट में से 51% फाइनेंस एक एंटिटी करती है, तो ये दोनों बन जाएंगे डीम टू बी एसोसिएट एंटरप्राइज। पॉइंट नंबर फोर, अगर एक एंटिटी के पास 100 रुपए का बोरोइंग है, 100 रुपए का लोन वोन लेके रखा और सामने वाली एंटिटी उसका 10% भी अगर मुझे गारंटी देती है बैंक में जाकर या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जाकर, तो मैं और सामने वाली एंटिटी जो मुझे गारंटी दे रही है, जो मेरे भी आप गारंटी दे रही है बैंक को, तो मैं और वो एंटिटी बन जाएंगे डीम टू बी एसोसिएट एंटरप्राइज। नेक्स्ट पॉइंट नंबर फाइव, अगर एक एंटिटी दूसरे एंटिटी के, एक एंटिटी दूसरे एंटिटी के आधे से ज्यादा डायरेक्टर अपॉइंट करती है, दोनों बन जाएंगे एसोसिएट एंटरप्राइज। एक एंटिटी दूसरे एंटिटी के आधे से ज्यादा मेंबर ऑफ गवर्निंग बॉडी अपॉइंट करती है, दोनों बन जाएंगे एसोसिएट एंटरप्राइज। एक एंटिटी दूसरे एंटिटी के एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट करता है, दोनों बन जाएंगे एसोसिएट एंटरप्राइज। एक एंटिटी दूसरे एंटिटी के एक एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑफ गवर्निंग बोर्ड अपॉइंट करता है, दोनों बन जाएंगे एसोसिएट एंटरप्राइज। तो आधे से ज्यादा डायरेक्टर अपॉइंट करते हो या आधे से ज्यादा मेंबर अपॉइंट करते हो तो बन जाएंगे, या सिर्फ एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट करते हो या एक एग्जीक्यूटिव मेंबर अपॉइंट करते हो तो भी बन जाएंगे। पॉइंट नंबर फाइव में यह दिया गया। पॉइंट नंबर सिक्स में क्या दिया गया, यही सेम लॉजिक अब दो एंटिटी में आप करते हो। सपोज मैं एक इंसान हूं और मैं एक एंटिटी के आधे से डायरेक्टर अपॉइंट करता हूं, दूसरे के भी आधे से डायरेक्टर अपॉइंट करता हूं, दोनों बन जाएंगे एसोसिएट एंटरप्राइज, और ये सारे परमिटेशन कॉम्बिनेशन जो मैंने आपको यहां बताया था वो यहां पर भी एप्लीकेबल है। पॉइंट नंबर सेवन, अगर एक एंटिटी दूसरे पे डिपेंडेंट है, वो भी होल्ली डिपेंडेंट है, 100% डिपेंडेंट है तो कुछ नहीं होगा, 100% अगर दूसरे पे डिपेंडेंट है, किस चीज के लिए, नोहाउ के लिए, पेटेंट के लिए, कॉपीराइट के लिए, ट्रेडमार्क के लिए, लाइसेंस के लिए, फ्रेंचाइज के लिए, डॉक्यूमेंट्स के लिए, डेटा के लिए, ड्राइंग के लिए, स्पेसिफिकेशन के लिए, तो और एनी अदर बिजनेस और कमर्शियल राइट, अगर मैं सामने वाली एंटिटी पे 100% होली डिपेंडेंट हूं तो मैं और सामने वाली एंटिटी बन जाएंगे डीम टू बी एसोसिएट एंटरप्राइज एज पर पॉइंट नंबर सेवन। नेक्स्ट, अगर मैं एक ही एंटिटी से 90% या उससे ज्यादा रॉ मटेरियल खरीदता हूं, मेरा जो 100 रुपए का रॉ मटेरियल है पूरे साल का मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, उसमें से 90% रॉ मटेरियल मैं एक ही बंदे से खरीदता हूं, तो मैं और सामने वाला बंदा बन जाएंगे डीम टू बी एसोसिएट एज पर पॉइंट नंबर एट। पॉइंट नंबर नाइन, अगर मेरा सेल इज डिपेंडेंट ऑन अदर पर्सन, जैसे यहां पर लिखा गया है कि आई एम सेलिंग टू अदर पर्सन एंड अदर पर्सन इज स्पेसिफाइंग द टर्म्स एंड कंडीशन, तो मैं वो बन जाएंगे डीम टू बी एसोसिएट एंटरप्राइज। पॉइंट नंबर टेन, मैं एक इंडिविजुअल हूं और मैं एक एंटिटी चला रहा हूं और दूसरी एंटिटी को भी मैं चला रहा हूं, या मेरी वाइफ चला रही है, या मैं और मेरी वाइफ मिलकर चला रही है, तो मैं और वो एंटिटी बन जाएंगे डीम टू बी एसोसिएटेड। तो एक एंटिटी इंडिविजुअल चला रहा है और दूसरी एंटिटी इंडिविजुअल और इंडिविजुअल के रिलेटिव मिलकर चला रहे हैं, या इंडिविजुअल खुद चला रहे हैं या उसके रिलेटिव खुद चला रहे हैं, तो हम दोनों बन जाएंगे डीम टू बी एसोसिएट एंटरप्राइज। पॉइंट नंबर 11, एक एंटिटी एचयूएफ है और सामने वाली एंटिटी के अंदर एचयूएफ के मेंबर है या मेंबर के रिलेटिव है, वो मिलकर चला रहे, तो ये एचयूएफ और सामने वाली एंटिटी बन जाएंगे डीम टू बी एसोसिएटेड। मैं फॉर्म हूं, मैं एओपी बीओआई हूं और मुझमें किसी एंटिटी का 10% या स्टेक है, मैं फॉर्म एओपी बीओआई हूं, मुझमें किसी एंटिटी का 10% या उससे ज्यादा स्टेक है, तो मैं और वो एंटिटी, मैं फॉर्म और एओपी बीओआई और सामने वाली एंटिटी जिसका मुझमें 10% स्टेक है, हम दोनों बन जाएंगे डीम टू बी एसोसिएटेड। और जो 12-13 पॉइंट गवर्नमेंट ने दिया है वो बोला है कि हम और भी कोई रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर सकते हैं थ्रू प्रिस्क्राइब रूल्स, हम रूल प्रिस्क्राइब करेंगे उसके थ्रू हम लोग एस्टैब्लिश कर देंगे। नाउ दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एसोसिएट एंटरप्राइज विच वॉज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एसोसिएट एंटरप्राइज मीनिंग एंड एसोसिएट एंटरप्राइज डीम्ड एसोसिएट एंटरप्राइज में 13 केसेस। ठीक है, नाउ
The definition is associated enterprise. So the question is, what do you mean by enterprise? Enterprise का मतलब government ने यहाँ पर define किया. Enterprise means any person who is entering into any kind of business transaction. Check करो, बहुत सारे किस्म के business transactions हैं यहाँ पर, including the permanent establishment of foreign entity. अगर foreign entity की कोई permanent establishment India में है, वो भी enterprise माना जा सकता है. प्लस वो लोग अलग अलग किस्म के बिजनेस ट्रांजेक्शन करेंगे. कैसे? आप स्टोरेज करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, सप्लाई करेंगे, एक्विजिशन करेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, प्रोविजन ऑफ सर्विस देंगे, होल्डिंग करेंगे, अंडरराइटिंग करेंगे, लोन देंगे, बोरोइंग करेंगे, ये सब चीज कर सकता है ना. अलग अलग किस्म की बिजनेस एंटरप्राइज, बिजनेस ट्रांजेक्शन विल बी कॉल्ड एज एंटरप्राइज. एंटरप्राइज का सिंपल मतलब क्या हुआ? एंटरप्रेन्योर हो आप किसी किस्म के एंटरप्रेन्योर हो आप, बिजनेसमैन हो और कुछ नहीं. ठीक है, इट इज एज सिंपल एज दैट. नाउ मैंने शुरुआत में आपको बोला ट्रांसफर प्राइसिंग किस पे लगता है? इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन पे. तो सवाल उठेगा, सर व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन? तो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन इज आल्सो डिफाइंड इन सेक्शन 92B. और 92B में इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन के भी दो डेफिनेशन है. जैसे एसोसिएट एंटरप्राइज के दो डेफिनेशन थे, एक नॉर्मल एसोसिएट एंटरप्राइज, एक डीम्ड एसोसिएट एंटरप्राइज, वैसे इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन का भी दो डेफिनेशन है, एक नॉर्मल इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन अंडर 92B सबसेक्शन 1 एंड ए डीम्ड इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन अंडर 92B सबसेक्शन 2. पहले सबसेक्शन 1 के बारे में बात करता हूं. What is a transaction which can be called as international transaction? A transaction can be called as a transaction को आप international transaction कब बोलोगे? जब वो दो associated enterprise के बीच में होना बहुत जरूरी है. और दोनों में से अगर दोनों का transaction अगर associated enterprise के बीच में नहीं है ना, तो वो transaction आप international transaction नहीं बोल सकते हो. तो दोनों transaction, जो transaction आप कर रहे हो वो associated enterprise के बीच में होना चाहिए, साथ साथ में दोनों में से कम से कम एक नॉन रेसिडेंट होना जरूरी है. दोनों नॉन रेसिडेंट भी चलेगा, लेकिन दोनों रेसिडेंट अगर है तो वो transaction को आप international नहीं बोलोगे. दोनों नॉन रेसिडेंट चलेंगे, एक नॉन रेसिडेंट होगा तो बेस्ट है और एक रेसिडेंट होगा तो बेस्ट है, और दोनों रेसिडेंट होगा तो वो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन नहीं माना जाएगा. और ट्रांजेक्शन का नेचर क्या होगा? इट कैन बी परचेज, इट कैन बी सेल, इट कैन बी लीज ऑफ टैंजिबल एंड इंटेंजिबल प्रॉपर्टी, इट कैन बी प्रोविजन ऑफ सर्विस, इट कैन बी लेंडिंग, बोरोइंग, इट कैन बी अमालगमेशन, डीमर्जर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इट कैन बी कॉस्ट एलोकेशन, कॉस्ट अपोर्शनमेंट, कुछ भी हो सकता है. ठीक है, अब आ रहा हूं मैं इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन के सबसेक्शन 2 की तरफ. ये बहुत इंपॉर्टेंट है एकेडमी के लिए, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना. अब क्या होगा? सपोज दो एसोसिएट एंटरप्राइज है, एक इंडिया में एक यूके में. अगर मैं अब उस एसोसिएट एंटरप्राइज को डायरेक्ट सामान बेचूंगा तो हम पे इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन का डेफिनेशन अप्लाई हो जाएगा और हम पर क्या लग जाएगा? ट्रांसफर प्राइसिंग. तो डायरेक्ट बेचूंगा एसोसिएट एंटरप्राइज को, ट्रांसफर प्राइसिंग लग जाएगा. तो मैं क्या करता हूं? मैं एक थर्ड पार्टी बिठाता हूं और मैं क्या बताऊं थर्ड पार्टी को कि तू मेरे एसोसिएट एंटरप्राइज के साथ जो बाहर है उसके साथ एक प्रायर अग्रीमेंट कर ले, उसके साथ सेटिंग कर ले, और मैं तेको सामान बेचूंगा, तू उसको सामान बेचेगा. तो मैं थर्ड पार्टी को बेचूंगा और थर्ड पार्टी मेरे एसोसिएट एंटरप्राइज को बेचेगा. तो गवर्नमेंट ने बोला अगर ऐसी हरकत किया आपने किसी थर्ड पार्टी को के साथ ट्रांजेक्शन किया जो अनरिलेटेड पार्टी है, और वो अनरिलेटेड पार्टी आपके एसोसिएट एंटरप्राइज के साथ ट्रांजेक्शन करती है, और आपके एसोसिएट एंटरप्राइज और थर्ड पार्टी के बीच में ऑलरेडी एक प्रायर अग्रीमेंट है या ऑलरेडी खिचड़ी बन चुकी है, टर्म्स एंड ट्रांजेक्शन, रिलेवेंट ट्रांजेक्शन सब वो लोग डिसाइड कर रहे हैं, तो तेरा ट्रांजेक्शन और वो थर्ड पार्टी का ट्रांजेक्शन विल बी डीम्ड टू बी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन. और उस केस में वो जो थर्ड पार्टी है ना वो रेजिडेंट होगा तो भी तेरा और उसका ट्रांजेक्शन डीम्ड टू बी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन, और वो थर्ड पार्टी अगर नॉन रेजिडेंट होगा तो भी तेरा और उसका ट्रांजेक्शन क्या हो जाएगा? डीम टू बी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन. इसके लास्ट में गवर्नमेंट ने देखो हाईलाइट करके रखा इंस्टीट्यूट ने, वेदर और नॉट सच अदर पर्सन इज ए नॉन रेसिडेंट, उससे फर्क नहीं पड़ता है. तो ये क्या रही है? वाया वाया ट्रांजेक्शन करके जो आप ट्रांसफरबिलिटी को, ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजन को डिफीट करना चाह रहे हो वो नहीं हो पाएगा. कि वाया वाया करोगे तो अगर तभी भी हम आपको फंसा देंगे. ठीक है, तो यहां पर भाषण दिया है ना. अब यहां पर इंस्टीट्यूट ने बहुत डिटेलिंग की है जिसके बारे में आपको एक बार गो थ्रू करना चाहिए. मेरे हिसाब से गो थ्रू करोगे तो अच्छा होगा. जैसे आप यहां पर देखोगे तो ट्रांजेक्शन का नेचर क्या है? सेल परचेज लीज ऑफ टैंजिबल प्रॉपर्टी. तो इंस्टीट्यूट ने यहाँ पर डिटेलिंग की है, परचेज सेल लीज ट्रांसफर ऑफ टैंजिबल प्रॉपर्टी. तो टैंजिबल प्रॉपर्टी में क्या क्या आ सकता है? तो यहाँ पर इसका ब्रेकअप दिया है. तो ये लोग कभी कभी एमसीक्यू में पूछ लेते हैं कि व्हाट डज द टर्म टैंजिबल प्रॉपर्टी इंक्लूड. अब इसमें से कुछ आइटम डालेंगे ऑप्शन में, कुछ आइटम नहीं डालेंगे ऑप्शन में. सिमिलरली कैपिटल फाइनेंसिंग आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं दिखेगा, कहीं ना कहीं दिखेगा. तो उसी कैपिटल फाइनेंसिंग को पकड़ के इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने पकड़ के वहां पर डाल दिया कि कैपिटल फाइनेंसिंग में क्या क्या आ सकता है. ठीक है, तो ये सारा ब्रेकअप आपको एक बार देख लेना चाहिए मेरे हिसाब से. ऑब्वियसली मैं रिवीजन वीडियो में इसको रीड करके कोई मतलब नहीं बनता है, आप एक बार देख लोगे तो बहुत ज्यादा बेटर होगा. क्लास में भी मैंने इसलिए आपको नहीं बोला था ज्यादा इस पे. मार्केटिंग के अंदर क्या आता है ये सब आता है, टेक्नोलॉजी में क्या आता है ये सब आता है, आर्टिस्टिक में ये सब आता है. एक बार गो थ्रू करना जरूरी है क्योंकि इसमें से एग्जाम्पल में एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूं एक बार देख लेना इसको. ठीक है ना, आगे बढ़ रहा हूं मैं. इंटरनेशनल जैसे एसोसिएटेड एंटरप्राइज पढ़ते समय हमने एसोसिएट एंटरप्राइज का डेफिनेशन पढ़ने के बाद एंटरप्राइज देखा था, वैसे ही इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन पढ़ने के बाद अपने को ट्रांजेक्शन का मतलब समझना चाहिए. ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है वो भी डिफाइंड है 92F क्लॉज 5 में. ट्रांजेक्शन मींस एन अरेंजमेंट, एन अंडरस्टैंडिंग और एन एक्शन इन कॉन्सेप्ट. जो राइटिंग में भी हो तो भी चलेगा, फॉर्मल में भी हो तो चलेगा, इनफॉर्मल हो तो भी चलेगा, ओरल में हो तो भी चलेगा, लीगल हो तो भी चलेगा, लीगल नहीं हो तो भी चलेगा, उन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता. चेक कर लो, एनफोर्सेबल बाय लॉ हो तो भी चलेगा, एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं हो तो भी चलेगा. ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. तो अब तक अपन ने क्या देख लिया? इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन का डेफिनेशन, एसोसिएट एंटरप्राइज का डेफिनेशन, और अपन ने देख लिया द बेसिक चार्जिंग सेक्शन 92 जो आपका ट्रांसफर प्राइसिंग का. अब थोड़ा सा मैं बात कर रहा हूं, कुछ ज्यादा बात नहीं करूंगा, स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन के ऊपर. यहां पर थोड़ा सा इंस्टीट्यूट ने एक एग्जांपल डाल दिया बस, और कुछ भी नहीं डाला है. सर स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन क्या होता है मैं आपको बता देता हूं. स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन पर भी, कुछ स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन पर भी ट्रांसफर प्राइसिंग लगता है.
अगर आपका स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन इन अ फाइनेंशियल ईयर एक्सीड्स 20 करोड़ रुपीस, अगर पूरे साल का स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन 20 करोड़ क्रॉस हो जाएगा तो आप पे ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजन अप्लाई हो जाएंगे। और उसमें क्या क्या कवर है, उसमें सारे एटीआई एटीआईबी के ट्रांजेक्शन कवर्ड है, उसमें 10EE का ट्रांजेक्शन कवर्ड है, उसमें 115BAB जो ऑल्टरनेटिव टैक्स रेजीम आया ना जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए 15% टैक्स रेट, वो कवर है। बस इतने ही ट्रांजेक्शन कवर है, इसके अलावा और कुछ भी ट्रांजेक्शन नहीं कवर है। और यहाँ पर इंस्टीट्यूट ने एक एग्जांपल डाल दिया, वो एग्जांपल आप गो थ्रू कर सकते हो, अगर आप, मैंने क्लास में भी आपके साथ वो सब किया ही था, ठीक है। मैं एग्जांपल नहीं पढ़ा सकता हूँ रिविजन वीडियो के अंदर, एक बार यहाँ तक देख लो फिर आगे बढ़ते, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट एंड दैट इज आर्म्स लेंथ प्राइस। नाउ दिस इज अ बिग डिस्कशन, आर्म्स लेंथ प्राइस के हिसाब से आपको इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन को वैल्यू करना है। तो आर्म्स लेंथ प्राइस का मतलब क्या है, उसके बारे में दिया गया 92C के अंदर, और उसके बारे में दिया गया उसके रूल्स के अंदर, और उसके बारे में दिया गया कुछ कॉन्सेप्ट्स के अंदर। तो आपको आर्म्स लेंथ प्राइस के बारे में पढ़ना है तो आपको तीन चीज पढ़नी पड़ेगी, एक तो 92C, दूसरा उससे रिलेटेड रूल्स, और फिर उससे रिलेटेड ग्लोबल कॉन्सेप्ट्स, जो हम लोग यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट जो ICAI ने आपके सिलेबस में कवर किया है उसके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले आर्म्स लेंथ प्राइस 92C क्या बोलता है, 92C बोलता है आर्म्स लेंथ प्राइस असेसी खुद निकालेगा कंसिडरिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड। गवर्नमेंट ने 6 मेथड दिए, जैसे कि आप देख सकते हो, कप मेथड, रीसेल प्राइस मेथड, कॉस्ट प्लस मेथड, प्रॉफिट स्प्लिट मेथड, ट्रांजैक्शन नेट मार्जिन मेथड एंड एनी अदर मेथड एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय सीबीडीटी। 6 मेथड में से जो सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड आपको लगता है वो आप सिलेक्ट करो। कैसे सिलेक्ट करूंगा मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड, उसके लिए आगे जाकर रूल 10C आने वाला है कि हाउ टू सिलेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड, उसके बारे में आगे जाकर पढ़ लेंगे। लेकिन फिलहाल अगर रफली बोलना चाहता हूं तो मैं इतना बोल सकता हूं, मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड देखो अपने नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन के हिसाब से, अपने क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन के हिसाब से, अपने क्लास ऑफ एसोसिएट एंटरप्राइज के हिसाब से, फंक्शंस परफॉर्म के हिसाब से, असेट्स एम्प्लॉयड के हिसाब से, ठीक है। और फिर बाद में जो भी मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड आप सिलेक्ट कर लेते हो, से आपने प्रॉफिट स्प्लिट मेथड सिलेक्ट कर लिया या कॉस्ट प्लस मेथड सिलेक्ट कर लिया, उसके लिए गवर्नमेंट ने रूल्स दिया है, उन रूल्स के हिसाब से आप आर्म्स लेंथ प्राइस निकालिए, ठीक है। यहां पर गवर्नमेंट वो बोलती है, ठीक है, और कुछ नहीं। तो वो सारे के सारे रूल्स जो गवर्नमेंट ने दिए उस रूल्स के हिसाब से आपको आर्म्स लेंथ प्राइस निकालना पड़ेगा। और यहां पर गवर्नमेंट ने, इंस्टीट्यूट ने ट्रांसफर प्राइसिंग मेथड्स को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया है, ट्रेडिशनल ट्रांजेक्शन मेथड, ट्रांजेक्शनल प्रॉफिट मेथड एंड अदर मेथड, ठीक है। ये इंस्टीट्यूट का क्लासिफिकेशन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऐसा कोई क्लासिफिकेशन नहीं बोला, ठीक है। नाउ मेथड्स के बारे में बोला किधर गया है, जो 6 मेथड्स है उसके बारे में बोला किधर गया, उसके बारे में बोला गया रूल 10B। जैसे कि मैंने बोला आपको अगर आर्म्स लेंथ प्राइस के बारे में पढ़ना है तो आपको तीन चीज पढ़नी पड़ेगी, एक 92C, दूसरा रूल्स, और दूसरे कुछ तीसरे कुछ ग्लोबल कॉन्सेप्ट्स, जो ग्लोबल कॉन्सेप्ट्स हम लोग एंड में देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कप मेथड के बारे में बात करते हैं। कप मेथड में क्या होता है, कप मेथड के अंदर बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तीन स्टेप है बस और कुछ नहीं। आप जो अनरिलेटेड पार्टी को सामान बेचते हो, किसको अनरिलेटेड पार्टी को सामान बेचते हो या अनरिलेटेड पार्टी से सामान खरीदते हो, वो कितने में खरीदते हो, वो आपको स्टेप नंबर 1 में लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद आप जो रिलेटेड पार्टी को सामान बेचते हो और अनरिलेटेड पार्टी को सामान बेचते हो उनके प्राइस में या सामान खरीदते हो उनके प्राइस में कोई फंक्शनल डिफरेंस है क्या, अगर है तो उसका एडजस्टमेंट करो, ठीक है। से रिलेटेड पार्टी को बेचते समय आप डिस्काउंट देते हो, अनरिलेटेड पार्टी को बेचते समय आप डिस्काउंट नहीं देते हो, रिलेटेड पार्टी को आप वारंटी देते हो, अनरिलेटेड पार्टी को आप वारंटी नहीं देते हो, रिलेटेड पार्टी का FOB प्राइस है, अनरिलेटेड पार्टी का CIF प्राइस है, तो ये फंक्शनल डिफरेंस है, ये फंक्शनल डिफरेंस आपको एडजस्ट करना है। ये एडजस्ट करने के बाद जो भी प्राइस आ जाएगा वो बन जाएगा आपका आर्म्स लेंथ प्राइस। तो जो आपका कंपेरेबल एंड कंट्रोल प्राइस मेथड है, कप मेथड, ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, उसके अंदर बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर आपको यह चीज दिमाग में रखना होगा, जब आप कंपेरेबल एंड कंट्रोल प्राइस मेथड लोगे तो देयर हैज टू बी हाई डिग्री ऑफ कंपेरेबिलिटी, मतलब आप अपने ट्रांजेक्शन को जब अनकंट्रोल ट्रांजेक्शन से कंपेयर कर रहे हो तो देयर हैज टू बी हाई डिग्री ऑफ कंपेरेबिलिटी और बहुत माइनर डिफरेंस होना चाहिए, और अगर इतने माइनर डिफरेंस होना चाहिए कि एडजस्टमेंट्स के थ्रू हम उनको एलिमिनेट कर सके। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो चीज आप कर रहे हो और जिससे आप कंपेयर कर रहे हो उसमें ड्रास्टिक डिफरेंस है कि एडजस्टमेंट्स करते 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 इंसान की जान निकल जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। माइनर डिफरेंसेस होना चाहिए और इतने डिफरेंसेस होना चाहिए कि एडजस्टमेंट करके हम उसको एलिमिनेट कर सके, ठीक है। अब यहां पर आपको मैं एक ग्लोबल कॉन्सेप्ट समझाने जा रहा हूं, दैट इज सिलेक्शन ऑफ टेस्टेड पार्टी। सिलेक्शन ऑफ टेस्टेड पार्टी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक है। अब ये सारे मेथड्स के लिए एप्लीकेबल है, इसलिए मैं आपको पहले मेथड के टाइम ही सिखा दे रहा हूं, आगे के मेथड्स के टाइम पे मैं वापस से नहीं बोलने वाला। सिलेक्शन ऑफ टेस्टेड पार्टी का मतलब क्या होता है, पहले अगर मैं इसको डायरेक्टली बोलूं तो आपके पल्ले नहीं पड़ेगा, क्लास में भी आपके पल्ले नहीं पड़ा था, इसमें हमने आधा पौना घंटा एक घंटा बहुत बहुत ज्यादा समय हमने दिया था इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कि टेस्टेड पार्टी का कॉन्सेप्ट होता क्या है। तो सुन लो अच्छे से, टेस्टेड पार्टी का मतलब यह होता है कि आप किस एंगल से पूरा का पूरा ट्रांसफर प्राइसिंग का एनालिसिस करने वाले हो, ठीक है। जरा ध्यान से सुनना, जैसे कि यहां पर देखो, ये एसोसिएट एंटरप्राइज दूसरे एसोसिएट एंटरप्राइज को सामान बेचती है, ठीक है। अब ये तो आपका हो गया इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन, साथ साथ में ये अभी किसी अनरिलेटेड पार्टी को भी बेचती है और ये किसी अनरिलेटेड पार्टी से खरीदता है, ठीक है। तो ये जो डॉट डॉट वाले ट्रांजेक्शन है इनको आप बोलोगे इंटरनल ट्रांजेक्शन, क्योंकि इसमें एसोसिएटेड पार्टी में से दोनों में से एक पार्टी इन्वॉल्व है। ये आपका कंपेरेबल 1 हो गया, ये आपका कंपेरेबल 2 हो गया, और एक तीसरा कंपेरेबल भी आप उठा सकते हो जो अनरिलेटेड पार्टी अनरिलेटेड पार्टी को बेचती है। अब सवाल ये उठ रहा है उसमें से कौन सा कंपेरेबल मैं सिलेक्ट करूं, दैट इज नोन एज सिलेक्शन ऑफ टेस्टेड पार्टी। कौन से एंगल से मैं सोचूं, देखो सबसे पहले जो अनरिलेटेड पार्टी टू अनरिलेटेड पार्टी ना उसको इग्नोर कर देने का हो सके तब तक। अगर इंटरनल ट्रांजेक्शन पॉसिबल है तो इंटरनल ट्रांजेक्शन लो, अगर इंटरनल ट्रांजेक्शन पॉसिबल नहीं है तो फिर आप एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन के लिए जाओ, ठीक है। अब इंटरनल ट्रांजेक्शन ऑलरेडी दो दो है हमारे पास, एसोसिएट एंटरप्राइज 1 इज सेलिंग टू अनरिलेटेड पार्टी सी,
एसोसिएट एंटरप्राइज टू इज परचेजिंग फ्रॉम अनरिलेटेड पार्टी है, तो अब इन दोनों में से कोई एक सिलेक्ट करने की कोशिश करो। अब सवाल ये उठा है इन दोनों में से मैं किसके एंगल से सोचूं, तो गवर्नमेंट क्या बोलती है मालूम, गवर्नमेंट और पूरी दुनिया के अंदर ग्लोबल कॉन्सेप्ट है कि उसके एंगल से सोचो जिसका फंक्शंस लीस्ट कॉम्प्लेक्स है, जिसका भी फंक्शंस लीस्ट कॉम्प्लेक्स है उसके एंगल से सोचो। सपोज इन दोनों में से एक मैन्युफैक्चरर है और एक है सपोज एक है बैक ऑफिस सर्विसेज, तो एक मैन्युफैक्चरिंग करता है एक बैक ऑफिस सर्विस करता है। अब मुझे बताना मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा कॉम्प्लेक्स है या बैक ऑफिस सर्विस वाला ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, मैन्युफैक्चरिंग वाला ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो इसीलिए आपको मैन्युफैक्चरिंग वाले एसएससी के एंगल से नहीं सोचना है बल्कि आपको बैक ऑफिस वाले एसएससी के एंगल से सोचना है। सपोज अगर ये मैन्युफैक्चरिंग है और ये बैक ऑफिस है तो फिर इसके एंगल से आपको पूरा का पूरा ट्रांसफर प्राइसिंग एनालिसिस करना है एसोसिएट एंटरप्राइज एंटिटी 2 के हिसाब से। सपोज अगर ये बैक ऑफिस है और ये मैन्युफैक्चरिंग है तो फिर इसके एंगल से एसोसिएट एंटरप्राइज 1 अनरिलेटेड पार्टी को बेचता है तो कितने में बेचता है एक्सेट्रा, उस एंगल से आपको पूरा का पूरा एनालिसिस करना है। इस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है सिलेक्शन ऑफ टेस्टेड पार्टी। ये सारा का सारा भाषण आपको नीचे मिलेगा और इससे ज्यादा अगर आपको समझना है तो ऑब्वियसली मैं यहाँ रिवीजन वीडियो में उसको नहीं समझा पाऊंगा, थोड़ा सा मुश्किल है मेरे लिए। इसके नीचे इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन डाला है, वो क्वेश्चन आप देख सकते हो। सेकंड मेथड की तरफ आते हैं, रीसेल प्राइस मेथड। ये कौन यूज करता है, ये जनरली यूज करता है जो डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में, जो क्या करता है एसोसिएट एंटरप्राइज से सामान खरीद के रीसेल कर देता है। मेरा काम ही क्या है, खरीदना और बेच देना, इसीलिए नाम भी क्या है इस मेथड का, रीसेल प्राइस मेथड। खरीदो बेच डालो, खरीदो बेच डालो, रीसेल प्राइस मेथड। अब इसके अंदर गवर्नमेंट ने 5 स्टेप डाले। सबसे पहला स्टेप जरा ध्यान से सुनना क्या है, आप जो एसोसिएटेड एंटिटी से सामान खरीदते हो और अनरिलेटेड पार्टी को बेचते हो, एसोसिएटेड एंटिटी से खरीद के अनरिलेटेड पार्टी को कितने में बेचते हो, वो प्राइस स्टेप नंबर 1, वो स्टेप नंबर 1 हो गया, ठीक है। उसके बाद जब आप अनरिलेटेड पार्टी से खरीद के अनरिलेटेड पार्टी को बेचते हो तो उसमें कितना जीपी मार्जिन है, वो जो भी जीपी मार्जिन है वो स्टेप नंबर 1 के सेलिंग प्राइस से लेस करना है आपको। स्टेप नंबर 1 के सेलिंग प्राइस से स्टेप नंबर 2 का जीपी मार्जिन लेस करना है, ठीक है, वो लेस कर दिया। थर्ड स्टेप, खरीदते समय जब आपने एसोसिएट एंटिटी से कुछ सामान खरीदा था तो परचेस रिलेटेड कुछ एक्सपेंस किए होंगे, लाइक फ्रेट, लाइक कस्टम ड्यूटी एक्सेट्रा, उसको लेस करो, ठीक है। उसके बाद दोनों ट्रांजेक्शन के बीच में कुछ फंक्शनल डिफरेंसेस होंगे, वो लेस करो, और उसके बाद जो भी प्राइस आ जाएगा वो आपका बन जाएगा आर्म्स लेंथ प्राइस। इस पूरे एग्जांपल के लिए मैंने आपको क्लास में कुछ लिखवाया था, जाकर चेक करना, ठीक है, कि मैं अनरिलेटेड पार्टी, मैं रिलेटेड पार्टी से खरीद के अनरिलेटेड पार्टी को इतने में बेच रहा हूं, उसके बाद मैं अनरिलेटेड पार्टी से खरीद के अनरिलेटेड पार्टी का जीपी मार्जिन इतना है स्टेप नंबर 2, फिर स्टेप नंबर 1 में से स्टेप नंबर 2 का जीपी मार्जिन निकाल रहा हूं, फिर मैं परचेस रिलेटेड एक्सपेंसेस इतने निकाल रहा हूं 100-150 रुपए जो भी है, और उसके बाद मैं फंक्शनल डिफरेंसेस देख रहा हूं दोनों में कुछ है तो, और उसके बाद में मुझे आर्म्स लेंथ प्राइस आ रहा है। तो लंबा स्टेप है, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको, ठीक है। आगे बढ़ता हूं मैं तीसरे मेथड की तरफ। ये इसके आगे सम्स दिया इंस्टीट्यूट ने, वो आप देख सकते हो, ठीक है। कॉस्ट प्लस मेथड, कॉस्ट प्लस मेथड जनरली कौन यूज करेगा, जनरली क्या, जब आप एसोसिएट एंटरप्राइज को कुछ मैन्युफैक्चरिंग करते हो या कोई सर्विस है जिसमें कॉस्ट है, उसमें आप जीपी मार्जिन ऐड करके सामने वाले को बेचते हो। जीपी मार्जिन में दो चीज इंक्लूड होगी, एक तो आपका ऑब्वियसली प्रॉफिट इंक्लूड होगा और आपका दूसरा क्या होगा, जो आप फंक्शंस परफॉर्म करते हो वो इंक्लूड होगा, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर मेथड के अंदर स्टेप्स की बात करते हैं, जरा ध्यान से सुनना। आप यहां पर हो और आपका एसोसिएट एंटिटी बाहर बैठा है, ठीक है, आप उसको कुछ सामान बेच रहे हो, तो सबसे पहला स्टेप, उसको जो सामान आपने बेचा या उसको आपने जो सर्विस दी उसका कॉस्ट कितना है, टोटल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट कितना है वो पता लगा, वो होगा आपका स्टेप नंबर 1, ठीक है। उसके बाद आपने अगर किसी अनरिलेटेड पार्टी को सेम सामान बेचा तो उसको कितना जीपी मार्जिन चार्ज किया, वो आपका स्टेप नंबर 2, ठीक है। उसके बाद आप अपने जीपी मार्जिन को कंपेयर करो, ठीक है, आप जो स्टेप नंबर 1 क्या है, जब रिलेटेड पार्टी को कुछ सामान बेचते हो तो उसमें या सर्विस देते हो तो उसका टोटल कॉस्ट क्या है, स्टेप नंबर 1। अनरिलेटेड पार्टी को सेम सामान बेचते हो, सेम सर्विस देते हो तो जीपी ऑन कॉस्ट कितना है। अब आप दोनों ट्रांजेक्शन को कंपेयर करो, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन और अनकंट्रोल ट्रांजेक्शन, और दोनों को देखो फंक्शनल डिफरेंस क्या है, और जो भी डिफरेंसेस आएंगे वो आपको जीपी मार्जिन में एडजस्ट करना है, यहां पर प्राइस में एडजस्ट नहीं करना है, मार्जिन में एडजस्टमेंट करना है, और जो रिवाइज मार्जिन आ जाएगा वो आपका आर्म्स लेंथ प्राइस मार्जिन हो जाएगा, और वो आर्म्स लेंथ प्राइस मार्जिन आप यूज करोगे टू एड टू द कॉस्ट, जो स्टेप नंबर 1 में आपका कॉस्ट आया था ना उसमें वो मार्जिन रिवाइज मार्जिन ऐड करोगे आपको मिल जाएगा आपका आर्म्स लेंथ प्राइस। इस तरीके से आपको कॉस्ट प्लस मेथड में यूज करना है, ठीक है। अब मैं बढ़ रहा हूं अपने चौथे मेथड के अंदर, प्रॉफिट स्प्लिट मेथड। अब इस मेथड के अंदर भी दो मेथड है। प्रॉफिट स्प्लिट मेथड जनरली कौन यूज करता है, जब कोई जॉइंट वेंचर वॉइंट वेंचर करता है, 3-4 एंटिटी मिलकर ज्वाइंट वेंचर कर रही है, कुछ प्रॉफिट कमाएगी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अब इसमें कैसा होता है, पहले मैं आपको बेसिक मेथड समझाता हूं और फिर इसके अंदर दो मेथड है उसके बारे में बात करता हूं। बेसिक मेथड क्या, सपोज 3 लोग मिलकर ज्वाइंट वेंचर कर रहे हैं, तो सबसे पहले उनका कंबाइंड प्रॉफिट ढूंढो, कंबाइंड प्रॉफिट ढूंढने के बाद उसको डिवाइड करो, क्या रेशो में डिवाइड करना है, रिलेटिव कंट्रीब्यूशन रेशो। रिलेटिव कंट्रीब्यूशन मतलब किसने कितने एफर्ट्स डाला, किसने कितना एनर्जी डाली, किसने कितना पैसा लगाया, किसने कितना एम्प्लॉय लगाया, किसने कितना रिस्क लिया, किसने कितना एसेट लगाया, ये सब चीज के बेसिस पर देखो किसको कितना प्रॉफिट एलोकेट किया जा सकता है, रिलेटिव कंट्रीब्यूशन रेशो निकालना पड़ेगा आपको। वो रिलेटिव कंट्रीब्यूशन रेशो के बेसिस पर आपको जो कंबाइंड नेट प्रॉफिट है ना पूरा स्टेप नंबर 1 का, सबसे पहले आपको कंबाइंड नेट प्रॉफिट ढूंढना है, उसके बाद आपको रिलेटिव कंट्रीब्यूशन ढूंढना है, रिलेटिव मतलब उसके कंपेयर में मैंने कितनी मेहनत की, मेरे कंपेयर में उसने कितनी मेहनत की, उसके कंपेयर में उसने कितनी मेहनत की, वो रेशो ढूंढो, वो रेशो के बेसिस पर तीनों को प्रॉफिट डिवाइड करो, तीनों को दे दो, और फिर तीनों अपना अपना आर्म्स लेंथ प्राइस उस हिसाब से निकालेंगे अपना अपना कॉस्ट में एड करके।
तीनों को प्रॉफिट रिलेटिव कॉन्ट्रीब्यूशन रेशियो में डिवाइड कर देना, और उसके बाद में तीनों अपने अपना प्रॉफिट ऐड कर देंगे, कॉस्ट में तीनों को अपना आर्म्स लेंथ प्राइस आ जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर भी दो मेथड है, एक है कंपेरेबल प्रॉफिट स्प्लिट मेथड और एक है रेसिडुअल प्रॉफिट स्प्लिट मेथड, और जो सेकंड वाला मेथड है वो ज्यादा चलता है इंडस्ट्री में। कंपेरेबल प्रॉफिट स्प्लिट मेथड मतलब वही जो मैंने अभी आपको बताया, सपोज तीन लोगों ने मिलकर 10,000 रुपए का प्रॉफिट कमाया और रिलेटिव कॉन्ट्रीब्यूशन रेशियो 50:30:20, तो एक को 5,000 जाएगा, एक को 3,000 जाएगा, एक को 2,000 जाएगा, ये रिलेटिव कॉन्ट्रीब्यूशन रेशियो। लेकिन रेसिडुअल प्रॉफिट मेथड क्या बोलता है, मतलब आप डायरेक्टली 10,000 को रिलेटिव कॉन्ट्रीब्यूशन रेशियो में मत डिवाइड करो। अब 10,000 अगर प्रॉफिट तीनों ने मिलकर कमाया तो थोड़ा थोड़ा तो तीनों को मिलना चाहिए ना, तो से फॉर एग्जांपल आप तीनों को 2,000 रुपया दे दो या 1,000 रुपया दे दो, तो तीनों को पहले 1,000 रुपया आप दे दो, ठीक है, एक एक आग बन करके, क्योंकि इतना तो सब डिजर्व ही करते, रेशियो में डिवाइड बाद में करना, पहले सबको थोड़ा थोड़ा पैसा दे दो। तो सपोज 10,000 रुपया आपने कमाया और सपोज तीनों को 1,000 रुपया दे दिया, ठीक है, या तीनों को 2,000 रुपया दे दिया, तो पहले वाले को 2 मिला, दूसरे को 2 मिला, तीसरे को 2 मिला। अब जो बच गया प्रॉफिट है, बच गया प्रॉफिट को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेसिडुअल प्रॉफिट, जो रेसिडुअल प्रॉफिट है वो आप रिलेटिव कॉन्ट्रीब्यूशन रेशियो में डिवाइड करो। ठीक है, ये बोला गया यहां पर पॉइंट नंबर बी के अंदर, ठीक है, इस तरीके से आप डिवाइड करोगे, यहां पर आपको एग्जांपल भी दिया गया। तो पहले वाले मेथड में आप डायरेक्टली रिलेटिव कॉन्ट्रीब्यूशन रेशियो में डिवाइड करो, दूसरे वाले में आप पहले तीनों आपस में डिसाइड कर लो, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट ले लो, बचा हुआ प्रॉफिट आप रिलेटिव कॉन्ट्रीब्यूशन रेशियो में डिवाइड कर दोगे। ठीक है, नेक्स्ट मेथड ट्रांजैक्शनल नेट मार्जिन मेथड, यहां पर क्या होता है, बहुत ज्यादा सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लेकिन ये क्यों, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में सबसे ज्यादा यूज होने वाला मेथड ट्रांजैक्शनल नेट मार्जिन मेथड ये। इसमें क्या करना है, इसमें आप अपने एसोसिएट एंटरप्राइज के साथ कुछ ट्रांजैक्शन कर रहे हो, ठीक है, तो आप अपना नेट प्रॉफिट ढूंढो, आप नेट प्रॉफिट रेशियो ढूंढो। अब नेट प्रॉफिट रेशियो ढूंढते समय आपका डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, देखो न्यूमरेटर तो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा लेकिन डिनोमिनेटर में क्या आएगा, तो यहां पर गवर्नमेंट बोलती है आपको एक प्रॉफिट लेवल इंडिकेटर चूज करना पड़ेगा। प्रॉफिट लेवल इंडिकेटर क्या होता है, जैसे टेस्टेड पार्टी सिलेक्ट करना एक कॉन्सेप्ट है, वैसे सिलेक्शन ऑफ प्रॉफिट लेवल इंडिकेटर भी एक कॉन्सेप्ट है जो आगे जाकर आएगा, लेकिन मैं अभी बता दे रहा हूं। सर प्रॉफिट लेवल इंडिकेटर का मतलब क्या होता है, सर नेट प्रॉफिट रेशियो कौन सा लेने का, देखो बहुत अलग अलग किस्म के नेट प्रॉफिट है, कोई कोई लेता है नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स, कोई कोई लेता है नेट प्रॉफिट अपॉन ऑपरेटिंग कॉस्ट, सर कौन सा लेने का, तो गवर्नमेंट बोलती है डिनोमिनेटर में वो नेट प्रॉफिट लो जो अनटेंटेड है, मतलब अनटेंटेड मतलब जो छेड़ा नहीं गया है, जो अनटेंटेड है, जो जो ज्यादा खराब नहीं है, जो अच्छा है, मतलब कैसे पता चलेगा हमको डिनोमिनेटर अनटेंटेड है या टेंटेड है। सुनो, अब अगर आप सेल्स कर रहे हो ना अपने एसोसिएट एंटरप्राइज को, सामान बेच रहे हो, तो देखो सेलिंग प्राइस अनटेंटेड होगा, टेंटेड मतलब उसमें गड़बड़ी होगी, तो डिनोमिनेटर आप एक्सपेंस ले लो। तो जब आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो डिनोमिनेटर आप एक्सपेंस ले लो, क्योंकि एक्सपोर्ट करने पर सेल्स में गड़बड़ी हो सकती है, परचेस में गड़बड़ी नहीं हो सकती। जब आप इंपोर्ट कर रहे हो तो डिनोमिनेटर आप सेल्स ले लो, क्योंकि इंपोर्ट कर रहे हो तो परचेस में गड़बड़ी हो सकती है, सेल में गड़बड़ी नहीं हो सकती। उस हिसाब से आपको डिनोमिनेटर सेलेक्ट करना है, टेंटेड या अनटेंटेड। तो एक्सपोर्ट करोगे तो सेल्स में गड़बड़ी होगी तो डिनोमिनेटर में एक्सपेंस ले लो, ऑपरेटिंग कॉस्ट ले लो, और इंपोर्ट कर रहे हो तो फिर एक्सपेंस में गड़बड़ी होगी, परचेस में गड़बड़ी होगी, कॉस्ट में गड़बड़ी होगी, तो डिनोमिनेटर में सेल्स ले लो। इस तरीके से आप सिलेक्ट करते हो पीएलआई प्रॉफिट लेवल इंडिकेटर। आई होप एवरीवन इज क्लियर। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, आपको अपना प्रॉफिट लेवल इंडिकेटर लेना है। जब आप अपने एसोसिएट एंटरप्राइज को बेचते हो तो कितने परसेंटेज का प्रॉफिट है आपका, 25%। अच्छा बेच रहे हो तो डिनोमिनेटर में क्या लो, सेल्स लो, कॉस्ट लो, कॉस्ट ले लो, क्योंकि सेल्स टेंटेड होगा। अच्छा उसके बाद में अनरिलेटेड पार्टी, अनरिलेटेड पार्टी अनकंट्रोल्ड ट्रांजेक्शन में कितना प्रॉफिट मार्जिन है, 45%। ठीक है, तो दोनों प्रॉफिट मार्जिन को आप कंपेयर करो, दोनों में कोई फंक्शनल डिफरेंस है। मैं बेचता हूं अपने रिलेटेड पार्टी को तो 25% है, अनरिलेटेड ट्रांजेक्शन के अंदर अनकंट्रोल्ड ट्रांजेक्शन में 45% मार्जिन है, दोनों में कुछ फंक्शनल डिफरेंसेस हो सकता है, तो प्रॉफिट मार्जिन को ऊपर नीचे करो और एक आर्म्स लेंथ प्रॉफिट पे आओ और उस हिसाब से अपना आर्म्स लेंथ प्राइस निकाल लो। ठीक है, चेक कर लो एक बार, फिर आगे बढ़ते। तो चलिए आगे बढ़ते टुवर्ड्स द नेक्स्ट मेथड, और नेक्स्ट मेथड के पहले यहाँ बहुत बड़ा भाषा ने इंस्टीट्यूट ने दिया, एक एग्जांपल दिया है, बहुत अच्छा है। ये बार इंस्टीट्यूट ने स्टडी मटेरियल में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कवर किए, तो ये चीज बराबर से देख लेना, लास्ट ईयर के स्टडी मटेरियल में इतने सारे क्वेश्चंस नहीं थे। ठीक है, नाउ छठे मेथड की तरफ बढ़ते हैं, एनी अदर मेथड। एनी अदर मेथड के बारे में सीबीडीटी ने कुछ बोला नहीं है, सीबीडीटी ने बोला है हम लोग टाइम के हिसाब से उसको प्रिस्क्राइब करेंगे। और एनी अदर मेथड में आने के लिए, अगर आपको एनी अदर मेथड में जाना है ना छठे मेथड में, यहाँ पर तो लिखा नहीं है बट मैं आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर से बता रहा हूँ कि एनी अदर मेथड अगर आपको सिलेक्ट करना है तो यू हैव टू गिव रीजन टू सीबीडीटी कि आप पहले पांच मेथड में से कोई मेथड आपके लिए क्यों फिट नहीं होता है, क्या आपके लिए कब फिट नहीं होता है, आप एक्सप्लेन करो क्यों कब फिट नहीं होता है, टीएसएम क्यों फिट नहीं होता है, ट्रांजेक्शन नेट मार्जिन मेथड क्यों फिट नहीं हो रहा है, कॉस्ट प्लस क्यों नहीं हो रहा है, आरएसएम क्यों नहीं हो रहा है, या आरपीएम जो भी है, रीसेल प्राइस मेथड, ये क्यों नहीं फिट हो रहा है आपके लिए। अगर आप ये प्रूव कर दोगे कि भाई पांचों के पांचों मेथड मेरे लिए सूट ही नहीं कर रहा, तब आपको छठे मेथड का ऑप्शन मिलने वाला है, नहीं तो आपको छठे मेथड का ऑप्शन नहीं मिलने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट 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 कुछ कॉन्सेप्ट अभी अपने को एक एक करके देखने पड़ेंगे जो इनकम टैक्स लॉ के अंदर दिए गए कि ट्रांसफर प्राइसिंग का पूरा खेल क्या होता है। आप अपने ट्रांजेक्शन को, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन को अनकंट्रोल ट्रांजेक्शन से कंपेयर करते हो। जब आप इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन को अनकंट्रोल ट्रांजेक्शन से कंपेयर करते हो किसी भी मेथड में, छह के छह मेथड में, किसी भी मेथड में, जब आप इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन को अनकंट्रोल ट्रांजेक्शन से मेथड में कंपेयर करते हो, आपको कुछ चीजें दिमाग में रखनी है। क्या क्या चीजें दिमाग में रखनी है, आपका नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन और सामने वाले का नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन सेम होना चाहिए। ठीक है, आपका फंक्शन परफॉर्म असेट एम्प्लॉयड रिस्क अज्यूम, ये और सामने वाले का फंक्शन परफॉर्म असेट एम्प्लॉयड और रिस्क अज्यूम सेम होना चाहिए। ठीक है, आपका कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म्स और सामने वाले के कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म्स में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होना चाहिए। ठीक है, और दूसरे कंडीशन जो प्रिवेल करते हैं मार्केट के अंदर, जैसे ज्योग्राफिकल लोकेशन, आप अगर यूएस में बेच रहे हो तो सामने वाला भी यूएस में बेचना चाहिए।
पता चल रहा है आप यूएस में बेच रहे हो, अब आप कंपेरेबल कहां का जिम्बाब्वे का ढूंढ के ला रहे हो, तो आप प्राइस में फिर डिफरेंस होगा, मासिव डिफरेंस होगा। ठीक है, साइज ऑफ मार्केट सेम होना चाहिए, नेचर ऑफ मार्केट सेम होना चाहिए। आपका होलसेल है तो सामने वाले का भी होलसेल, आपका रिटेल है तो सामने वाले का भी रिटेल, लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन सेम होना चाहिए। आप अगर 5,000 करोड़ की कंपनी हो तो सामने वाला 200 करोड़ की कंपनी नहीं होनी चाहिए, वो भी 5,000 करोड़ की कंपनी होनी चाहिए, उसका लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन भी सेम होना चाहिए आपके जैसा। तो ये सारी चीजें आपको दिमाग में रखनी चाहिए। ठीक है, नाउ इतना सब कंपेयर करने के बाद भी अगर आपको लगता है कि ऐसे कोई खास डिफरेंसेस नहीं है, और अगर डिफरेंसेस है, अगर डिफरेंसेस है कोई दोनों में, मतलब आपके इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन में और कंपेरेबल अनकंट्रोल ट्रांजेक्शन में, बाहर वाले ट्रांजेक्शन में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है, छोटे मोटे डिफरेंसेस है, और इतने डिफरेंसेस है कि हम लोग एडजस्टमेंट करके उसको एलिमिनेट कर सकते हैं, तो आप कंपेरेबल उठाओ। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके ट्रांजेक्शन और इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन और कंपेरेबल अनकंट्रोल ट्रांजेक्शन में, मतलब अंदर वाले ट्रांजेक्शन और बाहर वाले ट्रांजेक्शन में मैसिव डिफरेंसेस है, और इतना बड़ा डिफरेंस है कि प्राइस पे जबरदस्त इंपैक्ट पड़ सकता है, और इसको हम लोग एडजस्टमेंट्स करके एलिमिनेट नहीं कर सकते, तो फिर आपको वो पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को टच नहीं करना चाहिए। ये चीज दिमाग में रखना। ठीक है, नेक्स्ट, आपको डेटा कौन सा यूज करना चाहिए? जब आप कंपेरेबल अनकंट्रोल ट्रांजेक्शन बाहर से डेटा उठाते हो ना, डेटा, तो आपको डेटा कौन सा उठाना चाहिए? क्या करंट ईयर का डेटा उठाना चाहिए, या पास्ट ईयर का डेटा उठाना चाहिए, या करंट ईयर का भी चलेगा, पास्ट ईयर का भी चलेगा, जिस साल में ट्रांजेक्शन हुआ उस साल का डेटा उठाना चाहिए, या पिछले साल का डेटा उठाना चाहिए? देखो, जनरली तो आपको जिस साल का ट्रांजेक्शन है, अपने एग्जाम में हमारे लिए प्रीवियस 21-22 रेलेवेंट है, तो प्रीवियस 21-22 का डेटा उठाने की कोशिश करना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट ने तीन मेथड में बोला है, तीन मेथड के लिए बोला है, छह मेथड के लिए नहीं, सिर्फ तीन मेथड, रीसेल प्राइस मेथड, कॉस्ट प्लस मेथड और ट्रांजेक्शन नेट मार्जिन मेथड। ये तीन मेथड में बोला है कि अगर आपके पास आईटीआर भरते समय करंट ईयर का डेटा नहीं है, तो आप पांच शेयर का डेटा भी उठा सकते हो, सिर्फ ये तीन मेथड के लिए, बाकी तीन मेथड के लिए नहीं बोला है। बाकी तीन मेथड के लिए आपको जग मना के करंट ईयर का डेटा ढूंढ के लाना पड़ेगा कहीं ना कहीं से। ठीक है, लेकिन ये तीन मेथड में अगर आईटीआर भरते समय, इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय आपके पास करंट ईयर का डेटा नहीं है, तो आप पिछले सालों का डेटा भी उठा सकते हो। लेकिन आगे जाकर अगर असेसमेंट के टाइम पे आपको करंट ईयर का डेटा मिल जाता है, तो फिर से आपको करंट ईयर का डेटा लेना पड़ेगा, आपने आईटीआर भरते समय पिछले सालों का डेटा जो लिया था उसको इग्नोर करना पड़ेगा। यह भाषण दिया गया यहां पर, एक बार देख लो। फिर यहां पर इंस्टीट्यूट ने सारे के सारे पांच मेथड्स का यहां पर ब्रेकअप दिया है, मतलब बहुत अच्छे से चार्ट बना के दिया है कि पांचों मेथड्स में कैसे चलता है, ये आप गोथ्रू कर सकते हो, पेपर 7 में आपको ज्यादा काम आएगा। उसके बाद ये दो कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया, सिलेक्शन ऑफ टेस्टेड पार्टी क्या होता है, उस पार्टी को टेस्टेड पार्टी सिलेक्ट करो जिसका फंक्शंस लीस्ट कॉम्प्लेक्स है, बस इतना बोलना चाहता हूं। सिलेक्शन ऑफ प्रॉफिट लेवल इंडिकेटर क्या होता है, आपको टीएनएमएम में ज्यादा काम आएगा कि डिनोमिनेटर हैज टू बी अनटेंटेड। अगर आप सामान बेच रहे हो तो डिनोमिनेटर कॉस्ट ले लो, सामान खरीद रहे हो तो डिनोमिनेटर सेल्स ले लो। और यहां पर बहुत किस्म के पीएलआई होते हैं दुनिया में, जैसे रिटर्न ऑन एसेट्स होता है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, तो सबसे ज्यादा फेमस पीएलआई ये है और ये है। इंडिया में ये दो ज्यादा यूज होता है, बाकी ये सारे इंडिया में इतने ज्यादा यूज नहीं होते। ठीक है, एक बार ये देख लो, फिर आगे बढ़ते। Now, 92C जब हम पढ़ रहे थे तब हमने देखा था कि सबसे पहले ट्रांसफर प्राइसिंग के लिए आर्म्स लेंथ प्राइस एसएससी को खुद को निकालना होता है, सेल्फ कंप्यूटेशन। तो उस समय पे देखा था अपन, सेल्फ कंप्यूटेशन कैसे करेंगे, खुद से कैसे निकालूं, मेरे को थोड़ी कुछ आता है। यू हैव टू सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड आउट ऑफ द सिक्स मेथड। तो लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड कैसे सिलेक्ट करेगा, तभी मैंने आपको बताया उसके लिए गवर्नमेंट ने रूल 10C बनाया। और रूल 10C क्या बोलता है, कुछ क्राइटेरिया बताता है जिसके बेसिस पर आप मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड सिलेक्ट कर सकते हो। क्या क्राइटेरिया है, सबसे पहले आपका नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन और क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन उस मेथड को सूट करना चाहिए। अगर उस मेथड को आपका नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन सूट नहीं करता है, तो आपका वो मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर आप कोई जॉइंट वेंचर कर रहे हो, आपका नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन जॉइंट वेंचर है, तो आप कब मेथड नहीं कर सकते हो, तो आपको प्रॉफिट स्प्लिट मेथड ही करना पड़ेगा। उस हिसाब से आपको नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन के हिसाब से मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड चूज करना पड़ेगा। सेकंड, क्लास और क्लासेस ऑफ एसोसिएट एंटरप्राइज के हिसाब से उसके फंक्शंस क्या है, उसके असेट्स क्या है, उसके क्या फंक्शंस है। सपोज अगर मैन्युफैक्चरिंग है तो कॉस्ट प्लस मेथड ज्यादा सूट करेगा। सपोज अगर सर्विस प्रोवाइडर है तो, फॉर एग्जांपल, सपोज अगर डिस्ट्रीब्यूटर है, परचेस करता है सेल करता है, तो फिर उसको रीसेल प्राइस मेथड ज्यादा सूट करेगा। तो उस एसएससी के क्लास और नेचर ऑफ एसोसिएट एंटरप्राइज के हिसाब से डिटरमाइन करने का कि कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड है, उसके फंक्शंस परफॉर्म से, उसके असेट एम्प्लॉयज से, उसके रिस्क अज्यूम से। ठीक है, थर्ड इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप जो मेथड चूज कर रहे हो उसका मार्केट में डेटा अवेलेबिलिटी भी होना उतना इंपॉर्टेंट है। अगर आप मार्केट से मेथड चूज कर रहे हो, ठीक है, आप सपोज आपने कब मेथड चूज कर लिया, लेकिन उसका मार्केट में डेटा अवेलेबल नहीं है, कवरेज नहीं है उसका, अवेलेबिलिटी नहीं है, रिलायबल डेटा नहीं है, तो फिर कोई मतलब बता नहीं है। तो डेटा अवेलेबिलिटी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर डिग्री ऑफ कंपेरेबिलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो भी मार्केट से डेटा उठाओगे या कोई भी कंपनी को उठाओगे, वो 100% आपके जैसी सेम नहीं होगी, उसमें कुछ डिफरेंसेस होंगे, तो क्या हद तक उसमें अपने को एडजस्टमेंट करना पड़ सकता है। तो वो डिग्री ऑफ कंपेरेबिलिटी बहुत ज्यादा मतलब क्लोज होनी चाहिए, मतलब एकदम कंपेरेबल होना चाहिए, माइनर डिफरेंसेस होना चाहिए, और वो भी ऐसे होनी चाहिए जो एलिमिनेट कर सके हम। ठीक है, नेक्स्ट, अगला पॉइंट वही दिया गया है कि जब आप किसी से कंपेयर करते हो इसमें माइनर एडजस्टमेंट होने चाहिए, कुछ बहुत ज्यादा मेजर एडजस्टमेंट नहीं होना चाहिए। लास्ट बट नॉट लीस्ट, कि आप जो अजम्पशंस मेन कर रहे हो, आप ऑब्वियसली ट्रांसफर प्राइसिंग में बहुत सारे अजम्पशंस करने पड़ते हैं, क्योंकि ट्रांसफर प्राइसिंग पूरा का पूरा स्किल और जजमेंट का कॉन्सेप्ट है, ये मैथमेटिक्स पे नहीं चलता है, पूरा कॉन्सेप्ट और जजमेंट पे चलता है। ठीक है, आपके एक्सपीरियंस पे चलता है पूरा का पूरा ट्रांसफर प्राइसिंग का कॉन्सेप्ट। देयरफॉर आपकी क्या नेचर, एक्सटेंड एंड रिलायबिलिटी ऑफ अजम्पशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आप एक मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड को सिलेक्ट करते हो। सबसे इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन होता है,
सबसे इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से आपका क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन, आप क्या फंक्शन परफॉर्म करते हो, और मोर इंपॉर्टेंट, उससे भी इंपॉर्टेंट ज्यादा, आप सिलेक्ट तो कर लोगे कोई भी मेथड, उसका डेटा भी तो अवेलेबल होना चाहिए और रिलायबल डेटा होना चाहिए, उसके ऊपर रिलायबिलिटी होनी चाहिए, कोई भी फालतू डेटा नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको दिमाग में रखना चाहिए जब तुम सिलेक्ट करते हो एक मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ कमिंग टू वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर सीए फाइनल ट्रांसफर प्राइसिंग एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन पेपर 60, पेपर 7 एंड ऑल्सो इन प्रैक्टिकल लाइफ। पेपर 60 में भी इंपॉर्टेंट है, 7 में भी इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल लाइफ में इंपॉर्टेंट क्या है, रूल 10CA क्या बोलता है। ये पूरा का पूरा रूल मैं आपको इसी पेज पे समझा दूंगा, वैसे ये रूल बहुत सारे पेजेस में फैला हुआ है, लेकिन मैं आगे नहीं जा रहा हूं, मैं यहां पर ही आपको खड़े खड़े समझाऊंगा, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने ये आधा इधर दिया है, आधा उधर दिया है, आधा इधर आधा उधर, मैं आपको सब कुछ समझा देता हूं, डोंट वरी अबाउट इट। सबसे पहले ये रूल क्यों आया है, ये रूल आने का लॉजिक मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले ये रूल आने का लॉजिक क्या है, आप जब भी ट्रांसफर प्राइसिंग का प्रोसेस फॉलो करोगे तो आपको एक से ज्यादा आर्म्स लेंथ प्राइस आएगा ही, बहुत बार आएगा एक से ज्यादा आर्म्स लेंथ प्राइस। तो अगर आपको एक से ज्यादा आर्म्स लेंथ प्राइस आता है तो आप क्या करोगे, तो आप ये कॉन्सेप्ट फॉलो करोगे, रूल 10CA रेंज कॉन्सेप्ट। अब रेंज कॉन्सेप्ट कौन कौन से मेथड के लिए एप्लीकेबल है, चार मेथड के लिए एप्लीकेबल है, एक कप मेथड, एक रीसेल प्राइस मेथड, एक कॉस्ट प्लस मेथड, एक ट्रांजेक्शन नेट मार्जिन मेथड, ये चार मेथड के लिए अपना मेथड एप्लीकेबल है, ठीक है। कौन सा, ये रेंज कॉन्सेप्ट। रेंज कॉन्सेप्ट इज नॉट एप्लीकेबल, पहले एप्लीकेबिलिटी नॉन एप्लीकेबिलिटी समझ दो। रेंज कॉन्सेप्ट इज देयरफॉर नॉट एप्लीकेबल टू आपका प्रॉफिट स्प्लिट मेथड एंड आपका जो एनी अदर मेथड छठा मेथड है उसके लिए एप्लीकेबल नहीं, ये दो मेथड के लिए रेंज कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं है। रेंज कॉन्सेप्ट सिर्फ चार मेथड के लिए एप्लीकेबल है, उसमें से भी चार में से भी एक मेथड में आपको करंट ईयर का डेटा लेना है और तीन मेथड में आपको करंट ईयर प्लस लास्ट दो साल का डेटा का एवरेज लेना है, तभी जाकर आप रेंज कॉन्सेप्ट अप्लाई कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। तो कौन से मेथड सर, चार मेथड के लिए एप्लीकेबल है, वो आपने बता दिया, प्रॉफिट स्प्लिट मेथड आउट ऑफ स्कोप है, उसको बाहर निकालो, और ट्रांजेक्शन और आपका जो छठा मेथड है वो भी आउट ऑफ स्कोप है, उसको बाहर निकाल दो, बच गए चार। उसमें से जो तीन मेथड है उसमें आपको करंट ईयर और लास्ट ईयर का एवरेज लेना है, और कप मेथड में आपको सिर्फ करंट ईयर का डेटा लेना है, आपको करंट ईयर और लास्ट दो साल का एवरेज नहीं लेना है, पहले इतनी चीज दिमाग में रखो। फर्दर रेंज कॉन्सेप्ट के लिए आपके पास कम से कम मार्केट में जाकर 6 सिमिलर एंट्रीज होनी चाहिए या 6 से ज्यादा होनी चाहिए। अगर मार्केट में जाकर आप 6 सिमिलर ट्रांजेक्शन भी नहीं ढूंढ पाते हो तो रेंज कॉन्सेप्ट फिर से एप्लीकेबल नहीं है। तो उस केस में क्या करने का, मैं एंड में जाकर बताता हूं। मार्केट में जाकर आपको कप मेथड हो, टीएनएमएम हो, आपका प्रॉफिट स्प्लिट के लिए तो एप्लीकेबल नहीं है। कप मेथड हो, टीएनएमएम हो, कॉस्ट प्लस हो या रीसेल प्राइस मेथड हो, चारों के लिए आपको मार्केट में जाकर डेटा ढूंढ के लाना पड़ेगा, कम से कम 6 कंपनी का, उसमें से भी कप मेथड के लिए सिर्फ करंट ईयर का, बाकी तीन मेथड के लिए आपको करंट ईयर और लास्ट दो साल का डेटा लाना पड़ेगा। अब क्या डेटा लाना पड़ेगा, ठीक है, सुन लो अच्छे से, बहुत ज्यादा ध्यान से सुन देना। से फॉर एग्जाम्पल हम लोग टीएनएमएम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा एग्जाम्पल समझते, तो मार्केट में जाओ और कम से कम 6 कंपनी का करंट ईयर और लास्ट दो साल का डेटा लेकर आओ। क्या लेकर आओ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग कॉस्ट, क्यों ये चाहिए मुझे, 6 कंपनी का जो अनरिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शंस करती है, आपके जैसा सेम, आप ये बॉटल बेचते हो, ठीक है, तो मार्केट में से किसको बेचते हो, आप रिलेटेड पार्टी को बेचते हो बॉटल, लेकिन आपके पास एक से ज्यादा आर्म्स लेंथ प्राइस है, तो मार्केट में जाओ और दूसरे पार्टी को पकड़ो, ठीक है, ऐसी 6 पार्टी को पकड़ो जो ऐसे सिमिलर बॉटल बेचती है अनरिलेटेड पार्टी को, और उनका ओपी अपॉन ओसी लाओ, करंट ईयर और लास्ट दो साल का लेकर आ गए, उसको लाइन से डाल दो, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर एंड करंट ईयर। अब तीनों का ओपी ऐड करो, ओसी ऐड करो, ओपी ऐड कर दिया, ओसी ऐड कर दिया, ओपी तीनों साल का ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय तीनों साल का ऑपरेटिंग कॉस्ट, डिवाइड करो कितनी कंपनीज का, 6 कंपनीज का, और उनका ओपी अपॉन ओसी का परसेंटेज निकालो, ये निकाला, ये आ गया आपका पीएलआई, ठीक है। अब ये जो भी परसेंटेज आया, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, जो सबसे कम है वो सबसे पहले, जो सबसे ज्यादा है वो सबसे एंड में, और कितनी एंट्री है, 6 एंट्री है, 6 से ज्यादा ले सकते हो, ले सकते हो 7 ले सकते हो, 8 ले सकते हो, 10 ले सकते हो, 12 ले सकते हो, आपकी मर्जी। सपोज अपन ने 7 एंट्रीज ले लिया, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 6 बोला तो गवर्नमेंट ने अपने 7 ले लिया, 6 से कम नहीं होना चाहिए, 6 से कम लोगों का तो रेंज कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं। सपोज अपने 6 कंपनीज का एंट्री ले लिया, तो 6 या 7 कंपनीज का ले लिया, चलो 7 कंपनीज का असेंडिंग ऑर्डर में ओपी अपॉन ओसी डाल दिया नीचे। अब क्या करो, 7 कितनी एंट्रीज है, 7 का 35% डाल दो। अब अगर ये पॉइंट में आता है तो अगले नंबर पे जाओ, और अगर ये होल नंबर आता है तो करंट नंबर और अगले नंबर पे जो भी परसेंटेज है उसका एवरेज लो, ठीक है, उसके बाद 7 का 65% डाल लो। फिर से अगर वो पॉइंट में आता है तो अगले नंबर पे जाओ, और अगर होल नंबर आता है 3, 4, 5 ऐसा आता है तो फिर उस नंबर और अगले नंबर पे जो भी परसेंटेज उसका एवरेज लो, और फिर देखो 35 परसेंटाइल पे क्या परसेंटेज आता है और 65 परसेंटाइल पे क्या परसेंटेज आता है। आपका आर्म्स लेंथ प्राइस अगर उस रेंज में है तो गवर्नमेंट आपको कुछ नहीं बोलेगी, लेकिन अगर आपका आर्म्स लेंथ प्राइस उससे कम है तो फिर गवर्नमेंट आपको एक और काम करने बोलेगी कि अब आप 7 एंट्रीज का मीडियन लो। मीडियन अगर उस रेंज में आ जाता है 35 और 65% डाल तो बच गए, लेकिन अगर उस रेंज में नहीं आता तो मीडियन लेना पड़ेगा। 7 का मीडियन 3.5 इज द फ्रैक्शन, तो अगले नंबर पे जाओ 4, तो 4 पे देखो आपने 7 एंट्रीज डाली थी ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, उस पे 4 पे देखो कितना परसेंटेज है, वो परसेंटेज बन जाएगा आपका आर्म्स लेंथ प्राइस, उस हिसाब से आपको प्रॉफिट मार्जिन डिक्लेयर करना पड़ेगा। ये है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ रेंज। लेकिन ये रेंज कॉन्सेप्ट कब एप्लीकेबल है, जब आपके पास कम से कम 6 एंट्रीज या उससे ज्यादा एंट्रीज होनी चाहिए मार्केट में। उसमें कप मेथड में आपको एवरेज देने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली आप 6-7 प्राइस लाइन से लिख दो और उसका फिर बाद में 35% लो, 65% लो, और ये पूरा कैलकुलेशन मैंने आपको क्लास में सिखाया था, पूरा सीबीडीटी के ओरिजिनल एग्जांपल्स के साथ।
नाउ लिसन केयरफुली, बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना मेरी बात, अगली बात बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना, अगली बात क्या है, पे अटेंशन प्लीज ऑल ऑफ यू, बहुत ज्यादा ध्यान से सुनने वाली बात है। सर छह से कम एंट्री हुई तो, और प्रॉफिट स्प्लिट मेथड और उसमें क्या करेंगे बिचारे, अदर मेथड में तो उसमें कुछ नहीं। देखो चार मेथड में तो छह से कम एंट्री हुई तो रेंज कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं, और प्रॉफिट स्प्लिट मेथड में तो कभी भी एप्लीकेबल नहीं, और वो छठे मेथड में, तो वो सब केस में क्या करने का सर, वो सब केस में कुछ नहीं करने का, जितनी भी एंट्रीज आपके पास है उसका अरिथमेटिक एवरेज लो, बस खत्म हो गया। सपोज आपके पास चार ही एंट्री है तो चारों का एवरेज लो, वो बन जाएगा आपका आर्म्स लेंथ प्राइस। उसमें भी जब आप उसको कंपेयर करोगे अपने एक्चुअल प्राइस से, और अगर दोनों में 3% से कम का डिफरेंस है ना, तो गवर्नमेंट वहां पर भी कुछ नहीं बोलेगी। सपोज आपको एवरेज आ गया 103 रुपया और आपका एक्चुअल आर्म्स लेंथ प्राइस 102 रुपया, तो गवर्नमेंट कुछ नहीं बोलेगी, 102 रुपया भी मान के चलेगी। हाँ 3% से ज्यादा का डिफरेंस आएगा तो ही गवर्नमेंट आप पे क्वेश्चन करेगी, नहीं तो नहीं करने वाली है। ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है रेंज कॉन्सेप्ट, ठीक है, ये चीज दिमाग में रखना, दिस इज व्हाट रेंज कॉन्सेप्ट इज ऑल अबाउट, एक बार देख लो फिर आगे बढ़ेंगे। ये पूरा भाषण यहाँ पर आपको मिलेगा, 35% डाल क्या होता है, 65% डाल क्या होता है, और लेकिन यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली इंस्टीट्यूट ने कोई ढंग के एग्जांपल नहीं डाले, उसके लिए आपको अपनी टेक्स्ट बुक देखनी पड़ेगी जो अपने डायरेक्ट टैक्स के अंदर पढ़ा है, ठीक है, रेगुलर बैच में भी पढ़ा हमने, फास्ट ट्रैक बैच में भी पढ़ा और मैंने पेपर सिक्स में भी पढ़ा, ठीक है, एक बार देख लो फिर आगे बढ़ते। नाउ लेट अस मूव ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट। अगेन एक कॉन्सेप्ट है, मैंने आपको पहले ही बोला कि आर्म्स लेंथ प्राइस निकालते समय आपको तीन चीज दिमाग में रखना, एक तो 92C के बारे में आपको पढ़ लेना अच्छे से, उसके बाद उसके रूल्स पढ़ लेना जिसमें 5-6 मेथड्स दिए गए, और उसके बाद आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ना है जैसे सिलेक्शन ऑफ टेस्टेड पार्टी, सिलेक्शन ऑफ PLI, और यहाँ पर अभी फार एनालिसिस, और फिर बाद में कंपेरेबिलिटी एडजस्टमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल आइटम्स, ठीक है, ये चार कॉन्सेप्ट्स आपको बहुत अच्छे से दिमाग में रखने होंगे व्हाइल कंप्यूटिंग द आर्म्स लेंथ प्राइस इन प्रैक्टिकल लाइफ। एकेडमिकली शायद ये कॉन्सेप्ट्स इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नाउ फार एनालिसिस क्या होता है, फंक्शंस असेट्स एंड रिस्क एनालिसिस, इसके बारे में हमने बहुत बार सुना है, बहुत जगह पर ये आते रहता है, लेकिन अभी इसके बारे में हम लोग एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं। यहाँ पर देखो क्या बोला गया है कि आपको जब भी आप किसी बाहर के ट्रांजेक्शन से, दैट इज अनकंट्रोल्ड ट्रांजेक्शन से अपने आपको कंपेयर करते हो ना, तो आपको फार एनालिसिस कर लेना चाहिए। किसका फार एनालिसिस, खुद का फार एनालिसिस, तुम्हारे फंक्शंस क्या है, तुम क्या असेट यूज कर रहे हो, तुम क्या रिस्क यूज कर रहे हो, तुम्हारे बिजनेस में क्या रिस्क है, वो सारी चीजें सामने वाली एंटिटी जिससे आप कंपेयर कर रहे हो उसमें भी होना चाहिए। जैसे इंस्टीट्यूट ने यहाँ पर एक बहुत बचकाना एग्जांपल दिया, ठीक है, बोलता है क्या मैन्युफैक्चरर को लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर से कंपेयर कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। क्या मैन्युफैक्चरर को मैन्युफैक्चरर से कंपेयर करना चाहिए, डेफिनेटली करना चाहिए। तो ये बहुत ही ज्यादा बचकाना लेवल का एग्जांपल है पेपर सिक्स में, ऐसी चीजें मैं इंस्टीट्यूट से कम एक्सपेक्ट नहीं करता हूं, ठीक है, एनीवेज समझाने के लिए ठीक है चलो, लेकिन क्या अभी इतने बचकाने लेवल पे। फंक्शंस परफॉर्म, हम तीनों एलिमेंट पे इंस्टीट्यूट ने थोड़ा थोड़ा भाषण डाला, ठीक है, फंक्शंस परफॉर्म का मतलब क्या होता है, आप देखो आपके बिजनेस में क्या क्या फंक्शंस है, और फिर बाद में वो सारे फंक्शंस सामने वाले के बिजनेस में भी होने चाहिए जिससे आप अपने आपको कंपेयर कर रहे हो, लेकिन क्या सारे के सारे फंक्शन सेम होने चाहिए, नहीं नहीं नहीं, इंस्टीट्यूट बोलता है और गवर्नमेंट भी बोलता है और ग्लोबली डिफरेंट टैक्स प्रैक्टिशनर्स और गवर्नमेंट भी बोलती है कि भाई आपको सारे फंक्शंस नहीं कंपेयर करना है, आपको चेक करना है आपके बिजनेस में क्रिटिकली इंपॉर्टेंट फंक्शंस कौन से हैं जो आपको प्रॉफिट कमाने में बहुत ज्यादा मदद करते हैं। बिजनेस में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, R&D एक फंक्शन है, बजटिंग एक फंक्शन है, परचेज एक फंक्शन है, मैन्युफैक्चरिंग फंक्शन है, वेयरहाउसिंग एक फंक्शन है, मार्केटिंग एक फंक्शन है, बिजनेस प्रोसेसिंग, शेड्यूलिंग, सुपरविजन, बहुत सारे फंक्शन है, लेकिन अब आपको इसमें सिलेक्ट करना पड़ेगा आपके बिजनेस में क्रिटिकली इंपॉर्टेंट फंक्शन कौन से है, और फिर देखो जो क्रिटिकली इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो आपको ज्यादा रिटर्न कमाने में मदद करते हैं आपके कंपेरेबल में भी वो सारे फंक्शंस होने चाहिए, ठीक है, ये करना बहुत जरूरी है। इसके बगैर आप गलत कंपेरेबल चूज कर लोगे और गलत कंपेरेबल चूज कर लोगे पूरा ट्रांसफर प्राइसिंग का स्टडी आपका खराब हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से असेट एम्प्लॉय करते समय आपको ध्यान देना है कि आपके बिजनेस में कैसे असेट्स है, सामने वाले के बिजनेस में कैसे असेट्स है, आपके बिजनेस में जो असेट्स है क्या सिमिलर असेट्स वहां पर है। मिसाल के तौर पर अगर आपके बिजनेस में टैंजिबल असेट्स है और इनटैंजिबल असेट्स भी है, तो जनरली इनटैंजिबल असेट्स आर सब्जेक्ट टू सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इन टुडेज डेट, क्योंकि आज की तारीख में अगर आपके बिजनेस में टेक्निकल नोहाउ है, ट्रेडमार्क है, पेटेंट है, ये सब चीजों से आपका बिजनेस में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होगा, तो सामने वाले बिजनेस में भी तो ये सारी चीजें होनी चाहिए। अगर सामने वाले बिजनेस में ये सारी चीजें नहीं होगी तो वो अपना प्रॉफिट कम दिखाएगा, आप अपना प्रॉफिट ज्यादा दिखाओगे, कंपेरेबल ठीक से नहीं होगा। देयरफॉर यू नीड टू क्लासिफाई द नेचर ऑफ असेट, कि आपके बिजनेस में टैंजिबल असेट है, इनटैंजिबल असेट है, दोनों है, और फिर सामने वाले से कंपेयर करो, ठीक है। तीसरा, आपको अपना रिस्क एपेटाइट भी चेक करना पड़ेगा, आपके बिजनेस में कितना रिस्क है, क्योंकि जनरली रिस्क एंड रिटर्न्स गो हैंड इन हैंड, जैसे कि यहाँ पर लिखा है और हम सबको पता है, इट्स बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कि जैसे रिस्क बढ़ेगा रिटर्न बढ़ेगा, जैसे रिस्क घटेगा रिटर्न घटेगा, ठीक है। देयरफॉर अगर मैं ज्यादा रिस्क ले रहा हूं तो मैं ज्यादा रिटर्न भी तो एक्सपेक्ट करूंगा, तो सामने वाला भी ज्यादा रिस्क ले रहा है तो उसका भी ज्यादा रिस्क रिटर्न एक्सपेक्ट करेगा। तो अब रिस्क भी कितने किस्म के होते हैं, बहुत किस्म के होते हैं, यहाँ पर अलग अलग टाइप के रिस्क दिए। जैसे मार्केट रिस्क, मार्केट रिस्क क्या होता है कि जैसे कंपटीशन बढ़ गया तो मेरे को रिस्क है, जैसे प्राइसिंग सामने वाले ने चेंज कर दिया कंपटीटर ने तो मेजर टेंशन है, तो डिमांड पोजीशन बदल गया, डिमांड पैटर्न बदल गया, नीड्स ऑफ कस्टमर बदल गई, कोई नया कस्टमर पेनिट्रेट करने आ गया। अब ये सारे रिस्क मेरे बिजनेस में, तो सामने वाले के बिजनेस में भी तो ये सारे रिस्क होने चाहिए। अगर ये सारे रिस्क मेरे बिजनेस में है तो मैं ज्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट करूंगा, तो सामने वाले के बिजनेस में भी अगर ये सारे रिस्क होंगे तो मैं उन दोनों को कंपेयर कर पाऊंगा ना,
सिमिलरली इन्वेंटरी रिस्क हो सकता है। इन्वेंटरी रिस्क में क्या हो सकता है, दो रिस्क हो सकते हैं, एक तो यार ओवर स्टॉकिंग का रिस्क हो गया, बहुत ज्यादा स्टॉक कर लिया, एक तो स्लो और नॉन मूविंग इन्वेंटरी का भी रिस्क हो सकता है। जैसे क्या हो सकता है कि मेरा सामान बिकी नहीं रहा, साला बिकी नहीं रहा, बिकी नहीं रहा, बिकी नहीं रहा, वो एक बहुत बड़ा दुख हो सकता है। तीसरा क्रेडिट रिस्क, बहुत बड़ा रिस्क है कि मैंने सामान, मैं लोगों को क्रेडिट पे बेचता हूं तो मुझे क्रेडिट रिस्क है, पैसा आएगा कि नहीं आएगा, सामने वाले में भी तो वो रिस्क होना चाहिए। प्रोडक्ट लायबिलिटी रिस्क क्या होता है कि मैंने प्रोडक्ट तो बना दिया, उसके बाद में प्रोडक्ट फेल हो गया, तो प्रोडक्ट खराब हो गया, तो कस्टमर को इंजरी हो गई, तो जैसे नोट सेवन आया था सैमसंग का, वो फ्लाइट में जाके फटने लगा, तो फ्लाइट में मना कर दिया उसको, और सैमसंग ने उसको प्रोडक्ट को रिकॉल किया सबको कि भाई वापस दो नोट 7 तो खपके घर में बॉम्ब की तरह फट रहा है। देयरफॉर ये बहुत बड़ा रिस्क है, प्रोडक्ट लायबिलिटी रिस्क। फॉरेन एक्सचेंज रिस्क हो सकता है कि मैं फॉरेन करेंसी में डील करता हूं, सामने वाला डील नहीं करता है, वो रिस्क हो सकता है। आरएनडी का रिस्क हो सकता है, मेरा आरएनडी अनसक्सेसफुल हो गया तो वो एक अलग रिस्क है मुझे। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रिस्क है कि मैंने 1,00,000 यूनिट की कैपेसिटी बना के रखा हूं, मेरा 10,000 भी प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, उतना भी बिक नहीं पा रहा है, वो एक अलग रिस्क है, मुझे सामने वाली एंटिटी में भी होनी चाहिए। अट्रीशन रिस्क, एक अच्छे एम्प्लॉई को ऑर्गेनाइजेशन से आप लूज करोगे, उससे बड़ा रिस्क जिंदगी में और कोई नहीं हो सकता, ये चीज दिमाग में रखना। एक ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉई अच्छे से काम कर रहा है तो उसको खुश रखो, अगर वो दुखी हुआ तो वो आपको छोड़ के जाएगा, और अगर वो आपको छोड़ के जाएगा तो आपकी बैंड बच जाएगी, ठीक है। देयरफॉर लॉस ऑफ अट्रीशन रिस्क, ये भी बहुत बड़ा रिस्क है, तो सामने वाली एंटिटी में देखो वो रिस्क है क्या, ये सारी चीजों को आपको कंपेयर करना होगा, रिस्क स्टडी करना पड़ेगा। देयरफॉर कंक्लूजन क्या हो रहा है फॉर एनालिसिस का, आपको सारे फंक्शंस नहीं कंपेयर करने, आपको सारे रिस्क नहीं कंपेयर करने, आपको सारे असेट्स कंपेयर नहीं करने, आपको कंपेयर करना है क्रिटिकली इंपॉर्टेंट चीजें जो आपके बिजनेस में आपके प्रॉफिट एलिमेंट को बढ़ाने के लिए काम आता है। देयरफॉर कंक्लूड करने के लिए, समराइज करने के लिए, फॉर एनालिसिस हमको क्या मदद कर रहा है, ये एनालिसिस करके हमको क्या अचीव हो रहा है, ये एनालिसिस करके हमको अचीव हो रहा है कि हम नेचर ऑफ फंक्शंस परफॉर्म कर पा रहे, हम ये डिटरमाइन कर पा रहे कि हमारे और सामने वाले एंटिटी के नेचर ऑफ फंक्शन क्या है, कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रू एंटिटी का कैरेक्टराइजेशन क्या है, साथ साथ में हम फार एनालिसिस के से हम लोग को यह पता चल पाता है कि हम कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड सेलेक्ट करें, क्योंकि सबसे बड़ा दुख मेरे को ऊपर गवर्नमेंट ने डाल दिया कि तेरे को सिलेक्ट करना है, एसएससी को सिलेक्ट करना है, मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड कौन सा है, तो बाप रे वो भी मेरे पे जिम्मेदारी डाल दी है। तो ये सारी चीजें अपने को करने में, मतलब एक प्रॉपर ट्रांसफर प्राइसिंग स्टडी करने में आपको फॉर एनालिसिस काम आता है और कुछ नहीं, ठीक है। अब यहां पर नीचे इंस्टीट्यूट ने अपनी तरफ से मेहनत की है कि मैन्युफैक्चरर के बिजनेस में क्या फंक्शंस होते हैं, क्या एसेट होते हैं, क्या रिस्क होते हैं, ट्रेडर के बिजनेस में क्या फंक्शंस, क्या एसेट, क्या रिस्क, और सर्विस प्रोवाइडर के बिजनेस में क्या फंक्शंस, क्या एसेट, क्या रिस्क, ठीक है। तो ये आप एक बार गो थ्रू कर सकते हो अगर आप चाहते हो, तो इतना ज्यादा एकेडमिकली इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक बार गो थ्रू कर सकते हो फॉर द पर्पस ऑफ नॉलेज, ठीक है। नाउ कंपेटिबिलिटी एडजस्टमेंट, आप जब सामने वाली एंटिटी से अपने आपको कंपेयर करते हो, तो मैंने आपको पहले बोला आपको 100% सेम ट्रांजेक्शन नहीं मिलने वाला, आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। अब बहुत सारे किस्म के एडजस्टमेंट होते हैं, अब उसमें से कुछ और इंपॉर्टेंट और कुछ क्रिटिकल एडजस्टमेंट्स आज हम लोग पढ़ने वाले, जिसका नाम है वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन एडजस्टमेंट, रिस्क एडजस्टमेंट एंड अकाउंटिंग एडजस्टमेंट। ये चार एडजस्टमेंट कुछ एडवांस लेवल के एडजस्टमेंट्स हैं। नॉर्मल एडजस्टमेंट तो आप पढ़ते रहते हो कि यहां पर वारंटी दिया, यहां वारंटी नहीं दिया, यहां डिस्काउंट दिया, यहां डिस्काउंट नहीं दिया, यहां एफओबी प्राइस है, यहां सीआईएफ प्राइस है, वो सब तो पढ़ते रहते हो। अब वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट आप जरा समझने की कोशिश करो। वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट क्या होता है, देखो सपोज आप किसी को सामान बेचते हो ऑन क्रेडिट बेसिस और सामने वाला किसी को सामान बेचता है ऑन कैश बेसिस, मुझे बताओ ऑब्वियसली सामने वाले का प्रॉफिट मार्जिन कम होगा कि नहीं होगा, डेफिनेटली होगा, क्योंकि आपका प्रॉफिट मार्जिन क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि आप जब सामने वाले को सामान बेचते हो क्रेडिट बेसिस पर, तो आप सामने वाले से अपना कॉस्ट रिकवर करते हो, अपना प्रॉफिट रिकवर करते हो, और टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी तो रिकवर करोगे, क्योंकि सामने वाला बंदा आपको पैसा आज नहीं दे रहा, 2 महीने बाद दे रहा है क्रेडिट पे, लेकिन आपका कंपेरेबल जब कैश में बेचता है तो वो सिर्फ 2 ही चीज रिकवर कर सकता है, दैट इज प्रॉफिट रिकवर कर सकता है, कॉस्ट रिकवर कर सकता है, वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी कैसे रिकवर करेगा, क्योंकि उसको तो जगह पे पैसा मिल रहा है, तो इट इज अनफेयर टू कंपेयर सच ट्रांजैक्शन। इसीलिए आपको वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट्स करना जरूरी है, ये भाषण दिया गया, ये पूरे के पूरे पैराग्राफ में आप चेक कर सकते हो, ठीक है। सेकंड, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन एडजस्टमेंट, सपोज आपकी 1,00,000 यूनिट की कैपेसिटी है, सामने वाले की भी 1,00,000 यूनिट की कैपेसिटी है, आपने 90,000 कैपेसिटी यूटिलाइज कर लिया, सामने वाले ने 30,000 भी कैपेसिटी यूटिलाइज नहीं कर पाया, तो अगर आप ज्यादा कैपेसिटी यूटिलाइज कर लेते हो तो आपका फिक्स्ड ओवरहेड घट जाएगा, और सामने वाला कम कैपेसिटी यूटिलाइज करता है तो उसका फिक्स्ड ओवरहेड ज्यादा दिखेगा, तो इट इज नॉट करेक्ट टू कंपेयर लाइक दिस, ठीक है। तो अगर ऑब्वियस बात है ना, अगर मैं ज्यादा कैपेसिटी यूटिलाइज करता हूं तो मेरा एब्जॉर्प्शन रेट कम हो जाएगा ना फिक्स्ड ओवरहेड का, और सामने वाला, अब इसके लिए ज्यादा कॉस्टिंग पड़ो जाकर जिंदगी में, ठीक है, अगर नहीं समझ में आता तो, और सामने वाले की अगर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 1,00,000 यूनिट के सामने से 30,000 की कैपेसिटी यूटिलाइज कर पा रहा है, तो उसका एब्जॉर्प्शन रेट हाई होगा, उसका कॉस्ट ज्यादा होगा, तो इसका भी एडजस्टमेंट करना चाहिए, ठीक है। रिस्क एडजस्टमेंट करना भी जरूरी है, क्या आपका रिस्क एलिमेंट और सामने वाले का रिस्क एलिमेंट सेम है, अगर है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो उसका भी आपको एडजस्टमेंट करना चाहिए, नहीं तो आपको ट्रांसफर प्राइसिंग का गलत इंफॉर्मेशन मिलेगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अकाउंटिंग एडजस्टमेंट करना भी बहुत जरूरी है। अकाउंटिंग एडजस्टमेंट मतलब आप अगर कोई रेशियो निकाल रहे हो नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स, और सामने वाला भी कोई रेशियो निकाल रहा है नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स, या आप कोई आरओसी निकाल रहे हो ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन व्हाट कैपिटल एम्प्लॉयड, वो भी रेशियो निकाल रहा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, लेकिन अकाउंटिंग सिस्टम ही दोनों का अलग है, सिस्टम ही अलग है, से आप इंडेक्स फॉलो कर रहे हो आईएफआरएस फॉलो कर रहे हैं, या आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हो वो इंडेक्स फॉलो कर रहा है, तो आपको अकाउंटिंग एडजस्टमेंट्स भी करने पड़ेंगे टू मेक बोथ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट पार विद ईच अदर, उसको बोलते हैं अकाउंटिंग एडजस्टमेंट। तो ये कुछ एडवांस लेवल के एडजस्टमेंट्स हैं, इनको एक बार देख लो फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट, एंड दैट इज विद रिस्पेक्ट टू डॉक्यूमेंटेशन इन ट्रांसफर प्राइसिंग। ट्रांसफर प्राइसिंग के अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन एक एसएससी को मेंटेन करना पड़ता है उसके बारे में दिया गया है सेक्शन 92D के अंदर,
और इसमें तीन सबसेक्शन बनाए गवर्नमेंट ने। सबसे पहला सबसेक्शन बोलता है कि अगर कोई एसएससी अगर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करता है और अगर डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन भी करता है, स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन, जिसके बारे में इंस्टीट्यूट ने यहाँ पर लिखा नहीं है, मैंने आपको पहले ही बोला है डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन में इंस्टीट्यूट इस पेपर में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन पेपर 7 में आपके लिए रेलेवेंट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन या इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करते हो तो आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करने पड़ेंगे। ठीक है, नाउ कितने साल तक मेंटेन करने पड़ेंगे, यू हैव टू मेंटेन इट फॉर द प्रीवियस फॉर द 8 इयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट एवाई, रेलेवेंट एवाई के एंड से 8 साल तक आपको मेंटेन करने पड़ेंगे। और वो सारे डॉक्यूमेंटेशन क्या होते हैं, वो सारे डॉक्यूमेंटेशन क्या होते हैं उसके बारे में मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूं। और एक और चीज, ये सारे डॉक्यूमेंटेशन अगर एओ और सीआईटी अपील अगर आपसे मंगवाते हैं तो आपको ईमानदारी से उनको 30 डेज के अंदर दे देना है। अगर एओ सीआईटी अपील मंगवा रहे हैं तो 30 डेज में जाकर उनको डॉक्यूमेंटेशन दे दो। अगर 30 डेज में नहीं दे पा रहे हो तो आप एप्लीकेशन दो और एक्सटेंशन मिल जाएगा और 30 डेज का, तो और 30 डेज के अंदर भी दे दो तो 30+30 मैक्सिमम 60 डेज में आपको मिल जाएगा अलॉन्ग विद द एक्सटेंशन। ठीक है, नाउ द सवाल ये उठता है कि इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करने हैं, डॉक्यूमेंटेशन कौन कौन से मेंटेन करने हैं और बीच में कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी एक्सेट्रा, ये सब चीजों के बारे में सेक्शन 286 ये सब के बारे में भी बात की गई है, उसके बारे में मैं थोड़ी देर के बाद में बात करूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, लेकिन सबसे पहले अपने को ये देखना पड़ेगा गवर्नमेंट ने कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन एसएससी को मेंटेन करने के लिए बोला है। उसके लिए गवर्नमेंट ने बनाया रूल 10D, रूल 10D प्रिस्क्राइब किया गवर्नमेंट ने और उसमें आपको ये सारे डॉक्यूमेंटेशन आपको मेंटेन करने पड़ेंगे। ठीक है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स और इन्फॉर्मेशन आपको 8 साल तक मेंटेन करके रखना पड़ेगा। ठीक है, नाउ देखते चलो ये क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन है। सर ये क्या डॉक्यूमेंटेशन सबके लिए एप्लीकेबल है, लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, ये सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है। ये सारे के सारे डॉक्यूमेंटेशन सिर्फ वही लोग 8 साल तक मेंटेन करेंगे जिनका, सुन लो, एग्रीगेट वैल्यू ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन इन अ प्रीवियस ईयर एक्सीड्स 1 करोड़ रुपीज। अगर पूरे साल में अगर आपका इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन 1 करोड़ क्रॉस नहीं होता है तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करना जरूरी नहीं है। 1 करोड़ क्रॉस हो जाता है तो ये सारे डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करना जरूरी है, और 1 करोड़ से कम है तो आप सिर्फ उतने डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करो जिससे आप डिपार्टमेंट को ये प्रूव कर सको कि आपने आर्म्स लेंथ प्राइस कैसे निकाला। ठीक है, तो मतलब अगर आपका से पूरे साल का ट्रांजेक्शन वैल्यू 5 लाख है, 10 लाख है, 15 लाख है, तो आपको इतने सारे डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करना है जिससे आप प्रूव कर सको कि भाई आपका आर्म्स लेंथ प्राइस कैसे निकाला गया है। बस वो टेक्निक बताना पड़ेगा डिपार्टमेंट को वो डॉक्यूमेंट्स के थ्रू। सारे डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करने की आपको जरूरत नहीं। ठीक है, नाउ अब जिसका एग्रीगेट वैल्यू ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन इज एक्सीडिंग 1 करोड़ रुपीज, तो उनको क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करना है, चलो देख लेते। सबसे पहला उनका ओनरशिप स्ट्रक्चर उनको मेंटेन करना पड़ेगा, प्रोफाइल ऑफ द कंपनी बताना पड़ेगा, बिजनेस का डिस्क्रिप्शन बताना पड़ेगा, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन का नेचर और टर्म्स बताना पड़ेगा, फिर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन में आपके क्या फंक्शन परफॉर्म हो रहे हैं, क्या रिस्क अज्यूम्ड है, क्या एसेट एम्प्लॉयड है वो बताना पड़ेगा, इकोनॉमिक मार्केट एनालिसिस मतलब बजट एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस, ये सारी चीजें करनी पड़ेगी। उसके बाद में अनकंट्रोल ट्रांजेक्शन पे आ जाओ, अभी तक तो हम लोग अपना डिस्कशन कर रहे थे, अब बाहर की पार्टी का भी आपको डेटा देना पड़ेगा, अनकंट्रोल ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड देना पड़ेगा, आपने अपने ट्रांजेक्शन को अनकंट्रोल ट्रांजेक्शन से कैसे कंपेयर किया उसका एनालिसिस बताना पड़ेगा, आपने कौन सा मेथड चूज किया, ये मेथड क्यों चूज किया, वाई दिस मेथड इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड, आर्म्स लेंथ प्राइस का कंप्यूटेशन बताना पड़ेगा, फिर बाद में क्या क्या अजम्पशन लिए, क्या पॉलिसी लिए और कोई और इन्फॉर्मेशन अगर सीबीडीटी आपको बोलेगी तो ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको और ये डॉक्यूमेंटेशन आपको मेंटेन करने पड़ेंगे। फिर मैंने आपको बता दिया इसके लिए मैंडेटरी लिमिट कितनी है, 1 करोड़ है, और 1 करोड़ के नीचे है तो आपको कुछ मिनिमम डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे जस्ट टू एस्टैब्लिश द फैक्ट दैट कि आपने आर्म्स लेंथ प्राइस कैसे निकाला। ठीक है, अब ये सारे डॉक्यूमेंटेशन और इन्फॉर्मेशन को अगर आपको प्रूव करना है कि सही है या गलत है, उसके लिए सीबीडीटी बोलती है आपके पास कुछ ऑथेंटिकेटेड डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, मतलब आपने जो भी इन्फॉर्मेशन पिछले पेज पर या डॉक्यूमेंट्स इन पिछले पेज पर मेंटेन करके रखा है उसकी ऑथेंटिसिटी हम कैसे जाने, क्या ये जेन्यून है या गलत है या सही है, हमें कैसा पता चलेगा। उसके लिए सीबीडीटी ने बोला ये सारे प्रूफ होना चाहिए, एक बार ये ग्रो थ्रू कर लेना, एग्जाम के लिए इतना ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसमें बोला गया कि आपके पास कुछ ऑफिशियल पब्लिकेशन के थ्रू प्रूव करो, रिपोर्ट्स के थ्रू प्रूव करो, कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू प्रूव करो, लेटर्स के थ्रू प्रूव करो, डॉक्यूमेंट्स के थ्रू प्रूव करो, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट एक्सेट्रा, ये सब के थ्रू प्रूव करो कि ये सब डॉक्यूमेंट्स और इन्फॉर्मेशन जेन्यून है। ठीक है, नाउ ये सब डॉक्यूमेंट्स इन्फॉर्मेशन आपको कब तक देना है गवर्नमेंट को कब तक देना है, आपको हर साल वो जब आप टैक्स ऑडिट रिपोर्ट भरोगे उसके साथ में आपको ये सब इन्फॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स देना पड़ता है। ठीक है, नाउ क्या हर साल ये डॉक्यूमेंट्स और इन्फॉर्मेशन देना जरूरी है? सुन लो, अभी जो डॉक्यूमेंट्स और जो इन्फॉर्मेशन हर साल बदलता नहीं है वो हर साल देने की जरूरत नहीं, द इन्फॉर्मेशन विच चेंजेस एवरी ईयर, जैसे ओनरशिप स्ट्रक्चर हर साल नहीं बदलता है तो उसको हर साल मत दो, एक साल दे दोगे तो चलेगा। ठीक है, नीचे वही लिखा है, चेक करो। प्लस कितने साल तक मेंटेन करना है ये सारे डॉक्यूमेंट्स और इन्फॉर्मेशन, मैंने आपको बता दिया 8 साल तक, यू हैव टू मेंटेन दिस फॉर 8 इयर्स। ठीक है, नाउ लिसन केयरफुली। अब इसके नीचे जो 4-5 पेज है ना अगले, सब आईसीआई का भाषण है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनकम टैक्स एक्ट में नहीं दिया है, ये सब इंस्टीट्यूट ने अपनी तरफ से मिर्च मसाला लगा के ये सारे डॉक्यूमेंटेशन, गवर्नमेंट का जो भाषण है ना वो ये भाषण है, ये पूरा भाषण गवर्नमेंट का, यहां से लेकर यहां तक ये सब भाषण गवर्नमेंट का, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोविजन है यहां तक। लेकिन अब यहां से जो अगले 4-5 पेज आने वाले हैं ये सब टाइम पास है, इतना ज्यादा एकेडमी के लिए भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये इंस्टीट्यूट ने अपनी तरफ से सारे डॉक्यूमेंटेशन का कैटेगराइजेशन किया है, सारे इंफॉर्मेशन का कैटेगराइजेशन किया है, स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है,
अब इसमें क्या किया इन्होंने, एक एग्जीक्यूटिव समरी बनाया, उसमें कुछ डॉक्यूमेंटेशन डाल दिए, ग्रुप समरी, इंडस्ट्री, फंक्शनल एनालिसिस, इकोनॉमिक एनालिसिस, कंक्लूजन। मैं क्लास में तो आपको पढ़ाया था, बट ये रिवीजन वीडियो में इसका इतना ज्यादा सेंस नहीं बनता है, क्योंकि यहाँ पर हमको एकेडमी के लिए क्या इंपॉर्टेंट चीजें उन पर ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। तो मैं इन सब चीजों पर इतना ज्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ, वैसे भी बहुत आसान है, अगर एक बार पढ़ोगे तो आपको क्लियर हो ही जाएगा, ठीक है। कमिंग टू समथिंग इंपॉर्टेंट, 92 ई पे आते हैं हम लोग, ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है, ऑडिट रिपोर्ट पे आते हैं, पढ़े। Now, this is an important section. अगला पेज इंपॉर्टेंट है, ये एक दो पेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो इसको बहुत ज्यादा ध्यान से देखेंगे हम लोग, ठीक है। ऑडिट रिपोर्ट क्या होता है, 92E, जो भी एसएससी पे ट्रांसफर प्राइसिंग एप्लीकेबल है, डोमेस्टिक या इंटरनेशनल, उससे फर्क नहीं पड़ता है, उसको एक फॉर्म भरना पड़ता है, फॉर्म 3CEB चार्टर्ड अकाउंटेंट के थ्रू। अगर वो फॉर्म नहीं भरेगा, कब तक भरना पड़ता है, 1 month prior to the due date of filing of return, मतलब due date of filing of return अगर 30th November है, तो आपको 31st October तक फॉर्म 3CEB भरना पड़ेगा, जिसके अंदर दो पार्ट होते हैं, पार्ट ए पार्ट बी, और एक एनेक्चर भी होता है, ठीक है, जिसके अंदर आप डिटेल देते हो सारे इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन का, कितने इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन आपने इस पूरे साल में किए, उसकी डिटेलिंग होती है उसके अंदर, ठीक है। ये सब देना होता है हर साल, फॉर्म 3CEB नहीं दिया तो 1 lakh rupees की पेनाल्टी, जैसे कि आप यहां देख सकते हो, ठीक है। अगर फॉर्म 3CEB नहीं भरा तो 1 lakh rupees की पेनाल्टी अंडर सेक्शन 271BA, 271BA में 1 lakh rupees की पेनाल्टी है, ठीक है, ये पहली चीज। साथ साथ में अगर आपने फॉर्म भर के अंदर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन रिपोर्ट नहीं किया, यू हैव फेल्ड टू रिपोर्ट सच ट्रांजेक्शन, फॉर्म तो भर दिया लेकिन रिपोर्ट नहीं किया, तो फिर आपको वापस से 2% ऑफ वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन, फेल टू रिपोर्ट इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन, 271 डबल ए। अब ये सारी पेनाल्टीज पढ़ाना मेरा ऑब्जेक्टिव है आपको, अलग अलग किस्म की पेनाल्टी है, तो सुन लो, अगर फॉर्म नहीं भरा, फॉर्म ही नहीं भरा तो 1 lakh पेनाल्टी, फॉर्म भर दिया और उसके अंदर ट्रांजेक्शन रिपोर्ट नहीं किया, तो जितने भी ट्रांजेक्शन रिपोर्ट नहीं किए, से टोटल आपने 10 इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन किए थे, उसमें से 8 तो रिपोर्ट कर दिए लेकिन 2 रिपोर्ट नहीं किए, तो जो 2 रिपोर्ट नहीं किए उसके ऊपर आपको लग जाएगा क्या, 2% ऑफ वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन, भयंकर है। तो सर अगर मैंने फॉर्म भरा ही नहीं, तो फॉर्म अगर भरा ही नहीं तो फिर आपको 1 lakh की पेनाल्टी भी लगेगी, 2% ऑफ वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन भी लगेगा, क्योंकि अगर फॉर्म भरा ही नहीं तो 1 lakh की पेनाल्टी फॉर्म नहीं भरने के लिए, और अगर फॉर्म भरा ही नहीं तो रिपोर्ट करने का सवाल ही नहीं उठता है, तो रिपोर्ट करने का सवाल ही नहीं उठता है, तो 1 lakh भी लगेगा और 2% ऑफ वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन भी लगेगा, ये चीज दिमाग में रखो। नेक्स्ट, आपको 92D के अंदर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स और इंफॉर्मेशन मेंटेन करने हैं 8 साल तक। अगर आपने वो सारे इंफॉर्मेशन 8 साल तक मेंटेन नहीं किए, चेक करो यहां पर, इफ यू फेल टू कीप एंड मेंटेन तो भी 2% ऑफ वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन, ये अलग किस्म की पेनाल्टी। नेक्स्ट, अगर आपने डॉक्यूमेंट्स और इंफॉर्मेशन मेंटेन भी किए लेकिन इनकरेक्ट मेंटेन किया, तो फिर क्या मतलब हुआ, अगर इनकरेक्ट मेंटेन करते तो क्या मतलब हो गया, तो भी 2% ऑफ वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन। तो 271AA तीन कारण के वजह से लगता है, तीन कारण से लगता है 271AA। पहला कारण कि आपने 92D के अंदर डॉक्यूमेंट्स और इन्फॉर्मेशन 8 साल तक मेंटेन नहीं किया तो पेनाल्टी लग सकती है, या आपने इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन फॉर्म 3CEB में रिपोर्ट नहीं किया तो 2% ऑफ वैल्यू ट्रांजेक्शन, या आपने इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन मेंटेन तो किया, आपने डॉक्यूमेंट्स इन्फॉर्मेशन मेंटेन तो किया लेकिन इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट्स इन्फॉर्मेशन मेंटेन किया, 2% ऑफ वैल्यू ट्रांजेक्शन। एक और पेनाल्टी मेरे को बतानी है, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि अगर AO और CIT अपील आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स और इन्फॉर्मेशन मंगवाते तो आपको 30 डेज में दे देना है, प्लस एक्सटेंशन मांगोगे तो 30 डेज और मिल जाएगा, लेकिन अगर उसके बाद भी नहीं दिया तो अभी आपको पेनाल्टी लग जाएगी 2% ऑफ वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन 271G के अंदर। ये पेनाल्टी मैंने आपको बता दिया। अब मैं आता हूं अपनी असली पेनाल्टी के ऊपर, ठीक है, यहां पर आ रहा हूं मैं। इन सब के अलावा एक और पेनाल्टी भी लगेगी आपको, ठीक है, जो है 270A के अंदर। 270A क्या है, पेनाल्टी फॉर अंडर रिपोर्टिंग एंड मिस रिपोर्टिंग। अंडर रिपोर्टिंग में आपको 50% ऑफ द टैक्स पेबल की पेनाल्टी लगती है और मिस रिपोर्टिंग में आपको 200% ऑफ टैक्स पेबल की पेनाल्टी लगती है। तो यहां पर क्या लगेगी सर मुझे, तो जरा ध्यान से सुनना गवर्नमेंट ने क्या बोला है, कि अगर आपने कुछ TPO ने अगर आपकी कोई इनकम ढूंढा जिसमें आपका आर्म्स लेंथ प्राइस बढ़ जाता है, आपका टैक्स बढ़ जाता है, TPO ने ढूंढा है वो ट्रांजेक्शन, TPO ने, ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर ने कोई ट्रांजेक्शन, सुन लो ये कंफ्यूजिंग पॉइंट है, ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर ने अगर कोई ट्रांजेक्शन ढूंढा जिसमें आपका आर्म्स लेंथ प्राइस बढ़ जाता है लेकिन आपने उस ट्रांजेक्शन को बराबर से रिपोर्ट किया था, आपने उससे रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स और इन्फॉर्मेशन किए थे, आपने उसको फॉर्म 3CEB में रिपोर्ट किया था, तो TPO आप पे पेनाल्टी नहीं लगा सकता है। TPO ने भले आर्म्स लेंथ प्राइस बढ़ा दिया लेकिन आपने सब कुछ बराबर रिपोर्ट किया तो TPO उस पे पेनाल्टी नहीं लगा सकता है, आप पे पेनाल्टी लगेगी। लेकिन अगर आपने उसको सब कुछ बराबर से रिपोर्ट नहीं किया था, फॉर्म 3CEB में रिपोर्ट नहीं किया था और TPO ने ढूंढा, तो फिर 50% की बात छोड़ दो, डायरेक्ट 200% पेनाल्टी लगेगी, मिस रिपोर्टिंग मान के चलेंगे, 270A9। तो बचना है तो आपको सब कुछ बराबर से रिपोर्ट करना है अपने फॉर्म के अंदर, फिर भले ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर उसको बढ़ा दे तो आप पे पेनाल्टी नहीं लगेगी, इंटरेस्ट टैक्स लगा के छोड़ देंगे। लेकिन अगर आपने उसको रिपोर्ट ही नहीं किया और TPO ने ढूंढ लिया तो 200% की पेनाल्टी लग जाएगी, चेक कर लो यहां पर, ये भयंकर पेनाल्टी है। नाउ ये जितनी भी पेनाल्टीज है, ये पहली वाली छोड़ के ये तीनों पेनाल्टी में आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बींग हर्ड मिल जाएगा। पहली वाली में कुछ अपॉर्चुनिटी ऑफ बींग हर्ड वर्ड नहीं मिलने वाला, ठीक है, ये तीनों 271BA, 271G, 271AA, ये तीनों में आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बींग हर्ड मिलेगा। पहली वाली में कोई अपॉर्चुनिटी ऑफ बींग हर्ड आपको नहीं मिलने वाला, एक बार देख लो फिर आगे बढ़े। तो चलिए आगे बढ़ते टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट एंड दैट इज अ बिग वन, दैट इज CBCR। CBCR के बारे में किसने सबसे पहले बोला, तो OECD ने एक्शन प्लान 13 में बोला CBCR के बारे में, कि बोला आपके ट्रांसफर प्राइसिंग डॉक्यूमेंटेशन को रिवाइज करो, जरा रिवाइज करो सारे के सारे स्टैंडर्ड,
और एक टेम्पलेट नाउ फॉर कंट्री बाय कंट्री रिपोर्ट, जिसके अंदर क्या होगा, थ्री टायर सिस्टम होगा, एक होगा मास्टर फाइल, एक होगा लोकल फाइल और एक होगा कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग। मास्टर फाइल क्या होगा, जिसमें आप स्टैंडर्डाइज इन्फॉर्मेशन दोगे, बड़े बड़े इन्फॉर्मेशन। लोकल फाइल क्या होगा, जिसमें आप अब तक जो इन्फॉर्मेशन देते हो, जो अभी आपने थोड़ी देर पहले 92D में पढ़ा, वो लोकल फाइल है। और कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग में क्या होगा, उसमें आप ग्लोबल एंटिटीज का सबका डिटेल दोगे, जितनी भी आपकी दुनिया भर में सब्सिडरीज है आपको सबका डिटेल देना पड़ेगा, किसका कितना रेवेन्यू है, किसका कितना प्रॉफिट है, किसने कितना टैक्स भरा, किसके कितने असेट्स है, किसका कितना बैंक बैलेंस है एक्सेट्रा, किसके कितने एम्प्लॉइज है, ये सब डिटेल्स आपको देना पड़ेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। तो इसके एडवांटेजेस क्या है, तीन एडवांटेजेस ओईसीडी ने बोला है। सबसे पहला, देयर विल बी कंसिस्टेंट ट्रांसफर प्राइसिंग पोजीशन अक्रॉस द वर्ल्ड, हर जगह पे ये इंप्लीमेंट होगा तो ग्लोबली ट्रांसफर प्राइसिंग कंसिस्टेंट हो जाएगा। दूसरा, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलना शुरू हो जाएगा। तीसरा, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन के पास रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, ऑफिसर लिमिटेड होते हैं, तो उनको पता चल जाएगा ये इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद, जैसे इन्फॉर्मेशन मिलना चालू हो जाएगा उनको पता चल जाएगा कौन सी जगह पर उनको ज्यादा रिसोर्सेज डिप्लॉय करना चाहिए और कौन सी जगह पर कम रिसोर्सेज डिप्लॉय करना चाहिए। और उसके बाद नीचे वही भाषण दिया है वो सब चीजों के बारे में, मास्टर फाइल क्या होता है, लोकल फाइल क्या होता है, मैं उन सब चीजों में नहीं घुस रहा हूं, मैं आ रहा हूं मुद्दे पे सेक्शन 286 में। दैट इज, आज हमारा टारगेट है कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग। जब हम लोग बेप्स पढ़ेंगे ना, बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग एक्शन प्लान 13, तब हम लोग बात करेंगे मास्टर फाइल में क्या आता है, तब हम लोग बात करेंगे लोकल फाइल क्या होता है, तब हम लोग बात करेंगे सीबीसीआर का डिस्टिंक्शन। आज मेरे को वो सब चीज में इंटरेस्टेड नहीं है, आज मैं इंटरेस्टेड हूं सीबीसीआर क्या होता है। तो सीबीसीआर क्या होता है, कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग किसके लिए एप्लीकेबल है। सबसे पहले एप्लीकेबिलिटी सुन लो, जिसका पिछले साल का ग्लोबल टर्नओवर 6400 करोड़ से ज्यादा है, सिर्फ उन्हीं के लिए एप्लीकेबल है। तो हमारे लिए प्रीवियस ईयर कौन सा एप्लीकेबल है, 21-22। तो मैं 21-22 में सीबीसीआर भरूं या ना भरूं, उसके लिए आपको लास्ट ईयर का 2021 का ग्लोबल टर्नओवर देखना पड़ेगा। अगर ग्लोबल कंसोलिडेटेड टर्नओवर मेरा अगर 6400 करोड़ क्रॉस होता है तो मुझे करंट ईयर में सीबीसीआर भरना पड़ेगा। सर, ग्लोबल टर्नओवर ढूंढते समय बहुत सारे देशों का टर्नओवर अलग अलग करेंसी में होगा, तो उसको कन्वर्ट कैसे करूंगा, पिछले साल के लास्ट डे के टीटीबीआर के हिसाब से कन्वर्ट करोगे, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो। ठीक है, ये लिखा गया है सबसेक्शन 7 के अंदर। आप सबसेक्शन 2 के अंदर देखेंगे किसके ऊपर सीबीसीआर भरने की लाइबिलिटी गवर्नमेंट ने डाल दी है। गवर्नमेंट ने सबसेक्शन 2 के हिसाब से दो लोगों पे सीबीसीआर भरने की लाइबिलिटी डाल दी है। एक तो अगर कोई इंटरनेशनल ग्रुप का पेरेंट इंडिया में है, अगर इंटरनेशनल ग्रुप का पेरेंट इंडिया का रेजिडेंट है तो उसको भरना पड़ेगा, या कोई इंटरनेशनल ग्रुप का ऑल्टरनेट रिपोर्टिंग एंटिटी इंडिया में है तो उसको भरना पड़ेगा अगर वो इंडिया का रेजिडेंट है। तो सवाल ये उठेगा, सर पेरेंट इंडिया में तो समझ में आता है, इंटरनेशनल ग्रुप का पेरेंट इंडिया में का मतलब क्या होता है, सर रिलायंस इंडस्ट्री, ये इंटरनेशनल ग्रुप है रिलायंस इंडस्ट्री, उसका पेरेंट इंडिया में, तो रिलायंस इंडस्ट्री इंडिया में सीबीसीआर भरेगा। लेकिन ऑल्टरनेट रिपोर्टिंग एंटिटी क्या होता है, तो ऑल्टरनेट रिपोर्टिंग एंटिटी गवर्नमेंट ने आगे जाकर डिफाइन किया है, मैं अभी डेफिनेशन में ही जा रहा हूं, मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूं। ऑल्टरनेट रिपोर्टिंग एंटिटी गवर्नमेंट ने ऐसे डिफाइन किया है कि अगर पेरेंट ने किसी सब्सिडरी को, सॉरी पेरेंट ने अगर किसी कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी को डेजिग्नेट किया है कि भाई तू सीबीसीआर भर, हम लोग नहीं भरेंगे, तो वो बन जाएगा ऑल्टरनेट रिपोर्टिंग एंटिटी। गौर से सुनना, अगर कोई पेरेंट ने, सपोज अगर सोनी जापान ने, अगर अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी को, सोनी जापान ने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी को डेजिग्नेट किया है कि तू सीबीसीआर भर, हम लोग नहीं भरने वाले, तो फिर सोनी जापान जो है वो अगर इंडिया, सोनी इंडिया को डेजिग्नेट कर देता है कि भाई तू सीबीसीआर इंडिया में भर, तो वो भरेगा। ठीक है, सवाल ये उठेगा, व्हाट डू मीन बाय कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी। तो कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी को भी गवर्नमेंट ने डिफाइन किया है। कैसे डिफाइन किया है, सुन लो, कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी में तीन किस्म की एंटिटी आती है। पहली एंटिटी, एक ऐसी एंटिटी जो एक अपने ग्लोबल एंटिटी के, जो ग्लोबल ग्रुप है उसके सीएफएस का पार्ट बनती है, एक ऐसी एंटिटी जो सीएफएस का पार्ट बनती है उसको बना देंगे हम लोग व्हाट, कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी। दूसरा नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी, एक ऐसी एंटिटी जो सीएफएस का पार्ट नहीं बनती है, बिकॉज वो बहुत छोटी है साइज में, मटेरियल साइज नहीं है उसका, बहुत छोटा साइज है, इसलिए कंपनी उसको सीएफएस का पार्ट नहीं बनाती है, तो वो भी गवर्नमेंट की नजर में कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी है। तीसरा, अगर एक फॉरेन कंपनी का इंडिया में ब्रांच है, पी है, परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट है, तो वो भी एक कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी। ये सबको गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी बना दिया, तीन लोगों को जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, तो अब फिर आप फिर से सुन लो, ये सबसेक्शन 2 क्या बोलता है, कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है। एक तो पेरेंट जो इंडिया के अंदर है वो तो रिस्पॉन्सिबल है ही सीबीसीआर भरने के लिए, अगर वो नहीं है तो और भी है। अगर कोई पेरेंट बाहर है जिसने इंडिया में कोई ऑल्टरनेट रिपोर्टिंग एंटिटी है जिसको बोला है कि भाई तू सीबीसीआर, तो वो भी रिस्पॉन्सिबल है। कब तक भरेंगे, विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो प्रीवियस ईयर 21-22 के लिए 31 मार्च 2023 तक का टाइम है। कौन से फॉर्म में भरेंगे, फॉर्म 3CAD, और किसको भरेंगे, जॉइंट डायरेक्टर डेजिग्नेटेड बाय द प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स सिस्टम और डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स सिस्टम एज द केस में भी, जो यहां पर देखो ऑलरेडी बोर्ड में दिया गया। ठीक है, नाउ सबसेक्शन 1 की तरफ बढ़ता हूं। सबसेक्शन 1 में क्या करना है, सबसेक्शन 1 में सिर्फ और सिर्फ नोटिफाई करना है, यहां पर कोई सीबीसीआर रिपोर्ट नहीं भरना है। क्या नोटिफाई करना है, जितनी भी इंडिया में कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी है जो इंडिया की रेसिडेंट है उनको जॉइंट डायरेक्टर डेजिग्नेटेड बाय प्रिंसिपल डायरेक्टर एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी है उनको नोटिफाई करना पड़ेगा सीबी जो सीबीसीआर की ड्यूडेट के 2 महीने पहले। अब सीबीसीआर की ड्यूडेट क्या है, फॉर प्रीवियस ईयर 21-22 सीबीसीआर की ड्यूडेट विल बी 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, मतलब 31 मार्च 2023 है बराबर, तो उससे 2 महीने पहले मतलब 31 जनवरी 2023 तक जो इंडिया में कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी है उसको गवर्नमेंट को नोटिफाई करना पड़ेगा। इंडियन गवर्नमेंट को क्या नोटिफाई करना पड़ेगा, 2 में से एक चीज, क्या मैं तो अल्टरनेट रिपोर्टिंग एंटिटी नहीं हूं, अगर मैं हूं तो गवर्नमेंट फिर मुझसे सीबीसीआर मांग,
मांगेगी। और अगर मैं नहीं हूं तो बताओ फिर तुम कौन से देश से हो, तुम्हारा पेरेंट कौन से देश से, कौन सी डीसीआर भरने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ताकि हम उस देश से सीबीसीआर मंगवा ले। ठीक है, तो ये पॉइंट यहां पर सिर्फ नोटिफिकेशन की बातें चल रही है। पॉइंट नंबर थ्री के अंदर, सबसेक्शन थ्री के अंदर बस आपको सिर्फ ब्रेकअप दिया कि सीबीसीआर के अंदर क्या क्या डिटेल होता है, रेवेन्यू का डिटेल होता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स होता है, टैक्स पेड होता है, कैपिटल का डिटेल होता है, ये होता है, वो होता है, बहुत सारा भाषण दिया, एम्प्लॉय का डिटेल, इसका डिटेल, उसका डिटेल, टैंजिबल असेट का डिटेल, कैश एंड कैश बैलेंस, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का इन्फॉर्मेशन वहां पर देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये सब भाषण दिया। ठीक, नेक्स्ट नेक्स्ट सर, अगर सोनी जापान वहां पर सीबीसीआर भरता है तो फिर इंडिया में नहीं भरवाने का, तो फिर इंडिया में नहीं भरवाने का, तो इंडिया को कैसे मिलेगा? इंडिया और सोनी जापान के बीच में एक ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन अग्रीमेंट हो जाएगा, और सोनी जापान में जो भी जो जो, जो सोनी जापान वहां भरेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को यहां पर ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन के तो मिल जाएगा। सिमिलरली रिलायंस इंडस्ट्री ने अगर इंडिया में भर दिया तो रिलायंस को यूके में भरने की जरूरत नहीं है, यूएस में भरने की जरूरत है, अगर उन गवर्नमेंट को चाहिए तो इंडिया से ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन अग्रीमेंट करेंगे और यहां से मंगवा लेंगे। तो सीबीसीआर हर जगह नहीं भरवाया जाता है, सिर्फ उसी देश में भरवाया जाता है, कोई भी एक देश में। ठीक है, सुन लो भी, सपोज इंडिया यहां पर है और सोनी जापान, सोनी में जापान में ऑब्वियसली। ठीक है, अब यहां पर दिक्कत हो रही है, इंडिया में सोनी की एक सब्सिडरी है जिसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी बोल सकते हैं, और जापान में सोनी की पेरेंट एंटिटी है जो वहां पर सीबीसीआर भरने वाला है। अब वहां पर सीबीसीआर भरेगा, हम लोग वहां से मंगवा लेंगे, लेकिन अभी तीन दिक्कत आ सकती है। पहली दिक्कत, अगर जापान में सीबीसीआर का कॉन्सेप्ट नहीं हुआ तो। दूसरी दिक्कत, जापान में सीबीसीआर का कॉन्सेप्ट है लेकिन जब भी हम देखने जाते हैं तो हमारा और जापान के बीच में ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन अग्रीमेंट नहीं है। तो या जापान में सीबीसीआर का कॉन्सेप्ट भी है, ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन अग्रीमेंट भी है, लेकिन जापान वाले हमको साले कभी जिंदगी में समय पे डॉक्यूमेंट्स देते नहीं है, इन्फॉर्मेशन देते नहीं है, ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन तो बहुत दूर की बात है, मांगने पर भी नहीं देते। तो उन तीन केस हम क्या करेंगे? उन तीन केस में गवर्नमेंट ने बोला जो इंडिया में एंटिटी है ना उसी से हम लोग सीबीसीआर भरवाएंगे, सोनी इंडिया से। कौन से तीन केस में? अगर जापान में सीबीसीआर का कॉन्सेप्ट नहीं है, सीबीसीआर का कॉन्सेप्ट है लेकिन हमारे बीच में अग्रीमेंट नहीं, अग्रीमेंट है लेकिन देयर इज अ सिस्टमिक फेलियर। सिस्टमिक फेलियर का मतलब है परसिस्टेंट फेलियर, घड़ी 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 फेल कर रहा है, एक बार दो बार तीन बार मांगा फिर भी नहीं दे रहा है, उसको बोलते हैं सिस्टमिक फेलियर। इनफैक्ट आगे जाकर डेफिनेशन में वो भी डिफाइंड है कि सिस्टमिक फेलियर का मतलब क्या होता है। क्लियर है आपको? आई होप इट इज क्लियर। ठीक है ना, अगर इंडिया में एक से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी है तो फिर कौन भरेगा? अगर इंडिया में एक से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी है तो ग्रुप को नॉमिनेट करना पड़ेगा, यह भाषण दिया गया यहां पर। तो इंडिया में तीन कॉन्स्टिट्यूएंट है सोनी का, तो सोनी बताएगा कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट से इंडिया में सीबीसीआर भरने के लिए ऑब्लिगेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट अभी तीन देशों की बात है, सपोज जर्मनी, जापान, इंडिया। सपोज जर्मनी की एक कंपनी है, उसने जापान की एंटिटी को बोला तू अल्टरनेट रिपोर्टिंग एंटिटी है। जर्मनी की कंपनी ने जापान की एंटिटी को बोला कि तू अल्टरनेट रिपोर्टिंग एंटिटी है। ठीक है, और जापान से हमको सारा इंफॉर्मेशन मिल जाता है, जापान के साथ हमारा ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन अग्रीमेंट है, जापान से हमको सब इंफॉर्मेशन मिल जाता है, देयर इज नो सिस्टमिक फेलियर, नथिंग। तो ऐसे केस में अगर जर्मनी का बंदा जापान वाले को बोलता है कि तुम सीबीसीआर भरो और हमको जापान से सारा सीबीसीआर का डिटेल मिल जाता है उस जर्मनी कंपनी का, तो इंडिया वाली कंपनी से आप सीबीसीआर नहीं भरवाओगे। ठीक है, ये भाषण दिया गया पॉइंट नंबर जी। अब ये सबके बाद जो जॉइंट डायरेक्टर है जिसको आप सीबीसीआर देते हो या प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल जो भी है, वो लोग आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन मंगवाएंगे, डॉक्यूमेंट्स मंगवाएंगे, 30 डेज के अंदर जाकर ईमानदारी से दे देना। अगर आपको एक्सटेंशन चाहिए तो 30 डेज का और एक्सटेंशन मिल जाएगा, तो मैक्सिमम 60 डेज में जाकर इन्फॉर्मेशन दे देना, नहीं तो आप पेनाल्टी वेनाल्टी लगाने की सोच सकते हो। ठीक है ना, सीबीसीआर नहीं भरने की कितनी पेनाल्टी है सुन लो अच्छे से। सीबीसीआर आपको कब तक भरना है? विद इन 12 मंथ्स ऑन द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। अगर नहीं भरा तो जैसे ही पीरियड खत्म होता है उसके अगले एक महीने तक आपको 5000 पर डे की पेनाल्टी लगेगी। उसके अगले एक महीने तक, उसके अगले एक महीने के बाद, मतलब एक महीना खत्म हो गया उसके बाद आपको 15000 रुपया पर डे की पेनाल्टी लगेगी। और उसके बाद अगर गवर्नमेंट ने नोटिस भेजा कि भाई पेनाल्टी भरो और उसके बाद भी आप पेनाल्टी नहीं भरते हो और उसके बाद भी आप सीबीसीआर नहीं भरते हो, तो आपको 50000 रुपया पर डे की पेनाल्टी लगना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो पहले एक महीना 5000, फिर उसके बाद 15000 का मीटर चलता रहेगा नोटिस आने तक। नोटिस आ गई उसके बाद 50000 रुपए का मीटर चालू हो जाएगा। कब तक? जब तक आप भरते नहीं हो सीबीसीआर। नेक्स्ट, अब यहां पर आपसे डॉक्यूमेंट्स और इन्फॉर्मेशन पीजीआईटी, जो भी पीजीआईटी, पीडीजीआईटी एक्सेट्रा और डीजीआईटी लोग मंगवा रहे थे, 30 डेज प्लस 30 डेज का एक्सटेंशन। अगर आपने डॉक्यूमेंट्स इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, ठीक है, टाइम खत्म होने के बाद 30 प्लस 30 60 डेज मैक्सिमम एक्सटेंशन मिला तो 16 है, तो 30 डेज के अंदर ही अगर नहीं दिया डॉक्यूमेंट तो 5000 पर डे की पेनाल्टी लगेगी। उसके बाद वो लोग नोटिस भेजेंगे, उसके बाद भी नहीं दिया तो डायरेक्ट 50000 पर डे की पेनाल्टी। यहां पर 5000 15000 नहीं, डायरेक्ट 5 और 50, बाप रे बाप, एक और पेनाल्टी जिसमें आपको 5 लाख रुपए की पेनाल्टी लग जाएगी। इफ आपने रिपोर्ट भरते समय, सीबीसीआर भरते समय आपको पता था कि आप गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हो, फिर भी गलत ही भरा, आपको पता था यह इंफॉर्मेशन गलत है फिर भी गलत इंफॉर्मेशन दिया, आपको 5 लाख रुपए की पेनाल्टी। या रिपोर्ट भरते समय आपको पता नहीं था कि गलत है, रिपोर्ट भरते समय आपको आइडिया नहीं था तो आपने रिपोर्ट भर दिया लेकिन बाद में पता चला कि गलत है और 15 दिन में आपने रेक्टिफाई नहीं किया उसको। रिपोर्ट भरते समय आपको गलती है पता नहीं था, बाद में ये नॉलेज में आया कि गलती है और 15 दिन में उसको रेक्टिफाई नहीं किया, 5 लाख की पेनाल्टी। थर्ड, अगर यहां पर जो ये डॉक्यूमेंट्स मंगवा रहे हैं ये ऑफिसर लोग, ये बड़े बड़े ऑफिसर जो मंगवा रहे हैं, हाईएस्ट अथॉरिटी है इनकम टैक्स की, ये आपसे डॉक्यूमेंट्स इन्फॉर्मेशन मंगवा रहे हैं, आप इनको इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, 5 लाख रुपए की पेनाल्टी।
अब ये सारी पेनाल्टी जो आपने पढ़ी, ये एक, ये दो, ये तीन, ये सारे अगर आप रीजनेबल कॉस्ट दोगे तो बच सकते हो, ठीक है। मतलब आपको एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मिलेगी, यू विल गेट एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड हियर। नाउ इसके बाद आते हैं हम लोग मास्टर फाइल पे। मास्टर फाइल यहां से शुरू होता है। मास्टर फाइल किसके लिए एप्लीकेबल है, सुन लो मास्टर फाइल की एप्लीकेबिलिटी सुन लो। सबसे पहले मास्टर फाइल उसके लिए एप्लीकेबल है जिसका ग्लोबल टर्नओवर ऑफ द करंट ईयर, अभी पास्ट ईयर नहीं देखने का, सीबीसीआर के लिए आप पास्ट ईयर देखते हो लेकिन मास्टर फाइल के लिए आप करंट ईयर देखते हो, जिसका ग्लोबल टर्नओवर ऑफ द करंट ईयर एक्सीड्स 500 करोड़ रुपीस, पहला कंडीशन। एंड दूसरा कंडीशन, दूसरे कंडीशन में से दोनों में से कोई भी एक फुलफिल करोगे तो आपको मास्टर फाइल भरना लायबल हो जाएगा। तो पहला कंडीशन क्या है, आपका कंसोलिडेटेड ग्लोबल रेवेन्यू शुड एक्सीड 500 करोड़ रुपीस, एंड दोनों में से सेकंड में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल करो, एंड योर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन शुड एक्सीड 50 करोड़, एग्रीगेट इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन 50 करोड़ क्रॉस होना चाहिए, या एग्रीगेट 50 करोड़ क्रॉस नहीं होता है तो भी चलेगा, परचेज सेल ट्रांसफर लीज यूज कुछ भी अगर 10 करोड़ क्रॉस होगा तो भी आपको मास्टर फाइल भरना पड़ेगा। तो दिस प्लस दिस और दिस, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल हो जाएगा तो भी चलेगा। मिसाल के तौर पर एग्रीगेट ट्रांजेक्शन 40 करोड़ है लेकिन आपका परचेस 12 करोड़ है तो आप फंस जाओगे पॉइंट नंबर बी में, और आपको मास्टर फाइल भरना पड़ेगा, ठीक है। मास्टर फाइल के अंदर भी दो पार्ट होते हैं सर, यहां पर भी आपको कन्वर्जन करना है ग्लोबल रेवेन्यू का, तो कैसे करें, वही टीटीबीआर ले लेना, और लास्ट डे ऑफ द अकाउंटिंग ईयर का टीटीबीआर लेकर उसको कन्वर्ट कर देना जैसे आप सीबीसीआर के लिए करते थे, ठीक है। नेक्स्ट 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 सर, मास्टर फाइल के अंदर भी देखो एक चीज है, मास्टर फाइल के अंदर भी दो पार्ट होता है, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए सबको भरना है, सबको सबको सबको, और उसके अंदर बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन होता है। पार्ट बी सब सिर्फ उन्हीं को भरना है जो ये कंडीशन फुलफिल करेंगे, पार्ट बी। और पार्ट बी में देखो ये लंबे चौड़े इन्फॉर्मेशन है जिसको मैं पढ़ नहीं रहा, ऑब्वियसली मैंने क्लास में भी नहीं पढ़ा था, सब चीज को मतलब नहीं बनता इतना पढ़ के, एग्जाम में आता है तो देख के लिख लो, और क्या, पेपर ओपन ओपन बुक है। तो पार्ट बी में ये सारा इन्फॉर्मेशन है। सो हमको कब तक भरना है सर मास्टर फाइल, मास्टर फाइल आपको ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न के पहले भरना है, ठीक है। अगर इंडिया में एक से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी है तो गवर्नमेंट ग्रुप नॉमिनेट करेगा कि कौन रिस्पॉन्सिबल है भरने के लिए, सबको भरने की जरूरत नहीं। और साथ साथ में कितने साल के लिए आपको मास्टर फाइल का डॉक्यूमेंट्स इन्फॉर्मेशन मेंटेन रखना पड़ेगा, यू हैव टू कीप इट मेंटेन फॉर अ पीरियड ऑफ 8 इयर्स, 8 साल तक आपको सारा डॉक्यूमेंटेशन और इन्फॉर्मेशन मेंटेन करना पड़ेगा। दिस इज व्हाट द कॉन्सेप्ट ऑफ सीबीसीआर एंड मास्टर फाइल इज ऑल अबाउट। अब नीचे कुछ डेफिनेशन है जो मेरे को जो जरूरत लगी मैंने आपको एक एक करके एक्सप्लेन कर दिया। जैसे आपको मैंने बता दिया पेरेंट, ये अपना सॉरी ऑल्टरनेट रिपोर्टिंग एंटिटी क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी क्या होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी रेलेवेंट डेफिनेशन है वो मैंने आपको एड्रेस कर दिया, ठीक है। एक बार गो थ्रू कर लो फिर आगे बढ़ते हम लोग, ठीक है। Now let us go ahead with transfer pricing के assessment के sections. Now transfer pricing में दो assessment के sections हैं, दो जगह पे transfer pricing में arm's length price निकालने में एक बार assessing officer टांग अड़ाता है और एक बार TPO टांग अड़ाता है। Now assessing officer टांग कहाँ अड़ाता है, section 92C subsection 3, और TPO कहाँ टांग अड़ाता है, उसका एक अलग section है 92C। सबसे पहले assessing officer के बारे में बात करते हैं। Assessing officer आपका arm's length price निकाल सकता है, कब निकाल सकता है, जब उसको लगेगा कि during the pendency of the assessment, जब assessment चल रहा है तभी उसके पास कुछ evidence है। evidence ये है कि इन चार में से कोई एक चीज हो रही है, क्या एक चीज हो रही है, ये चारों चीज के बारे में बोलता हूं। AO को लगता है during the pendency of the assessment उसके पास कुछ material information है, evidence है, उसको लगता है कि आपने जो arm's length price निकाला है वो बराबर से नहीं निकाला है। दूसरा, उसको लगता है कि आपने जो डॉक्यूमेंट्स और इन्फॉर्मेशन 92D में मेंटेन करना है वो ठीक से मेंटेन नहीं किया है। तीसरा, उसको लगता है कि आपने जो आर्म्स लेंथ प्राइस निकालने के लिए डेटा उठाया वो रिलायबल और करेक्ट नहीं है, वो फालतू डेटा है, ठीक है, मार्केट से किधर से भी उठा के लेकर आया। चौथा, उसको लगता है कि अगर आपसे जो ए और सीआईटी अपील और डॉक्यूमेंट्स मंगवा रहे ना 30+30 डेज का टाइम देकर, आप उस समय के अंदर वो डॉक्यूमेंट्स और इन्फॉर्मेशन उनको जाकर नहीं देते हो, ये चार में से अगर कोई भी रीजन उसको लगता है तो वो आर्म्स लेंथ प्राइस निकाल सकता है और वो आपका आर्म्स लेंथ प्राइस बढ़ा सकता है। सपोज आपने अगर किसी को पेमेंट किया था और रॉयल्टी 150 रुपीज दिखाया था तो वो उसको घटाकर 100 रुपीज कर सकता है और आपकी इनकम को रिकम्प्यूट करने का पूरा पावर रखता है, वो आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग एडवांटेज देगा, वो सब अलग बात है, ठीक है, वो सब करेगा वो। नाउ अब यहां पर ध्यान से सुनना, सपोज आपने किसी को 150 रुपीज की रॉयल्टी पे की तो अब आर्म्स लेंथ प्राइस ये चार में से कोई भी एक कारण की वजह से असेसिंग ऑफिसर को घटाकर 100 रुपीज कर सकता है। अगर असेसिंग ऑफिसर को घटाकर 100 रुपीज कर रहा है इसका मतलब असेसिंग ऑफिसर आपकी इनकम में 50 रुपीज का एडबैक कर रहा है, क्योंकि वो आपका खर्चा कम करवा रहा है, कम का खर्चा कम कर रहा है मतलब 50 रुपए का डिसलावेंस कर रहा है। तो ये जो डिसलावेंस कर रहा है ना, गौर से सुन लेना कान खोल के, ये जो डिसलावेंस कर रहा है ना 50 रुपीज का आपकी इनकम जो बढ़ा रहा है ना, उस बड़ी हुई इनकम पे जो एओ बढ़ा रहा है उस पर आपको चैप्टर 6A और 10AA का डिडक्शन नहीं मिलेगा। अगर आपका मान लो कोई प्रॉफिट लिंक डिडक्शन एटीआई एटीआईबी एटीआईसी के अंदर या 10AA के अंदर एसईजेड का डिडक्शन है तो आपको जो एओ बढ़ा रहा है ना आर्म्स लेंथ प्राइस, उसके वजह से जो टोटल इनकम बढ़ रही है ना, उस पर आपको 10AA और चैप्टर 6A का डिडक्शन नहीं मिलेगा। सिमिलरली आपने आज सामने वाले को 150 रुपीज की इनकम पे करी, ठीक है, आप एक्सपेंडिचर पे किया, अब सामने वाले ने भी 150 रुपीज इनकम दिखा दिया, अब आगे जाकर अगर आपका ऑफिसर उस 150 रुपीज को घटाकर 100 कर देता है तो सामने वाला बंदा ये नहीं बोल सकता है कि मेरी इनकम भी घटाकर 100 कर दो और मुझे बचे हुए 50 रुपए पे रिफंड दे दो, आपको उस पर रिफंड नहीं मिलेगा। यहां पर साफ साफ लिखा है, ये दो पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो 92C सबसेक्शन 4 के अंदर दिया गया है। और एक बार एओ ने अपना कंप्यूटेशन कर लिया, एओ ने अपना आर्म्स लेंथ प्राइस निकाल दिया, उसके बाद एओ उसी आर्म्स लेंथ प्राइस के बेसिस पर अपनी इनकम कंप्यूटेशन करेगा। मैं फिर से बता रहा हूं, इनकम कंप्यूटेशन करते समय वो आपको कोई चैप्टर 6 का डिडक्शन एक्स्ट्रा इनकम पे नहीं देगा, जो आपने ऑलरेडी लेकर रखे उस पर तो मिलकर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट,
एक इंपॉर्टेंट ग्लोबल कॉन्सेप्ट है ब्राइट लाइन टेस्ट, लेकिन ये कॉन्सेप्ट इंडिया के अंदर नहीं है। इंडिया के अंदर नहीं है, फिर भी असेसिंग ऑफिसर ये कॉन्सेप्ट इंडिया के अंदर थोपना चाहते हैं, जबकि इंडियन इनकम टैक्स लॉ के अंदर इसके बारे में कहीं पर भी लिखा नहीं है। अब ये कॉन्सेप्ट क्या होता है, जरा ध्यान से सुनना। सपोज सोनी जापान है, ठीक है, वो कहां पर बैठी है, जापान में। अब सोनी ने इंडिया में एक सब्सिडरी खोला, इंडिया में सब्सिडरी खोला और उसको बोला कि इंडिया में बैठकर तुम मेरे बिहाफ पे क्या करो, सोनी की बहुत तारीफ करो। तारीफ का मतलब क्या होता है, सोनी का बहुत एडवर्टाइजमेंट करो, मार्केटिंग करो, प्रमोशन करो, उसके लिए जितना भी खर्चा करना पड़ सकता है करो। तो सोनी जापान तो बाहर बैठा है, सोनी इंडिया इंडिया में बैठा है, उसने यहां पर 500 करोड़ रुपए का खर्चा कर दिया ऑन एडवर्टाइजमेंट ऑफ सोनी ब्रांड। तो अब ये जो 500 करोड़ रुपए का खर्चा कर रहा है ना, असेसिंग ऑफिसर क्या बोल रहे हैं कि इसको हम लोग अब इस पे आर्म्स लेंथ प्राइस लगाकर इस पे ट्रांसफर प्राइसिंग लगाएंगे। अब मेरा आपसे सवाल है, क्या इंडिया में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है? क्या सोनी इंडिया जो खर्चा कर रहा है एडवर्टाइजमेंट प्रमोशन का, क्या वो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है? नहीं, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के डेफिनेशन में बैठता है। बाहर के देशों में ये कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है, उनके कानून में लिखा है, इस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है ब्राइट लाइन टेस्ट। बट इंडिया में ऐसा कोई कानून नहीं है, इसने दिल्ली हाईकोर्ट ने बोल दिया इन केस ऑफ सोनी एरिक्सन कि भाई ऐसा कोई कानून इंडिया में नहीं है, और इंडिया में ऐसा कोई कानून नहीं है, तो आप जबरदस्ती बाहर से उठा के ऐसा कानून इंडिया में मत थोपो, जब आएगा तब जाकर ऐसे कानून के ऊपर आप डीम्ड इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन बोल बोल के जो भी उस पर टैक्स लगाना लगा सकते हो। आज की तारीख में इस पर्टिकुलर चीज के ऊपर आपको टैक्स नहीं लग सकता है, आज की तारीख में इस पर्टिकुलर चीज के ऊपर टैक्स नहीं बोल रहा हूं, इस पे ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होते। जरा बराबर से सुन लेना, बाहर कंपनी बैठी है, उसकी इंडिया में सब्सिडरी है, वो उसके बिहाफ पे इंडिया में प्रमोशन कर रही है, जी को पैसा दिया, इसने दूसरे टेलीविजन वालों को पैसा दिया, होर्डिंग्स वाले को पैसा दिया, वो खर्चे पर भी गवर्नमेंट बोलती है भी ट्रांसफर प्राइसिंग लगेगा, नहीं लग सकता है जब तक उस पर फुल फ्लेजेड कानून ना आ जाए। अब तक इंडिया में ऐसा कोई कानून नहीं है, उसके लिए ब्राइट लाइन टेस्ट का कानून लाना पड़ेगा, जब तक वो नहीं आएगा तब तक उस पर टैक्स नहीं लग सकता है। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपना वर्डिक्ट दे दिया, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं, जैसे कि मैंने बोला ट्रांसफर प्राइसिंग में असेसमेंट के दो रास्ते हैं, एक तो एओ करेगा, एक टीपीओ। टीपीओ कब करेगा, जब एओ टीपीओ को रेफर करेगा, जब एओ का दिमाग खराब हो रहा है, मतलब उसको समझ में नहीं आ रहा है ऑनलाइन प्राइस कैसे निकालू, तो वो टीपीओ को रेफर कर सकता है। एक बार टीपीओ को रेफर करेगा, टीपीओ को क्यों रेफर करेगा, एओ को लग रहा है इट इज नेसेसरी टू रेफर टू टीपीओ, तो क्या एसएससी भी जा सकता है टीपीओ के पास? एसएससी के पास ये ऑप्शन नहीं है। अच्छा, टीपीओ के पास जाने के पहले कोई एओ को अप्रूवल लेना, यस, प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स या कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स को अप्रूवल लेना पड़ेगा, बिना अप्रूवल ले वो एओ के पास नहीं जा, वो टीपीओ के पास नहीं जा सकता है। सर टीपीओ कौन होता है? टीपीओ या तो असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स या तो डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स हो सकता है, सॉरी असिस्टेंट कमिश्नर या जॉइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स हो सकता है, जिसको सीबीडीटी ने टीपीओ का पावर दिया है। नाउ मान लो कि असेसिंग ऑफिसर को बहुत दिक्कत हो रही है, तो वो टीपीओ के पास चला गया, ठीक है। नाउ टीपीओ क्या करेगा, टीपीओ एसएससी को नोटिस सर्व करेगा, उससे सवाल पूछेगा। अच्छा, टीपीओ उससे सवाल पूछेगा, क्या पूछेगा कि भाई बताओ अपने आर्म्स लेंथ प्राइस कैसे निकाला, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अच्छा, टीपीओ खुद से भी कोई दूसरे ट्रांजेक्शन को उठा सकता है, उठा सकता है, जैसे कि यहां पर लिखा है टीपीओ चाहे तो दूसरे ट्रांजेक्शन भी उठा सकता है। और उसके बाद में टीपीओ क्या करेगा, जो असेसिंग ऑफिसर ने ट्रांजेक्शन रेफर किया वो प्लस दूसरे ट्रांजेक्शन जो वो खुद से उठा रहा है, वो सबका आर्म्स लेंथ प्राइस निकाल के एक ऑर्डर पास करेगा। वो जो भी ऑर्डर पास करेगा वो असेसिंग ऑफिसर पे बाइंडिंग है, और असेसिंग ऑफिसर उसी ऑर्डर के हिसाब से इनकम कंप्यूटेशन करेगा, अपनी मर्जी से असेसिंग ऑफिसर इनकम कंप्यूटेशन नहीं कर सकता, ये चीज दिमाग में रख, ठीक है। अच्छा, टीपीओ कब तक ऑर्डर पास करेगा, सुन लो, जो भी असेसिंग ऑफिसर का टाइम लिमिट है, असेसिंग ऑफिसर का 143, 144, 147 का जो भी टाइम लिमिट है, उससे कम से कम 60 डेज पहले टीपीओ को ऑर्डर पास करना पड़ेगा। सपोज असेसिंग ऑफिसर का टाइम लिमिट 31 दिसंबर है, तो टीपीओ को 1 नवंबर के पहले ऑर्डर पास करना पड़ेगा, क्योंकि कम से कम 60 डेज पहले टीपीओ को ऑर्डर पास करना पड़ेगा। नाउ यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसपे मैंने आपको भाषण क्लास में लिखवाया था, बहुत ज्यादा ध्यान से सुना, मैं ज्यादा डिटेल में उस पर बोल नहीं पाऊंगा क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैं एक बार उसको ओरली एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर दो कारण की वजह से अगर आपका असेसमेंट रुक जाता है, पहला कारण कि कोर्ट ने आपके असेसमेंट पे स्टे डाल दिया, दूसरा कारण आपको फॉरेन अथॉरिटी से कुछ इन्फॉर्मेशन लेना है इसलिए आपका असेसमेंट रुक गया, तो आपका असेसमेंट रुकने से लेकर आपका असेसमेंट वापस शुरू होने तक जितना समय बर्बाद होता है उतना तो आपको मिलेगा ही, प्लस वापस शुरू होने के बाद अगर खत्म होने तक 60 डेज का टाइम नहीं है तो आपको 60 डेज भी मिलेगा। मैंने इस पे आपको एग्जांपल लिखा हूं, अगर आपका असेसमेंट दो रीजन से रुक जाता है, मैं दो रीजन आपको बता दिया, और वापस शुरू हो जाता है कुछ महीनों बाद, तो जितना समय बर्बाद हुआ उतना तो एक्स्ट्रा टाइम टीपीओ और असेसिंग ऑफिसर को मिलेगा ही, लेकिन उसके बाद भी अगर 60 डेज कम से कम नहीं मिलता है तो गवर्नमेंट उसको कम से कम 60 डेज का टाइम देगी। नेक्स्ट, टीपीओ जो अपना ऑर्डर पास करेगा क्या उसमें अपेरेंट मिस्टेक हो सकती है तो वो रेक्टिफाई कर सकता है, यस 154 में रेक्टिफाई कर सकता है। उसके बाद टीपीओ को एओ को भी बोलना पड़ेगा और एओ भी अपना ऑर्डर रेक्टिफाई कर देगा, प्लस गवर्नमेंट ने टीपीओ को तीन पावर दे दिए हैं कि समन इशू करना है तो कर सकता है, 133A में सर्वे करना है तो कर सकता है, 133(6) में इंफॉर्मेशन मंगवाना चाहता है तो मंगवा सकता है, और साथ साथ में अब गवर्नमेंट ने टीपीओ का जो प्रोसीडिंग है वो भी पूरा का पूरा फेसलेस करने का मूड बना दिया है, ठीक है, चेक कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। नाउ चलिए आगे बढ़ते टुवर्ड्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग, एंड दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमरी एडजस्टमेंट एंड मोर इंपॉर्टेंटली सेकेंडरी एडजस्टमेंट। सबसे पहले अपने को यहां पर भाषण दिया है, भाषण के अंदर जाना मत कि OECD ने ये सब कुछ रेकमेंड किया था, अलग अलग किस्म के फॉर्म ऑफ ट्रांसफर, फॉर्म ऑफ सेकेंडरी एडजस्टमेंट्स होते हैं, कंस्ट्रक्टिव डिविडेंड, कंस्ट्रक्टिव इक्विटी, कंस्ट्रक्टिव लोन्स एक्सेट्रा, उन सब चीजों के अंदर जाके कोई मतलब नहीं, कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट है क्या। ये कॉन्सेप्ट ये है कि जो भी आप प्राइमरी एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है, जो आपका डिफरेंस है आपका एक्चुअल ट्रांजेक्शन प्राइस और आर्म्स लेंथ प्राइस में जो डिफरेंस है वो आपका बन जाएगा क्या,
वो आपका बन जाएगा प्राइमरी एडजस्टमेंट। अब प्राइमरी एडजस्टमेंट अगर होगा तो प्राइमरी एडजस्टमेंट को गवर्नमेंट बोलती है एक किस्म का डीम लोन है। मिसाल के तौर पर अगर आपने अपने एसोसिएट एंटिटी को 150 रुपीस का पेमेंट किया जबकि उसका आर्म्स लेंथ प्राइस सिर्फ 100 रुपीस है, जो दो आप एक्स्ट्रा 50 रुपीस पे कर रहे हो वो तो एडबैक होना ही है, तो वो जो एक्स्ट्रा 50 रुपीस एडबैक हो रहा है उसको हम लोग बोलेंगे प्राइमरी एडजस्टमेंट। अब ये जो एक्स्ट्रा 50 रुपीस एडबैक हो रहा है वो आपने सामने वाले को दिया है ना एक तरीके से, तो वो एक्स्ट्रा 50 रुपीस गवर्नमेंट क्या बोलती है इंडिया के अंदर, उसको बोलती है ये डीम्ड लोन है, अब हम इस पर आप पे इंटरेस्ट लेंगे। कब तक इंटरेस्ट लेंगे? जब तक ये पैसा वापस इंडिया में रिपार्ट्रिएट नहीं होता है। रिपार्ट्रिएट मतलब वापस में लाया नहीं जाता है। जब तक इंडिया में वापस नहीं लाओगे तब तक आपको उस पर क्या लगता रहेगा? इंटरेस्ट लगता रहेगा। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बातें लगाते रहो। तो सवाल ये उठ रहा है कि प्राइमरी एडजस्टमेंट कौन कौन कर सकता है। सबसे पहले ये चीज देखना कि प्राइमरी एडजस्टमेंट अगर होगा तो ही सेकेंडरी एडजस्टमेंट होगा, और अगर प्राइमरी एडजस्टमेंट नहीं होगा तो सेकेंडरी एडजस्टमेंट भी पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहला सवाल कि प्राइमरी एडजस्टमेंट कौन कौन कर सकता है। सबसे पहले यहां पर पॉइंट नंबर ए में प्राइमरी एडजस्टमेंट एसएससी खुद कर सकता है जब वो आईटीआर भरेगा 30th नवंबर को। जब वो 30th नवंबर को आईटीआर भरेगा तो वो खुद प्राइमरी एडजस्टमेंट कर सकता है। दूसरा, प्राइमरी एडजस्टमेंट एओ या अपेलेट अथॉरिटीज भी कर सकती है, प्लस एसएससी उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर प्राइमरी एडजस्टमेंट एओ ने किया और एसएससी उसको चैलेंज कर रहा है, मतलब सीआईटी अपील में जाकर अपील कर रहा है, तो सेकेंडरी एडजस्टमेंट पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर प्राइमरी एडजस्टमेंट एओ ने किया और एसएससी उसको अपील नहीं कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए यहां पर एक्सेप्टेड बाय बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहां पर अगर एक्सेप्ट कर लिया तो फिर सेकेंडरी एडजस्टमेंट होने के भी चांसेस है। तीसरा, प्राइमरी एडजस्टमेंट अगर एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट में अगर सीबीडीटी के साथ करते हो, सीबीडीटी डिसाइड करती है कि आर्म्स लेंथ प्राइस इतना होने वाला है, सीबीडीटी उतना प्राइस आपका बढ़ा देती है, तो उसकी वजह से भी प्राइमरी एडजस्टमेंट हो सकता है। तो अगर वो रीजन से प्राइमरी एडजस्टमेंट होता है तो सेकेंडरी एडजस्टमेंट भी हो सकता है। ठीक है, सेफ हार्बर रूल की वजह से भी हो सकता है प्राइमरी एडजस्टमेंट, अब इसके बारे में अपने को इतना ज्यादा मालूम नहीं है। DDEE की वजह से भी हो सकता है और म्यूचुअल अग्रीमेंट प्रोसीजर की वजह से भी हो सकता है, और ये पॉइंट भी इतने ज्यादा एकेडमिकली इंपॉर्टेंट नहीं है। नाउ नेक्स्ट, प्राइमरी एडजस्टमेंट कितना होगा तो सेकेंडरी एडजस्टमेंट करने का। प्राइमरी एडजस्टमेंट अगर 1 करोड़ से ज्यादा होगा पूरे साल का तो ही सेकेंडरी एडजस्टमेंट करना है। अगर पूरे साल का प्राइमरी एडजस्टमेंट 1 करोड़ तक है, एग्जैक्ट 1 करोड़ भी है तो भी आपको सेकेंडरी एडजस्टमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। सेकेंडली, अगर प्राइमरी एडजस्टमेंट AY 16-17 या उससे पहले हुआ है तो फिर आज उसका सेकेंडरी एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। मॉरल ऑफ द स्टोरी, प्राइमरी एडजस्टमेंट AY 17-18 या उसके बाद हुआ है तो ही सेकेंडरी एडजस्टमेंट करना है, ना तो नहीं करना है। ठीक है, नाउ पैसा इंडिया में कब तक वापस लाना है? पैसा इंडिया में गवर्नमेंट ने बोला है एक प्रिस्क्राइब टाइम के पहले लाना है। सर वो प्रिस्क्राइब टाइम कितना है? तो सर सपोज अगर मैंने सामने वाली एंटिटी, मेरी एसोसिएट एंटिटी जो है उसको मैंने 150 रुपीस पे कर दिया जबकि आर्म्स लेंथ प्राइस सिर्फ 100 रुपीस था, 50 रुपीस एक्स्ट्रा दिया, तो सर वो पैसा मैं कब तक इंडिया में लाऊंगा तो मैं बच जाऊंगा, मुझ पर सेकेंडरी एडजस्टमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा? मैं बताता हूं, उसका समय बताता हूं। प्लस सर पैसा कौन वापस लाना चाहिए? क्या मैंने जिसको पैसा दिया वही वापस लाए या कोई और लाएगा तो भी चलेगा? देखो गवर्नमेंट ने रिलैक्सेशन दिया है, अगर तुमने अपनी एसोसिएट एंटिटी को पैसा एक्स्ट्रा दिया है तो बोलो कि सबसे पहले कि वही वापस भेजे तो अच्छा है। लेकिन गवर्नमेंट ने एक और ऑप्शन दिया है कि अगर कोई और दूसरा नॉन रेजिडेंट एसोसिएट एंटरप्राइज भी भेजेगा तो भी चलेगा। एसोसिएट एंटिटी होनी चाहिए आपकी और नॉन रेजिडेंट होनी चाहिए, अगर उससे भी पैसा वो 50 रुपीस का वापस इंडिया में आता है तो बच जाओगे आप पे सेकेंडरी एडजस्टमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। ठीक है, नाउ व्हाट इज द टाइम लिमिट टू ब्रिंग बैक द मनी टू इंडिया? इंडिया में पैसा कभी तक वापस आ जाना चाहिए? तो इंडिया में पैसा 90 डेज के अंदर आ जाना चाहिए। 90 डेज कहां से काउंट होगा? तो अलग अलग सर्कमस्टेंसेस के लिए अलग अलग है। तो अगर एसएससी खुद से करता है तो 90 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न, मतलब अभी यहां पर था ना अलग अलग सर्कमस्टेंसेस में कौन कौन प्राइमरी एडजस्टमेंट कर सकता है, तो अब ये सारे सर्कमस्टेंसेस में 90 डेज कहां से काउंट होगा वो अपने को पढ़ने का। अगर एसएससी खुद से करता है तो 90 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न, अगर एओ करता है या अपेलेट अथॉरिटी करता है तो 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर पैसा इंडिया में आ जाना चाहिए। ठीक है, अच्छा अगर 90 डेज में पैसा नहीं आया तो इंटरेस्ट कहां से काउंट होगा? इंटरेस्ट विल बी काउंटेड इंक्लूडिंग द 90 डेज, मतलब अगर ड्यू डेट से 90 डेज के अंदर पैसा नहीं आया तो इंटरेस्ट ड्यू डेट से ही लगना चालू हो जाएगा। 90 डेज के बाद मीटर नहीं चालू होगा, ड्यू डेट से ही चालू हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, यहां पर भी अगर पैसा अगर 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर नहीं आया तो इंटरेस्ट डेट ऑफ ऑर्डर से ही लगना चालू हो जाएगा। ठीक है, अब एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट के अंदर दो अलग अलग डेट डाल के रखी गवर्नमेंट ने। अगर आपने एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट एंटर कर लिया है ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न के पहले, आईटीआर भरने के पहले ही एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट कर लिया है तो 90 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न, और अगर आईटीआर भरने के बाद एडवांस प्राइसिंग एपी हैज बीन एंटर्ड इनटू ऑन और आफ्टर फाइलिंग ऑफ आईटीआर तो फिर आपको 90 डेज काउंट होगा फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच द एपीएस हैज बीन एंटर। से एपीएस दिसंबर में एंटर हुआ तो दिसंबर के एंड से आपको 90 डेज के अंदर पैसा इंडिया के अंदर आ जाना चाहिए। ठीक है, ये चीज दिमाग में रखना। सेफ हार्बर के केस में भी वही डेट है, वही डेट है, दैट इज ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। तो आपको मेनली ना पहली दो डेट पे ज्यादा फोकस करना है, तीसरा भी इंपॉर्टेंट हो सकता है बट चौथा और पांचवा एग्जाम के लिए रेलेवेंट नहीं हो सकता है क्योंकि चौथा और पांचवा कॉन्सेप्ट एग्जाम के अंदर इतना डिटेल में है नहीं। ठीक है, नाउ तो मैंने आपको बता दिया 90 डेज कब से काउंट होगा, और अगर 90 डेज में पैसा नहीं आया तो इंटरेस्ट भी इंक्लूडिंग 90 डेज काउंट होगा। सिर्फ एपीए में बराबर से देख लेना, अगर एपीए रिटर्न भरने के पहले हुआ तो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न से 90 डेज, और एपीए भरने के बाद हुआ तो फिर बाद में जब एपीए भरा उस मंथ के एंड से 90 डेज के अंदर पैसा आ जाना चाहिए। ठीक है, नाउ 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 इंटरेस्ट कितना लगेगा अगर पैसा नहीं भरा तो? रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ। उसके लिए गवर्नमेंट ने बोला है कि आपका इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन कौन सी करेंसी में डिनोमिनेटेड है वो बताओ। अगर आपका इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन इंडियन रुपी में डिनोमिनेटेड तो आपको लेना होगा SBI का MCLR प्लस 3.25% 3.5%। SBI का MCLR एज ऑन द 1st April ऑफ द प्रीवियस ईयर, तो जिस साल में भी आप इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हो उस साल के पहले दिन का MCLR देखो,
उस पे 3.5% 3.25% ऐड कर दो अगर INR में आपका ट्रांजेक्शन है। अगर आपका ट्रांजेक्शन फॉरन करेंसी में, तो फॉरन करेंसी में अगर आपका ट्रांजेक्शन है तो सबसे पहले ट्रांजेक्शन को कन्वर्ट करो रुपीज के अंदर, क्योंकि पहले जो आपका वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन है सपोज 100 करोड़ डॉलर है तो उसको पहले रुपीज में करना पड़ेगा ना आपको। तो उसको रुपीज में करने के लिए आपको जिस साल में आपका इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन अंडरटेक हुआ था, जिस साल का वो ट्रांजेक्शन है उस साल के लास्ट डे के TTBR के हिसाब से उसको पहले कन्वर्ट करो रुपीज में, और एक बार वो रुपीज में कन्वर्ट होगा फिर उसका लाइबोर लो और लाइबोर के हिसाब से इंटरेस्ट रेट चार्ज करो। लाइबोर किस दिन का लेना है, जिस साल में इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है उसके 30th September का लाइबोर प्लस 3%। तो इन डोमेस्टिक जो INR में ट्रांजेक्शन है उसके लिए MCLR as on the first day of the relevant previous year plus 3%, और अगर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन है और MCLR कब का लेना है 1 April का लेना है, और लाइबोर कभी का लेना है 30th September का लेना है, ये भी दिमाग में रखना ठीक है। तो आपको 3% प्लस ऐड करना लाइबोर के अंदर प्लस, या सेकंड वाले में एक और एक्सरसाइज करना पड़ेगा क्योंकि फॉरेन करेंसी में ट्रांजेक्शन है उसको रुपीज कन्वर्ट करने के लिए भी एक अलग नाटक है ठीक है, तो उसको पहले रुपीज में कन्वर्ट करो। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ ये इंटरेस्ट कब तक लगता रहेगा, ये इंटरेस्ट जिंदगी भर तक लगता रहेगा सर, इतना आसान है आपके लिए बोलना, जिंदगी भर तक इंटरेस्ट लगाते रहोगे। एक बार मैंने अगर सामने वाले को 50 रुपए एक्स्ट्रा दे दिया तो जिंदगी भर तक लगाते रहोगे, हाँ जिंदगी भर तक लगा सर, कुछ तो ऑप्शन बता दो। ऑप्शन है, ऑप्शन ये है कि 92CE सबसेक्शन CEA, यहां पर एक ऑप्शन डाल दिया गवर्नमेंट ने ठीक है, यहां पर सबसेक्शन नहीं लिखा उन्होंने, 92CE के अंदर सबसेक्शन 2A करके एक ऑप्शन डाला है। इसमें क्या बोला है, आप वन टाइम टैक्स भर दो, आपने जितना भी एक्सेस मनी सामने वाले को दिया है, 50 करोड़ एक्स्ट्रा दिया है, हाँ वो डिसलाव हुआ है ना आपका, हाँ उतना एक्स्ट्रा दिया है सामने वाले को, हाँ उस पर एक वन टाइम टैक्स भर दो, कितना 20.9664 का वन टाइम टैक्स भर दो। जिस दिन से टैक्स भर दिया उसके उस दिन से आपका इंटरेस्ट का मीटर बंद, लेकिन जिस दिन तक टैक्स भरा उसके पहले तक आपको इंटरेस्ट लगेगा। से आपने अक्टूबर में 1 अक्टूबर को भर दिया वन टाइम टैक्स तो 1 अक्टूबर से इंटरेस्ट का मीटर बंद, लेकिन उसके पहले तक आपको इंटरेस्ट लगता रहेगा। कैसा लगेगा, वैसे जैसा ऊपर लिखा, प्लस ये जो टैक्स भर रहे हो, ये वन टाइम टैक्स जो भर रहे हो उसका कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा PGBP या किसी भी हेड ऑफ इनकम में, प्लस इसका कोई क्रेडिट भी नहीं मिलेगा। ये मत सोचना कि ये TDS एडवांस टैक्स जैसा आप क्रेडिट ले लोगे आगे जाकर, कुछ नहीं मिलेगा ठीक है। दिस इज व्हाट द कॉन्सेप्ट ऑफ सेकेंडरी एडजस्टमेंट इज ऑल अबाउट। इसके ऊपर नीचे बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया, आप देख सकते हो उसको ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म। अब ट्रांसफर प्राइसिंग इतना कॉम्प्लिकेटेड केस है, इसमें इतने ज्यादा लिटिगेशन होते हैं, तो गवर्नमेंट को भरपूर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म्स भी बनाना चाहिए। तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म्स बनाए, अब यहां से लेकर एंड तक आपको सिर्फ इन्हीं के बारे में पढ़ना है और कुछ नहीं आने वाला ठीक है। तो अलग अलग डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कुछ डिटेल में, कुछ ऊपर ऊपर से, क्योंकि वो सब चीज पेपर 7 में ज्यादा रेलेवेंट है, पेपर 6 में इतना रेलेवेंट नहीं है ठीक है। कुछ चीजें पेपर 6 में भी रेलेवेंट है, पेपर 7 में भी रेलेवेंट है, जैसे मैं आपको बताऊंगा। जैसे डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल दोनों में रेलेवेंट है, अपील टू कमिश्नर वो पेपर 7 में रेलेवेंट है, पेपर 7 में ऑलरेडी आपने पढ़ लिया कमिश्नर को कैसे अपील करते हो, आईटेट को कैसे अपील करते हो, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट को कैसे अपील करते हो, वो सब यहाँ पर पढ़ने की क्या जरूरत है। इसलिए इंस्टीट्यूट ने भी यहाँ पर वो सब चीज इतना ज्यादा डिटेल में नहीं डाला है ठीक है। नाउ सेफ हार्बर रूल तो वैसे सिलेबस में एप्लीकेबल नहीं है आपके लिए May 22, November 22 के लिए ठीक है। एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट पे बहुत डिटेल में डाला है, म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोसीजर पे भी थोड़ा बहुत डाला है। तो अभी हम लोग एक एक करके सबके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल क्या होता है, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल के बारे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया गया सेक्शन 144C के अंदर, 144C के अंदर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल के बारे में बोला गया। और ये पैनल क्या होता है जरा ध्यान से सुनना, इट्स अ ग्रुप ऑफ 3 कमिश्नर, 3 प्रिंसिपल कमिश्नर, कमिश्नर की कमेटी मिलकर एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल बनाते हैं। इसमें एलिजिबल असेसी कौन इसके लिए जा सकता है, एलिजिबल असेसी 2 किस्म के होते हैं, एक तो नॉन रेसिडेंट या फॉरेन कंपनी हमेशा जा सकते हैं, और बाकी लोग भी जा सकते हैं, रेजिडेंट लोग भी जा सकते हैं अगर उनके केस में TPO ने कोई प्रेजुडिशियल ऑर्डर पास किया है। प्रेजुडिशियल ऑर्डर मतलब असेसी के अगेंस्ट कोई ऑर्डर पास किया है तो वो रेजिडेंट लोग भी जा सकते हैं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ठीक है। इसमें क्या होता है, एक्जैक्टली असेसिंग ऑफिसर डायरेक्ट असेसमेंट ऑर्डर नहीं पास करता, एक ड्राफ्ट ऑर्डर बनाता है, एक ड्राफ्ट ऑर्डर बनाकर पहले असेसी को देगा, किसको, इन एलिजिबल असेसी को, सारे असेसी के लिए तो नहीं है DRP का कॉन्सेप्ट, इन एलिजिबल असेसी को वो ड्राफ्ट ऑर्डर देगा। उसके बाद में एलिजिबल असेसी के पास 2 ऑप्शन है, या तो उसको एक्सेप्ट कर लो, अगर एक्सेप्ट कर लोगे तो फिर असेसिंग ऑफिसर 1 महीने के अंदर क्या करेगा, अपना फाइनल ऑर्डर पास कर देगा, और एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने के लिए AO आपको कितना समय देगा, 30 डेज का समय देगा। तो जैसे आपको ड्राफ्ट ऑर्डर मिला 30 डेज के अंदर आपको डिसीजन लेना है, आपको एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है। अगर 30 डेज के अंदर आप बोलते हो एक्सेप्ट तो AO अपना मैटर क्लोज कर देगा ठीक है, और अगर आप बोलते हो नहीं नहीं रिजेक्ट, तो अगर 30 डेज में एक्सेप्ट बोल दिया तो AO क्या करेगा, अपना फाइनल असेसमेंट ऑर्डर पास करेगा, 1 महीने में मैटर क्लोज। और अगर आप बोलते हो रिजेक्ट, नहीं मैं एक्सेप्ट नहीं करता हूं, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्शन रेस करना पड़ेगा असेसिंग ऑफिसर और DRP के पास जाके 30 डेज के अंदर, और फिर मैटर DRP के हाथ में चला जाएगा। एक बार मैटर DRP के हाथ में चला गया तो ध्यान से सुनना, फिर DRP अपने हिसाब से उसका डायरेक्शंस देगा। DRP का जो भी डायरेक्शन है वो सब असेसिंग ऑफिसर पे बाइंडिंग है, असेसिंग ऑफिसर पे बाइंडिंग है, असेसी पे बाइंडिंग नहीं है। DRP अपनी इंक्वायरी करेगा, कैसे इंक्वायरी करेगा, DRP बहुत सारी चीजें दिमाग में रखेगा, ड्राफ्ट ऑर्डर देखेगा, DRP ऑफ वैल्यूएशन ऑफिसर की ऑफ रिपोर्ट्स देखेगा, असेसी का स्टैंड सुनेगा, AO का स्टैंड सुनेगा, और अपने हिसाब से ऑर्डर पास करेगा ठीक है। हाँ, अगर DRP कोई ऐसा ऑर्डर पास करता है विच इज प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ असेसी और प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू, तो उसको असेसी और असेसिंग ऑफिसर को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना पड़ेगा ठीक है। DRP अपने ऑर्डर को कैसे पास कर सकता है, या तो कंफर्म कर सकता है AO के ऑर्डर को, या तो रेड्यूस कर सकता है, या तो एनहांस कर सकता है। DRP अपने ऑर्डर को, AO के ऑर्डर को सेट असाइड नहीं कर सकता है, जैसा पावर ITAT और कमिश्नर के पास होता है 263 और 264 में, वो पावर नहीं है। DRP में 3 लोग हैं, डिफरेंस इन ओपिनियन हुआ तो मेजोरिटी के हिसाब से डिसीजन दिया जाएगा। DRP जो भी बोलेगा वो बाइंडिंग है। और DRP अपना ऑर्डर कब तक पास करेगा, DRP का टाइम लिमिट क्या है, 9 months from the end of the month in which the draft order is forwarded to the eligible assessee।
जब भी आपको ड्राफ्ट ऑर्डर फॉरवर्ड किया गया था उसके एंड से 9 महीने के अंदर उसका मीटर चालू हो जाएगा, ठीक है। और फिर डीआरपी अपना फाइनल असेसमेंट पास करने के बाद, ऑर्डर पास करने के बाद, असेसिंग ऑफिसर को ऑर्डर दे देगा और असेसिंग ऑफिसर अपना फाइनल असेसमेंट ऑर्डर 1 महीने के अंदर पास कर देगा, ठीक है। अगर डीआरपी के ऑर्डर से आप दुखी हो, डीआरपी ने ऑर्डर पास किया, एओ को दिया, एओ ने ऑर्डर पास किया, आपको दिया, आप उससे दुखी हो, तो आप क्या करोगे? आप डायरेक्ट आईटैट जाओगे। अब आप सीआईटी अपील के पास नहीं जा सकते हो, क्योंकि ये ऑर्डर को ऑलरेडी 3 कमिश्नर ने बैठ कर इसको काम किया है इसके ऊपर, तो अब इसको अपील करना है तो आप डायरेक्टली आईटैट के पास चले जाओगे, ठीक है। इसके बाद गवर्नमेंट ने बोला कि इस पे रूल्स वूल्स बनेंगे एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और डीआरपी की प्रोसीडिंग्स भी आगे जाकर फेसलेस होने वाली है। लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, आई डोंट नो वेदर आईसीआई हैज पुट दैट पर्टिकुलर थिंग ओवर हियर और नॉट, कि हाँ इस पे यहाँ पर ज्यादा बात नहीं किया, बट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आगे जाकर डीआरपी की प्रोसीडिंग भी पूरी की पूरी फेसलेस होने वाली है, ठीक है। नाउ कमिश्नर ऑफ अपील के बारे में क्या बोलूं, थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर से डाल दिया इंस्टीट्यूट ने, सिलेबस के लिए रेलेवेंट नहीं है, बट फिर भी एक बार बोल देता हूँ, ये डिपार्टमेंट के लिए फर्स्ट अपेलेट अथॉरिटी, आपके लिए फर्स्ट अपेलेट अथॉरिटी, एसएससी के लिए फर्स्ट अपेलेट अथॉरिटी यही है ना, ठीक है। आप किसके अगेंस्ट अपील करोगे? 143 के अंदर, 144, 147, 153 है, तो अब निकल गया है, कितनी बार बोला हूं, 154 अपील करोगे, 92C3 सीरीज सबसेक्शन 3 जो आपका एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट का ऑर्डर है, उसके बाद 30 डेज में आप अपील करोगे, फीस वीस भरना पड़ेगा एक्सेट्रा, ठीक है, सब चीज पढ़ा है अपने। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज देखने लायक है, मानो दोनों का डिस्टिंक्शन, बहुत अच्छा ब्यूटीफुल डिस्टिंक्शन इंस्टीट्यूट ने डाला, डीआरपी वर्सेस सीआईटी। डीआरपी में 3 लोग होते, सीआईटी में 1 लोग होते, ठीक है, ये पॉइंट नंबर 1। टाइम लिमिट, डीआरपी का ऑब्जेक्शन आपको 30 डेज में फाइल करना है, और आपको सीआईटी का ऑब्जेक्शन भी आपको कब तक, नोटिस ऑफ डिमांड मिलने के 30 डेज के अंदर, या तो ड्राफ्ट ऑर्डर मिलने के 30 डेज के अंदर आपको अपील करना है, ठीक है। कॉन्टोनेशन, क्या डीआरपी में अगर 30 डेज के बियॉन्ड अगर क्या कॉन्टोनेशन मिलेगा, क्या डिले अगर हो गया तो मुझे ऑप्शन मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्या सीआईटी अपील आपको 30 डेज के बियॉन्ड अलाउ कर सकता है? कर सकता है, पढ़ने पड़ा इसके बारे में, ठीक है। चौथा, फाइलिंग फीस, क्या डीआरपी में कोई फाइलिंग फीस है? कोई फाइलिंग फीस नहीं है, सीआईटी अपील के लिए फाइलिंग फीस होती है 250 रुपए से 1000 रुपए तक, ठीक है। अब जब आप डीआरपी के पास जाते हो तो क्या कोई स्टे ऑफ डिमांड मिलेगा? अब डीआरपी के पास जब जाओगे आप, तब तक असेसमेंट फाइनल ही नहीं हुआ है, तो स्टे ऑफ डिमांड का क्वेश्चन ही नहीं होता है। लेकिन जब आप सीआईटी अपील के पास जाते हो तो आपको एप्लीकेशन देना पड़ता है स्टे के लिए, अगर माना तो अच्छी बात है, ना तो आपको टैक्स भर के फिर अपील करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, टाइम लिमिट, क्या डीआरपी कब तक ऑर्डर पास करेगा? मैंने अभी आपको बताया 9 months ऑन द एंड ऑफ द मंथ इन विद द ड्राफ्ट ऑर्डर इज फॉरवर्डेड टू द एसएससी, ठीक है। और सीआईटी अपील 1 year फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विद द अपील इज फाइल्ड। पेनाल्टी प्रोसीडिंग, डीआरपी में क्या पेनाल्टी? अभी असेसमेंट खत्म नहीं हो तो पेनाल्टी का सवाल ही नहीं उठता है, लेकिन यहां पर क्या है, असेसमेंट खत्म हो गया उसके बाद अब अपील करने जा रहे तो पेनाल्टी प्रोसीडिंग एओ ने ऑलरेडी शुरू कर दिया होगा, क्योंकि मैंने आपको पहले बोला कि पेनाल्टी प्रोसीडिंग हैज टू बी इनिशिएटेड बिफोर कंप्लीटिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग। तो यहां पर जनरली क्या होता है, जब तक अपील खत्म नहीं होता है एओ क्या करता है, पेनाल्टी प्रोसीडिंग्स को होल्ड पे रख देता है, ठीक है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, डीआरपी जब अपना ऑर्डर पास करेगा, सीआईटी अपना ऑर्डर पास करेगा, दोनों अपना ऑर्डर एओ को देंगे और एओ उस ऑर्डर का अपने 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 ऑर्डर के अंदर इफेक्ट देगा, और उसके ऊपर जो भी टैक्स लायबिलिटी वायबिलिटी जो भी आएगी, रिफंड आएगा, उस हिसाब से वो उसको पास कर देगा, ठीक है। नाउ अपेलेट ट्रिब्यूनल, ओके, वही है, आप जो आईपी जो आप सीए फाइनल डायरेक्ट टैक्स के अंदर पढ़ रहे हो उसी का सबका रेप्लिका है यहां पर, और कुछ नहीं। 60 डेज के अंदर आप अपील करोगे डिपार्टमेंट की पहली टैक्स अपेलेट अथॉरिटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब भाषण है यार, इस पे कुछ बात करके मतलब नहीं। सिमिलरली हाई कोर्ट के अंदर आप जाओगे, हाई कोर्ट के अंदर कम से कम 2 जज होंगे, हाई कोर्ट के अंदर सिर्फ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ जाता है, सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ एक्ट फैक्ट्स के लिए कोई जगह नहीं है, वहां पर सिर्फ क्वेश्चन ऑफ लॉ जाता है। सिमिलरली यहां पर टाइम लिमिट क्या है, हाई कोर्ट के अंदर 120 डेज का टाइम लिमिट है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर तो यहां पर कुछ लिखा भी नहीं है ज्यादा, 90 डेज का टाइम लिमिट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हाँ, यहां पर ये आखिरी चीज है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीज दिमाग रखना, दैट इज, मैंने आपको एडीटी के अंदर भी बोला है और मैंने पेपर 6 में भी आपको पढ़ाते समय पढ़ा दिया, दैट इज डिपार्टमेंट के लिए कुछ मॉनिटरी लिमिट सेट किए गवर्नमेंट ने, कि अगर डिपार्टमेंट को आईटीआर में अपील करना है तो मॉनिटर लिमिट शुड एक्सीड 50 लाख। इसको अपन ने टेक्निकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, टैक्स इफेक्ट। टैक्स इफेक्ट का मतलब क्या है, यहाँ पर कुछ उतना भी लिखा नहीं है यहाँ पर, क्योंकि वो सब चीज के बारे में इंस्टीट्यूट को आपको पढ़ाना ही नहीं है पेपर 6 के अंदर, बस एक बताना था कि ये सारी रेमेडीज अवेलेबल है, इसलिए लिस्ट डाउन कर दिया, बस वो सब चीज सिलेबस में नहीं रखा इंस्टीट्यूट ने। तो टैक्स इफेक्ट क्या होता है, आज कितना टैक्स आता है और डिपार्टमेंट जीतेगा तो कितना टैक्स आएगा, डिफरेंस का, दोनों को बोलते हैं टैक्स इफेक्ट। तो अगर टैक्स इफेक्ट 50 लाख क्रॉस होता है तो आईटैट में अपील करो, टैक्स इफेक्ट 1 करोड़ क्रॉस होता है तो हाईकोर्ट में अपील करो, टैक्स इफेक्ट 2 करोड़ क्रॉस होता है तो सुप्रीम कोर्ट में अपील करो, ठीक है। तो ये है आपके पहले अपील से रिलेटेड अथॉरिटीज। नाउ कमिंग टू सेफ हार्बर, मैंने आपको पहले बोला सेफ हार्बर आपके सिलेबस में नहीं है, इंस्टीट्यूट ने नीचे डाल दिया, देखो सेफ हार्बर्स आर नॉट येट नोटिफाइड, जब भी नोटिफाई होगा तो आपके सिलेबस में एप्लीकेबल होगा। May 22 के लिए तो 100% एप्लीकेबल नहीं है, November 22 के लिए आगे जाकर अगर आ गया 30 अप्रैल 2022 तक तो एप्लीकेबल हो जाएगा, और अगर नहीं आया 30 अप्रैल 2022 तक तो आपके लिए भी एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। तो सेफ हार्बर में क्या होता है, गवर्नमेंट एक कुछ सर्कमस्टेंसेस बताती है, अगर उस सर्कमस्टेंसेस में आप फॉल करते हो तो आपका उतना प्रॉफिट मार्जिन अगर आप डिक्लेयर करते हो, गवर्नमेंट बोलती है कि ये बिजनेस 10% प्रॉफिट मार्जिन डिक्लेयर करेगा, ये बिजनेस 15% प्रॉफिट मार्जिन डिक्लेयर करेगा, अगर उतना डिक्लेयर कर दोगे तो आप पे कोई आर्म्स लेंथ प्राइस वार्म्स लेंथ प्राइस कोई क्वेश्चन नहीं उठाया जाएगा, ठीक है। एक बार देख लो फिर आगे बढ़ते, तो चलिए आगे बढ़ते टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज ट्रांसफर प्राइसिंग, दैट इज एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट, एंड उसके बाद उसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट, दैट इज रोल बैक प्रोविजन, ठीक है। अब एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट के पहले बारे में यहाँ पर कुछ भाषण दिया गया, इंट्रोडक्शन दिया है, पहले वो बात कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग प्रोविजन के अंदर जाएंगे। एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट क्यों किया जाता है? एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट करने के लिए रीजन ये है कि आपको एक सर्टेनिटी चाहिए कि आपका आर्म्स लेंथ प्राइस हर साल सेम ही रहे, हर साल आपके आर्म्स लेंथ प्राइस पे गवर्नमेंट क्वेश्चन ना उठा सके, इसलिए हम क्या करते हैं सीबीडीटी के साथ जाकर एक
एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट कर लेते। तो एप्लीकेंट कौन है? एसएससी है। और सामने वाला बंदा सीबीडीटी। आप डायरेक्टली सीबीडीटी के साथ जाकर एक अग्रीमेंट कर लोगे, ठीक है। तो ये भाषण दिया गया है पहले पेज के ऊपर। चलो, कितने किस्म के एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट होते हैं? देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट। वन इज यूनिलैटरल एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट एंड अनदर इज बायलैटरल एंड मल्टीलैटरल एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट। यूनिलैटरल एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट में क्या होता है? सिर्फ सीबीडीटी और एसएससी के बीच में इंडिया में अग्रीमेंट होगा, बस और कुछ नहीं। लेकिन बायलैटरल और मल्टीलैटरल अग्रीमेंट में क्या होगा? इंडिया में सीबीडीटी और एसएससी के बीच में अग्रीमेंट होगा और फॉरेन कंट्री में भी ऐसा एक सिमिलर प्रोग्राम होगा एपीए का, और इंडिया की टैक्स अथॉरिटी और फॉरेन की टैक्स अथॉरिटी क्या करेगी? दोनों अग्रीमेंट को मैच करने की कोशिश करेगी, ठीक है। ये सपोज अगर यहाँ पर आर्म्स लेंथ प्राइस 100 रुपीज है और मैं यहाँ से वहां पे कर रहा हूँ तो मुझे 100 रुपीज का डिडक्शन मिल रहा है, तो सामने वाले देश में भी एसएससी को 100 रुपीज की इनकम कंसिडर की जानी चाहिए। इसलिए एपीए को बायलैटरल लेवल और मल्टीलैटरल लेवल पे भी किया जाता है, ठीक है। लेकिन मल्टीलैटरल लेवल पे एपीए करने का सबसे सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है? कि आपके और सामने वाले देश के बीच में एक ट्रीटी होनी चाहिए और सामने वाले देश में भी एक एपीए का प्रोग्राम होना चाहिए। वो सारा भाषण यहाँ पर दिया गया, ठीक है। नाउ इंडिया में ज्यादा फेमस क्या है? यूनिलैटरल एपीए। बायलैटरल और मल्टीलैटरल एपीए पे इंस्टीट्यूट भी आपके लिए इतना ज्यादा कुछ सिलेबस में रखा नहीं है। आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ बायलैटरल, आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ सॉरी यूनिलैटरल एपीए ही है। दैट इज द फर्स्ट वन। सेकंड एंड थर्ड वन पे इतना ज्यादा बात इंस्टीट्यूट ने नहीं किया, ठीक है। नाउ एडवांटेजेस क्या है? व्हाई वी एंटर इनटू एन एपीए? एपीए करने के एडवांटेजेस क्या है? एग्जाम में देखो ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं आने वाले, राइट एडवांटेजेस ऑन एपीए। अगर ऐसा क्वेश्चन अगर इलेक्टिव पेपर में आ जाएगा तो स्टूडेंट तो इस पेज पे आके छाप डालेगा पूरा का पूरा, ठीक है। तो फिर तो क्या मतलब है? बट ये एक बेटर अंडरस्टैंडिंग देने के लिए आपको सही है, ठीक है। तो सबसे पहला एडवांटेज क्या है? यहाँ पर आपको एक सर्टेनिटी मिल जाती है। किस चीज की सर्टेनिटी? कि आपका हर साल आर्म्स लेंथ प्राइस कितना होने वाला है। डिपार्टमेंट को और एसएससी को दोनों को फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। किस चीज की फ्लेक्सिबिलिटी? फ्लेक्सिबिलिटी इस चीज की कि अभी हम लोग कॉम्प्लेक्स ट्रांसफर प्राइसिंग इश्यूज पे ज्यादा ध्यान से दे सकते हैं, क्योंकि जो एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट में कवर हो गया वो तो सॉर्ट आउट हो गया, उसमें कोई टेंशन नहीं। अभी ना एसएससी को टेंशन, ना डिपार्टमेंट को टेंशन। तो अभी जो कॉम्प्लेक्स इश्यूज है हम उस पर ज्यादा ध्यान दे सकते हैं, ठीक है। डबल टैक्सेशन का रिस्क कम हो जाएगा। कैसे? वो तभी हो पाएगा जब आप मल्टीलैटरल और बायलैटरल अग्रीमेंट करोगे तभी। अगर यूनिलैटरल एपीए कर रहे हो तो डबल टैक्सेशन का रिस्क हमेशा रहेगा, लेकिन मल्टीलैटरल और बायलैटरल एपीए करोगे तो डबल टैक्सेशन का रिस्क भी कम हो सकता है। कंप्लायंस कॉस्ट कम हो जाएगा, क्योंकि हर साल आर्म्स लेंथ प्राइस निकलने का, ऑडिट करवाने का, ये सब चीज का नाटक निकल जाएगा। बर्डन भी सब पे कम हो जाएगा, रिकॉर्ड कीपिंग सारा, रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट्स रखो, इन्फॉर्मेशन रखो 8-8 साल तक, ये सब नाटक भी बंद हो जाएगा, ठीक। तो हर तरीके से फायदा ही फायदा है सबके लिए, ठीक है, एसएससी के लिए भी और डिपार्टमेंट के लिए भी। नाउ कमिंग टू द सेक्शन। नाउ सेक्शन अभी भी शुरू नहीं हो रहा है, सेक्शन थोड़ी देर बाद शुरू होगा, यहाँ पर कहीं तो शुरू होने वाला है, यहीं से शुरू हो रहा है। तो 92CC शुरू हो चुका है। 92CC और 92CD ये दो सेक्शन अपने को एक एक करके पढ़ना पड़ेगा। तो 92CC है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पूरा 92CC और उसके रूल्स खत्म कर देंगे, उसके बाद हम लोग 92CD में चले जाएंगे, ठीक है। 92CC क्या होता है? 92CC आपका एक्चुअल सेक्शन है एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट का। एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट कौन करता है? एसएससी और सीबीडीटी के बीच में होता है, और जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल करेगी। और सीबीडीटी फिर क्या ढूंढ के देगी उसमें हमको? सीबीडीटी आपको दो में से कोई एक चीज ढूंढ के देगी। या तो आपको आपका आर्म्स लेंथ प्राइस बता देगी कि आपका आर्म्स लेंथ प्राइस इतना होने वाला है, या तो सीबीडीटी आपको मैनर बताएगी कि मैनर क्या होने वाला है आर्म्स लेंथ प्राइस निकालने का। सर, तो मैनर क्या हो सकता है? मैनर वही हो सकता है जो 6 मेथड्स इनकम टैक्स के अंदर आपको 92C में दिए गए, वो 6 मेथड, या कोई और मेथड अगर सीबीडीटी अपने तरफ से इन्वेंट करना चाहती है तो वो भी कर सकती है, ठीक है। ना एक बार आपने ये एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट कर लिया और सीबीडीटी ने उसको साइन कर दिया, उसके बाद ये सब पे बाइंडिंग हो जाता है। सर, किस किस पे बाइंडिंग हो जाता है? ये एसएससी पे भी बाइंडिंग है, ये आप पर भी बाइंडिंग है, और ये टैक्स अथॉरिटीज पर भी बाइंडिंग है। इन शॉर्ट, उसके बाद असेसिंग ऑफिसर को जो पावर दिया गया ना 92C के अंदर के आर्म्स लेंथ प्राइस निकालो, वो पावर उससे छीन लेगी गवर्नमेंट। और जो टीपीओ को पावर दिया गया ना 92CA के अंदर, वो पावर भी गवर्नमेंट टीपीओ से छीन लेगी, ठीक। नाउ अग्रीमेंट कितने साल के लिए वैलिड होता है? अग्रीमेंट इज वैलिड फॉर अ पीरियड मेंशन इन द अग्रीमेंट। अग्रीमेंट के अंदर लिखा होगा कि वो कितने साल के लिए वैलिड देगा। एक साल भी हो सकता है, दो साल भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम 5 साल होगा। 5 साल से ज्यादा नहीं होगा। और भी 5 साल कैसे होंगे? कॉन्सिक्यूटिव 5 साल, बैक टू बैक 5 साल मैक्सिमम, उससे ज्यादा के लिए अग्रीमेंट नहीं हो सकता, ठीक है। आगे बढ़ रहा हूं। अग्रीमेंट किस पे बाइंडिंग है? जैसे कि मैंने बोला, अग्रीमेंट मुझ पे बाइंडिंग है, और जिस ट्रांजेक्शन के लिए मैंने एप्लीकेशन दिया है सिर्फ उसी ट्रांजेक्शन के लिए बाइंडिंग है, दूसरे ट्रांजेक्शन के लिए बाइंडिंग नहीं है। क्योंकि एपीए आप ट्रांजेक्शन वाइज देते हो, आपने रॉयल्टी के लिए एपीए दिया है, एपीए का एप्लीकेशन दिया, तो आप पे बाइंडिंग है सिर्फ रॉयल्टी के लिए, एफटीएस और दूसरे ट्रांजेक्शन के लिए बाइंडिंग नहीं होगा। साथ साथ में कमिश्नर, इनकम टैक्स अथॉरिटीज, ये सब पे भी बाइंडिंग हो जाएगा, ठीक है। कुछ केसेस में बाइंडिंग नहीं होगा। अगर आपने आज एपीए एंटर कर लिया और आगे जाकर देयर इज अ चेंज इन लॉ और देयर इज अ चेंज इन फैक्ट्स ऑफ योर केस, आपका फैक्चुअल केसेस बदल जाता है, तो फिर ये बाइंडिंग नहीं होगा। और एक केस में बाइंडिंग नहीं होगा कि आगे जाकर अगर डिपार्टमेंट को पता चलता है कि दैट यू हैव ऑब्टेन्ड इन अर्लियर इयर्स द एपीए बाय फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट। आगे जाकर अगर डिपार्टमेंट को पता चलता है कि आपने फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन करके अपना एपीए लिया था डिपार्टमेंट से और साइन करवाया था, सब गलत गलत इन्फॉर्मेशन फ्रॉड करके साइन करवाया था, तो आपका एपीए विल बी वॉइड एब इनिशियो। और डिपार्टमेंट का जितना भी समय बर्बाद हुआ है ना अग्रीमेंट साइन होने से लेकर ये फ्रॉड पकड़े जाने तक, अग्रीमेंट साइन होने से लेकर ये फ्रॉड पकड़े जाने तक जितना भी डिपार्टमेंट का समय बर्बाद हुआ है, उतना डिपार्टमेंट को एक्स्ट्रा मिलेगा टू डू एनी प्रोसीडिंग्स अंडर दिस लॉ। ये सारा भाषण इधर दिया गया है, यहां तक पॉइंट नंबर 7A, 7B, 7C के अंदर, ठीक है। ना अब हम लोग बढ़ते एपीए के रूल्स के अंदर। ये तो सेक्शन 92CC था, रूल्स। रूल्स के अंदर भी बहुत सारी चीजें अभी रिपीट होगी।
सबसे पहले रूल के अंदर ये बोला गया कि कौन एप्लीकेशन देगा, हु इज द पर्सन एलिजिबल टू अप्लाई, एनी पर्सन जो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करता है, कोई भी एसएससी जो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करता है वो अप्लाई कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहां पर एक लंबा प्रोसीजर है, एप्लीकेशन देने के पहले एक प्री कंसल्टेशन करना जरूरी है, मतलब फाइनल एप्लीकेशन दोगे, फीस भरोगे, उससे पहले एक प्री कंसल्टेशन करोगे, उसके लिए भी एक एप्लीकेशन दोगे, पहले सीबीडीटी के साथ बैठकर एक कंसल्टेशन कर लो, फिर देखो बराबर लगता है क्या, अगर बराबर लगता है तो फिर आप क्या करो, फाइनल एप्लीकेशन दो, नहीं तो फाइनल एप्लीकेशन मत दो, ठीक है। तो प्री कंसल्टेशन फाइल आपको देना पड़ेगा इन राइटिंग टू डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स इंटरनेशनल टैक्स इन प्रिस्क्राइब फॉर्म, प्रिस्क्राइब फॉर्म मैंने आपको क्लास में बताया था, और नहीं भी अगर आपको पता है तो मैंने फॉर्म की पूरी लिस्ट दे दी, आप जाकर चेक कर सकते हो मेरे टेलीग्राम चैनल पे, सारी फॉर्म की लिस्ट आपको एक ही पेज पे मिल जाएगी, वहां जाकर चेक कर लेना, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, प्री कंसल्टेशन के साथ साथ और क्या, प्री कंसल्टेशन में क्या बातें होगी, प्री कंसल्टेशन में डिसाइड होगा कि स्कोप ऑफ अग्रीमेंट क्या होगा, ट्रांसफर प्राइसिंग इश्यूज को कौन कौन से इश्यूज पे हम लोग बात करेंगे, कौन सा मेथड आपके लिए सबसे बेस्ट है, और डिस्कस करेंगे ब्रॉड टर्म्स। अच्छा, प्री कंसल्टेशन का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपने अग्रीमेंट एंटर कर दिया है, बिल्कुल नहीं, आपने एप्लीकेशन दे दिया बिल्कुल नहीं, या आपको आपको बोला जाएगा कि अभी आपने प्री कंसल्टेशन करके टाइम वेस्ट कर दिया, अब तो आपको एप्लीकेशन देना ही पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्री कंसल्टेशन के बाद आप पीछे बैकआउट कर सकते हो, बोल सकते हो मुझे नहीं बढ़ना आगे, मैं यहीं पर रुक जाना चाहता हूं, आप कर सकते हो, यू आर फ्री टू डू दैट। प्री कंसल्टेशन का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप पे जबरदस्ती की जाएगी कि अभी आपको एप्लीकेशन देना ही पड़े, बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। हाँ, एक बार प्री कंसल्टेशन करने के बाद आपको लगता है कि हाँ भाई आपको जाना चाहिए आगे, तो फिर जाओ आगे, आप आगे जाओ, आप एक्चुअल एप्लीकेशन दो, आप प्रूफ ऑफ पेमेंट ऑफ फीस दो, डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स को देना पड़ेगा इनकेस ऑफ यूनिलैटरल अग्रीमेंट, और इनकेस ऑफ बायलैटरल अग्रीमेंट, मल्टीलैटरल अग्रीमेंट आपको कंपीटेंट अथॉरिटी इन इंडिया जो भी होगी उसको देना पड़ेगा। सर फीस कितनी है, सर अगर आपका इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन का वैल्यू 100 करोड़ तक है तो 10 लाख है, अगर वैल्यू 100 से ज्यादा है 200 करोड़ तक है तो 15 लाख है। यहां पर लिखा नहीं है फीस, लेकिन एग्जाम में पूछते हो लोग, रूल 10I में फीस दिया गया जो मैं आपको बता रहा हूं, 100 करोड़ तक ट्रांजैक्शन है तो 10 लाख फीस है, 100 से 200 करोड़ है तो 15 लाख, और 200 करोड़ से ज्यादा का ट्रांजेक्शन वैल्यू है तो 20 लाख रुपए की फीस है आपकी, ठीक है। सर ये एप्लीकेशन कभी तक देना है, इसमें दो टाइम लिमिट दिया गवर्नमेंट, अगर आपका जो ट्रांजेक्शन है जिसके लिए आप एप्लीकेशन दे रहे हो वो कंटिन्यूइंग नेचर का है, मतलब सालों से आप करते आ रहे हो, कोई नया नहीं, तो आपको फिर वो एप्लीकेशन साल शुरू होने के पहले देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका जो ट्रांजेक्शन है वो कंटिन्यूइंग नेचर का नहीं हो, नया ट्रांजेक्शन है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रांजेक्शन शुरू होने के पहले आपको एप्लीकेशन दे देना पड़ेगा, साल शुरू होने के पहले देने की जरूरत नहीं है, ट्रांजेक्शन शुरू होने के पहले दोगे तो भी चलेगा। ये दो पॉइंट बराबर से देखना क्योंकि थोड़ा सा अतरंगी पॉइंट है। नाउ नेक्स्ट, एक बार एप्लीकेशन दे दिया तो क्या उसके बाद में उस एप्लीकेशन को विड्रॉ कर सकता हूं, कर सकते हो आपकी मर्जी, लेकिन ये चीज याद रखना जो 10-15-20 लाख रुपए की फीस देके बैठे हो ना वो रिफंड नहीं मिलने वाली है, ये चीज दिमाग में रखना, ठीक है। तो गवर्नमेंट रिफंड विफंड नहीं देने वाली, जो पैसा गया वो गया, एप्लीकेशन देने के बाद विड्रॉ करना है कर लो, लेकिन रिफंड नहीं मिलेगा, ठीक है ना। ये जो अग्रीमेंट है मैंने आपको पहले भी बोला, ये सेंट्रल गवर्नमेंट इसको अप्रूव करेगी, ठीक है। अब अग्रीमेंट के अंदर क्या लिखा होगा, व्हाट विल बी द टर्म्स ऑफ अग्रीमेंट, अग्रीमेंट के अंदर लिखा होगा कि इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन कौन सा कवर है, रॉयल्टी कवर है, एफटीएस कवर है, अग्रीमेंट के अंदर ट्रांसफर प्राइसिंग के मेथड के बारे में लिखा होगा, अग्रीमेंट के अंदर आर्म्स लेंथ प्राइस के बारे में लिखा होगा कि इस एसएससी का आर्म्स लेंथ प्राइस कितना है, अग्रीमेंट के अंदर अगर कोई पर्टिकुलर टर्म को डिफाइन करना है तो उसका डेफिनेशन लिखा होगा, अग्रीमेंट के अंदर क्रिटिकल अजम्पशंस लिखे होंगे, क्रिटिकल अजम्पशंस मतलब इतने इंपॉर्टेंट अजम्पशन कि अगर ये अजम्पशन हम लोग नहीं करते, अगर कुछ और अजम्पशन करते तो ट्रांसफर प्राइसिंग अग्रीमेंट कोई और तरीके से बनता, इस तरीके से नहीं बनता जिस तरीके से अभी बना। अग्रीमेंट के अंदर रोल बैक प्रोविजन के बारे में भी लिखा हो सकता है, और कोई और कंडीशन भी लिखी हो सकती है जो दोनों के बीच में डिसाइड होगी, सीबीडीटी और एसएससी के बीच में, ठीक है। नाउ क्या अग्रीमेंट बाइंडिंग है, अग्रीमेंट बाइंडिंग होगा सब पे, दोनों पे बाइंडिंग होगा, लेकिन अगर क्रिटिकल अजम्पशंस चेंज हो जाते हैं आगे जाकर तो फिर अग्रीमेंट बाइंडिंग नहीं होगा, ठीक है। और अगर क्रिटिकल अजम्पशंस चेंज हो जाते हैं, एसएससी को लगता है कि क्रिटिकल अजम्पशन चेंज हो रहा है या डिपार्टमेंट को लगता है क्रिटिकल अजम्पशन चेंज हो रहा है, तो दोनों को एक दूसरे को नोटिस देना पड़ेगा, नोटिस दिए बगैर वो अग्रीमेंट को हम लोग क्या कर सकते हैं, हम अग्रीमेंट को वो कैंसिल वैंसिल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो और अगर क्रिटिकल अजम्पशन हो गए चेंज हो गए, मतलब अग्रीमेंट के क्रिटिकल अजम्पशन चेंज, जैसे एक अजम्पशन लेकर हमने अग्रीमेंट बनाया था, मैंने क्लास में भी आपको बोला था कि अगले 5 साल तक मैं कम से कम हर साल 1 लाख यूनिट गुड्स बेचूंगा, ये बेसिस पर सीबीडीटी ने कि हर साल आप 1 लाख यूनिट गुड्स बेचोगे, ये बेसिस पर सीबीडीटी ने आपका आर्म्स लेंथ प्राइस निकाला, अब आगे जाकर आप 20,000 यूनिट भी नहीं बेच पा रहे हो, 10,000 यूनिट भी नहीं बेच पा रहे हो, तो आपका क्रिटिकल अजम्पशन चेंज हो गया, तो ऐसे केस में या तो आपका अग्रीमेंट अब रिवाइज हो जाएगा, या तो अग्रीमेंट रिवाइज करके उसको कि आर्म्स लेंथ प्राइस को चेंज करना पड़ेगा, या तो अग्रीमेंट को कैंसिल करना पड़ेगा, ठीक है, दोनों में से एक। नाउ अभी और भी प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट है यहाँ पर जो एक एक करके आपको देखना पड़ेगा। सबसे पहले एसएससी को जो क्रिटिकल अजम्पशंस उसने किया है और जो कंडीशंस उसने बोला है मैं फुलफिल करूंगा, वो फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसके लिए एसएससी को क्या करना पड़ेगा, हर साल एक एनुअल कंप्लायंस रिपोर्ट भरनी पड़ेगी। एनुअल कंप्लायंस रिपोर्ट आप कितनी कॉपी में भरोगे, 4 कॉपी में भरोगे, किसको दोगे, डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स इंटरनेशनल टैक्स को आप एनुअल कंप्लायंस रिपोर्ट दोगे, कब तक दोगे, टाइम लिमिट क्या, इट इज विद इन 30 डेज ऑफ द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न फॉर दैट ईयर, जिस साल के लिए एनुअल कंप्लायंस रिपोर्ट भर रहे हो उस साल के ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न के 30 दिन के अंदर, या जब अग्रीमेंट एंटर हुआ उसके 90 दिन के अंदर, विच एवर इज लेटर। तो जिस साल के लिए आप एनुअल कंप्लायंस रिपोर्ट भर रहे हो उसके 30 डेज के अंदर, ड्यू डेट के 30 डेज के अंदर,
या जब अग्रीमेंट कर रहे हो उसके 90 डेज के अंदर, विच एवर इज लेटर, ठीक है। तो ये एनुअल कंप्लायंस रिपोर्ट आपको भरना पड़ेगा। एनुअल कंप्लायंस रिपोर्ट आपने भर दिया, उसमें क्या लिखोगे? आप सब लिखोगे कि भाई मेरे जो भी कंडीशंस मैंने बोले थे डिपार्टमेंट को अग्रीमेंट साइन करते समय, वो सारे मैं फुलफिल कर रहा हूं। अब वो आप ठीक से फुलफिल कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, वो कैसे पता चलेगा? इसलिए गवर्नमेंट ने एक ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि ये जो एसएससी एनुअल कंप्लायंस रिपोर्ट भर रहा है ना, कि बोल रहा है ना बड़ी शान से कि मैंने सारे कंडीशन फुलफिल किए, मैंने सारे क्रिटिकल असम्पशंस मीट किए, तो उसका ऑडिट करो। तो एक ट्रांसफर प्राइसिंग ऑडिटर, एक ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर उसका ऑडिट करेगा, ठीक है। और ऑडिट करेगा और एसएससी सवाल पूछेगा, बोलेगा कि बताओ क्रिटिकल असम्पशंस मीट किए, उसका कंडीशन फुलफिल करो, बताओ आप सारा डाटा दो, सारा इंफॉर्मेशन दो, डॉक्यूमेंट्स दो। और ये एनुअल कंप्लायंस ऑडिट जो रिपोर्ट आपने भरा उसका अब ऑडिट होगा। वो रिपोर्ट कब तक भर देगा टीपीओ? Within 6 months of the end of the month in which the annual compliance report is received by the transfer pricing officer. तो जब उसको ये वाली रिपोर्ट मिली, उसके एंड से 6 महीने के अंदर वो अपनी ऑडिट रिपोर्ट बना के दे देगा, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग। अब लास्ट दो पार्ट है यहाँ पर एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट में। एक, अग्रीमेंट क्या रिवाइज हो सकता है? हाँ हो सकता है। दूसरा, अग्रीमेंट क्या कैंसिल हो सकता है? हाँ हो सकता है। अब सवाल ये उठा है रिवाइज कब हो सकता है, कैंसिल कब हो सकता है, उन दोनों के बारे में बात करते हैं। तो अग्रीमेंट चार लोग रिवाइज कर सकते हैं। सबसे पहले ये चीज दिमाग में रखो, सबसे पहले या तो बोर्ड सीबीडीटी खुद रिवाइज कर सकता है, या तो एसएससी रिक्वेस्ट कर सकता है, या तो कंपिटेंट अथॉरिटी रिक्वेस्ट कर सकती है। तो या तो बोर्ड रिवाइज कर सकता है, या तो एसएससी रिक्वेस्ट कर सकता है, सीबीडीटी खुद रिवाइज कर सकती है, या तो एसएससी रिक्वेस्ट करता है, या कंपिटेंट अथॉरिटी रिवाइज कर सकती है अगर मल्टीलैटरल और बायलैटरल अग्रीमेंट है। तो चौथा केस, डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स भी रिवाइज कर सकता है। क्यों रिवाइज कर सकता है? अगर देयर इज अ चेंज इन क्रिटिकल असम्पशंस और फेलियर टू मीट एनी ऑफ द कंडीशन, क्रिटिकल असम्पशंस में चेंज हो जाता है या एसएससी कोई कंडीशन मीट नहीं करता है, तो रिवाइज हो सकता है, ठीक है। या देयर इज अ चेंज इन लॉ में बदलाव आ जाता है, लॉ कानून में बदलाव आ जाता है, और देयर इज अ रिक्वेस्ट फ्रॉम कंपिटेंट अथॉरिटी इन अदर कंट्री, बायलैटरल अग्रीमेंट में सामने वाले देश की कंपिटेंट अथॉरिटी ने रिक्वेस्ट किया कि अग्रीमेंट को रिवाइज करते हैं। चलो रिवाइज करने के पहले ये लोग अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड विंग हर्ड दे देंगे आपको, और फिर बाद में रिवाइज अग्रीमेंट के अंदर ये लोग लिख देंगे कि ओरिजिनल अग्रीमेंट किस डेट तक एप्लीकेबल है और रिवाइज अग्रीमेंट किस डेट से एप्लीकेबल है, ये दोनों वो लोग लिख देंगे। इन पॉइंट नंबर यहां पर देख सकते हो। अग्रीमेंट कैंसिल भी हो सकता है, हाँ हो सकता है। फॉर व्हाट रीजन, क्यों कैंसिल होगा, ठीक है? मल्टीपल रीजंस की वजह से कैंसिल हो सकता है। पहला रीजन देखो, अगर कंप्लायंस ऑडिट रिपोर्ट के अंदर पता चला कि आपने बहुत ज्यादा फेलियर किया है टू फुलफिल विद द टर्म्स ऑफ अग्रीमेंट, अग्रीमेंट के अंदर जो टर्म्स दिए गए वो आप फुलफिल नहीं कर रहे हो, कंप्लायंस ऑडिट रिपोर्ट के अंदर टीपीओ ने फाइंड आउट करके दिया है, या आपने कंप्लायंस ऑडिट रिपोर्ट भरा ही नहीं है, ठीक है। कंप्लायंस ऑडिट, कंप्लायंस एनुअल कंप्लायंस रिपोर्ट जो होती है आपकी, ये वाले पेज पे, अगले पिछले पेज पे जो यहां पर थी, वो आपने भरी नहीं विद इन 30 डेज, विद इन 90 डेज वो भरना ही भूल गए आप, ठीक है। या आपने जो एनुअल कंप्लायंस रिपोर्ट भरी है उसमें मटेरियल एरर है। और चौथा और आखिरी पॉइंट जरा ध्यान से सुनना प्लीज, यहां पर अगर सीबीडीटी कुछ रिविजन करती है तो एसएससी को उसको अग्री करना चाहिए। अगर एसएससी उसको अग्री नहीं करे, सीबीडीटी को जो रिवीजन करना है करो, डिपार्टमेंट को जो रिवीजन करना है करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर एसएससी उससे अग्री नहीं करता ना, तो एसएससी के पास पावर है कि वो बोल सकता है फिर मैं अग्री नहीं करता ना, तो अग्रीमेंट कैंसिल कर दो। तो अग्रीमेंट कैंसिल हो सकता है, ये पॉइंट नंबर 4 के अंदर दिया गया, बराबर से देखना। अग्रीमेंट कैंसिल होने के पहले वही पुराना घिसा पिटा भाषण, आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मिल जाएगा, ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन मिलेगा, रीजन ऑफ कैंसिलेशन मिलेगा कि हम क्यों कैंसिल कर रहे हैं, फिर ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन के अंदर भी लिखा रहेगा कब से कैंसिलेशन इफेक्टिव है और कब तक अग्रीमेंट वॉज एप्लीकेबल एक्सेट्रा। उसके साथ साथ एक और वे होता है ऑफ कैंसलिंग द अग्रीमेंट, जो मैंने आपको पिछले पेजेस पे बताया था कि अगर सीबीडीटी को आगे जाकर पता चलता है कि आपने कोई फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स किया है, तो भी सीबीडीटी आपका अग्रीमेंट कैंसिल कर सकती है, वर्ड एब इनिशियो कर सकती है, और सीबीडी का जितना भी समय बर्बाद हुआ उतना उनको एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। तो उसमें भी वो लोग ऑर्डर पास करके अग्रीमेंट कैंसिल करेंगे, आपको रीजन देंगे एक्सेट्रा कि हमने क्यों कैंसिल किया एक्सेट्रा, ये सब चीज बात उसमें बोलेंगे। फिर लास्ट में बोला है कि जस्ट बिकॉज यू हैव फाइल्ड एन एप्लीकेशन फॉर एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट, इसका मतलब ये नहीं है कि आप ट्रांसफर प्राइसिंग के सारे प्रोविजन अप्लाई नहीं करोगे। जब तक अग्रीमेंट साइन नहीं होता है आपको ट्रांसफर प्राइसिंग के सारे प्रोविजन अप्लाई करने पड़ेंगे। सिर्फ एप्लीकेशन देने से कुछ नहीं होता है, अग्रीमेंट साइन होने के बाद एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट एंटर होता है। जब तक अग्रीमेंट साइन नहीं होता है तब तक आपको चैप्टर 10 मतलब ट्रांसफर प्राइसिंग के अंदर जितने भी प्रोविजन है वो सब कुछ अप्लाई करने पड़ेंगे। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, इंटरनेशनल लेवल पे अगर आप बायलैटरल या मल्टीलैटरल अग्रीमेंट कर रहे हो तो उसके लिए आपके पास ट्रीटी होनी चाहिए और ट्रीटी के हिसाब से नेगोशिएशन होगा दोनों देश के बीच में, ठीक है। देख लो एक बार, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन की तरफ, दैट इज रोल बैक प्रोविजन की तरफ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कायदे से जो इंस्टीट्यूट का ऑर्डर है उस हिसाब से तो अपने को भी रोल बैक प्रोविजन पढ़ना चाहिए, लेकिन अगर रोल बैक प्रोविजन आप पढ़ लोगे तो आपको बहुत सारी चीजें यहां समझ में नहीं आएगी, क्योंकि उससे पहले आपको एक चीज और पढ़ लेना चाहिए। क्लास में मैंने आपको उसी ऑर्डर में पढ़ाया था और वो है 92 CD के बारे में। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आपको रोल बैक प्रोविजन कोई पढ़ ले नहीं पड़ने वाला, ठीक है। 92 CD क्या होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना। 92 CD टॉक्स अबाउट द इफेक्ट ऑफ APA, एक बार अपने APA एंटर कर दिया उसके बाद उसका इफेक्ट क्या होने वाला है, ठीक है, ज्यादा ध्यान से सुनना। इसमें मैंने आपको क्लास में बहुत सारे एग्जांपल्स भी लिखवाए थे और आपको बताया था एक्जैक्टली ये सेक्शन का मतलब क्या और इसका इंटरप्रिटेशन आप किस तरीके से करने वाले हो। सुन लो, मान लो कि फॉर एग्जांपल आपने APA के लिए एप्लीकेशन दे दिया 5 साल के लिए, ठीक है, आपने 5 साल के लिए एप्लीकेशन दे दिया सीबीडीटी को। अब जब तक सीबीडीटी एप्लीकेशन साइन नहीं करेगा तब तक APA तो एंटर नहीं होगा। तब तक आप जब भी ITR भरोगे, सपोज आपने से प्रीवियस ईयर 2021 के लिए एप्लीकेशन दे दिया लेकिन सीबीडीटी ने अब तक साइन नहीं किया, तो ठीक है, जब तक सीबीडीटी साइन नहीं करेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने हिसाब से ITR भर के मैटर क्लोज करना पड़ेगा।
तो अब 30th नवंबर आ गया, प्रीवियस 2021 का 30th नवंबर आ गया, तो 30th नवंबर आ गया तो मैंने आईटीआर भर दिया। आईटीआर कैसे भरा? अपने हिसाब से भर दिया। अब सीबीडी ने जब साइन ही नहीं किया तो मैं एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट के हिसाब से आईटीआर नहीं भर सकता हूं, तो मैंने अपने हिसाब से आईटीआर भर दिया। अब उसके 6-8 महीने 10 महीने बाद सीबीडी ने अग्रीमेंट साइन किया, तो अग्रीमेंट जब साइन किया तो पिछला एक साल चला जा चुका है जिसके लिए अग्रीमेंट एप्लीकेबल है, ये चीज दिमाग रखना। तो सीबीडी ने अग्रीमेंट साइन करने में लेट कर दिया, ठीक है। अब सीबीडी ने जब अग्रीमेंट साइन किया तो एक साल ऑलरेडी चला जा चुका है जिसका मैंने आईटीआर ऑलरेडी भर गया, तो अब मैं क्या करूं? तो अब गवर्नमेंट बोलती है उसका इफेक्ट कैसे देने का हम बता दें। गवर्नमेंट बोलती है अगर कोई साल ऑलरेडी चला जा चुका है जो एपीए के 5 साल में कवर्ड है और ऑलरेडी चला गया है, आपने उसका आईटीआर भी भर दिया, तो आप क्या करने का? जिस मंथ में आपका अग्रीमेंट साइन होगा उस मंथ के एंड से 3 महीने में मॉडिफाइड रिटर्न भरो। जिस मंथ में अग्रीमेंट साइन होगा उस मंथ के एंड से 3 महीने के अंदर मॉडिफाइड रिटर्न भरो। सपोज अगर सितंबर में अग्रीमेंट साइन होता है तो सितंबर के एंड से 3 महीना मतलब 31 दिसंबर तक आप मॉडिफाइड रिटर्न भरो पिछले साल का। और मॉडिफाइड रिटर्न में क्या चेंज करोगे? जो आपने पहले आर्म्स लेंथ प्राइस निकाला था वो हटाओ और जो अभी नया सीबीडी ने आर्म्स लेंथ प्राइस बताया उस हिसाब से आप मॉडिफाई करो, बस। दूसरे मॉडिफिकेशन अलाउड नहीं है, सिर्फ उतना ही मॉडिफिकेशन अलाउड है जितना एपीए में दिया है। पहले वाला आर्म्स लेंथ प्राइस हटाओ, नया वाला आर्म्स लेंथ प्राइस लगाओ, क्योंकि आप पिछले साल के लिए भी एपीए एप्लीकेबल है, सीबीडी ने साइन करने में लेट कर दिया। तो 3 महीने के अंदर 3 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विद द अग्रीमेंट ऑफ साइन यू हैव टू फाइल द मॉडिफाइड रिटर्न। आपने वो भर दिया तो फिर आपका असेसमेंट मॉडिफाइड रिटर्न के हिसाब से होगा, ठीक है। ये पहला केस है। दूसरा केस क्या पॉसिबल है पता है? जरा ध्यान से सुनना। दूसरी केस की पॉसिबिलिटी क्या है, ये गौर से सुनना मेरी बात अभी। दूसरे केस में क्या हो सकता है पता है? कि फॉर एग्जांपल पिछले साल का रिटर्न मैंने भर दिया जो अग्रीमेंट के अंदर कवर्ड है वो साल, और आज अग्रीमेंट साइन हुआ, आज अग्रीमेंट जब साइन हुआ तो असेसमेंट ऑलरेडी शुरू हो चुका है या असेसमेंट खत्म हो चुका है, इनफैक्ट एओ ने असेसमेंट खत्म कर दिया। तो अभी पिछले सालों का अग्रीमेंट आज साइन हो रहा है और एओ इतनी घाई में था कि असेसमेंट ही खत्म कर दिया उसने, तो अब क्या होगा? अगर असेसमेंट खत्म हो गया, डोंट वरी, फिर से गवर्नमेंट बोलती है जिस मंथ में अग्रीमेंट साइन हुआ उस मंथ के एंड से 3 महीने के अंदर आप मॉडिफाइड रिटर्न भर दो। अगर उस मंथ के एंड से 3 महीने के अंदर अगर आप फिर से मॉडिफाइड रिटर्न भर देते हो, भले असेसमेंट खत्म हो गया तो क्या हो, फिर भी आप मॉडिफाइड रिटर्न भर दो। मॉडिफाइड रिटर्न भर दोगे तो हम आपका असेसमेंट जो पहले कर चुका है एओ ने पिछले साल का जो एपीए में कवर्ड है उस असेसमेंट को गवर्नमेंट मॉडिफाई करवा देगी। एओ को बोलेगी चल इसको मॉडिफाई कर, कैसे मॉडिफाई कर? पहले वाला आर्म्स लेंथ प्राइस निकाल और अभी जो सीबीडी ने नया आर्म्स लेंथ प्राइस बोला उस हिसाब से इसका रिकम्प्यूटेशन कर, कोई टेंशन वाली बात नहीं। तीसरा पॉइंट, पिछले साल का रिटर्न मैंने ऑलरेडी भर दिया जो एपीए में कवर्ड है लेकिन सीबीडी साइन करने को तैयार नहीं, सीबीडी ने आज साइन की, जब सीबीडी साइन कर रही है तो मैं मॉडिफाइड रिटर्न भर रहा हूँ 3 महीने के अंदर, और जिस दिन मैं मॉडिफाइड रिटर्न भर रहा हूँ उस दिन पिछले साल का असेसमेंट पेंडिंग है मतलब अभी चल रहा है, तो उस केस में गवर्नमेंट ने बोला कोई दिक्कत नहीं है, पेंडिंग है तो पेंडिंग रहने दो, आप फिर से मॉडिफाइड रिटर्न भर दो 3 महीने के अंदर, विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विद द अग्रीमेंट वाज साइन, आप मॉडिफाइड रिटर्न भर दो। सर मॉडिफाइड रिटर्न भर दिया उसके बाद क्या करो? उसके बाद आप क्या करो? उसके बाद आप वेट करो, आपका असेसमेंट सीबीडी क्या करेगा अपने हिसाब से करेगा, डोंट वरी, ठीक है, अपने हिसाब से करेगा। और उसको असेसमेंट करने के लिए एओ को अब एक साल एक्स्ट्रा मिल जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से एक साल एक्स्ट्रा मिल जाएगा, ठीक है। तो ये 3 केसेस, जहां पर 3 केस क्या सिग्निफाई करते हैं, पहला केस कि आपका पिछले साल का रिटर्न ऑलरेडी भर गया है लेकिन अभी असेसमेंट शुरू भी नहीं हुआ है, दूसरा केस आपका असेसमेंट खत्म हो गया, तीसरा केस आपका असेसमेंट पेंडिंग है। इन सब पे मैंने आपको क्लास में एग्जांपल्स दिखाए हैं, आप बराबर से जाकर उसको देखना तो ये आपको क्लैरिटी आएगी, नहीं तो आपको क्लैरिटी नहीं आने वाली, ठीक है। आगे बढ़ता हूं मैं टुवर्ड्स व्हाट, रोल बैक प्रोविजन। रोल बैक प्रोविजन क्या बोलता है? सीबीडी ने क्या सोचा और एसएससी ने भी क्या सोचा कि यार अभी फ्यूचर के लिए तो आप अग्रीमेंट कर ही रहे हो तो क्यों ना पुराने जो लिटिगेशन पेंडिंग है उसको भी क्लोज कर देते हैं। तो गवर्नमेंट ने बोला ठीक है रोल बैक करो, अग्रीमेंट को रोल बैक भी कर सकते हो, मतलब अब आप पिछले 4 साल के लिए भी अग्रीमेंट को अप्लाई करवा सकते हो, लेकिन उसके लिए प्रॉपर प्रोसेस है, प्रॉपर एप्लीकेशन है, सेपरेट फीस है, सब कुछ सेपरेट है, ठीक है, सब कुछ अब आपको अलग से करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले रोल बैक प्रोविजन के बारे में सीबीडी ने नोटिफिकेशन लाया 2015 में, 2015 के पहले रोल बैक प्रोविजन नहीं था जबकि एपीए 2012 में आ गया था, तो 2012 से लेकर 2015 तक एपीए था, 2015 के बाद एपीए भी है और रोल बैक भी है। अब सिर्फ कुछ टर्म्स को दिमाग में रखो, फ्यूचर ईयर्स को जो आप कर रहे हो उसको एपीए बोलेंगे और पास्ट ईयर्स के लिए जो आप अग्रीमेंट कर रहे हो उसको बोलेंगे रोल बैक, ठीक है। जब मैं एपीए बोलूंगा तो समझ लेना मैं फ्यूचर ईयर की बात कर रहा हूं, जब मैं रोल बैक बोलूंगा तो समझ लेना मैं पास्ट ईयर्स की बात कर रहा हूं, ठीक है। नाउ एप्लीकेंट कौन है? जो भी एप्लीकेशन देता है वो एप्लीकेंट है, और क्या उसमें कौन सी बड़ी बात है? रोल बैक ईयर का मतलब क्या होता है? रोल बैक ईयर का मतलब आगे के 5 साल को छोड़ के जो पीछे के 4 साल है, 4 कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स, वो हो जाएंगे रोल बैक ईयर। चेक करो आगे के 5 साल को छोड़ के जो पीछे के 4 साल है उसके इमीजिएटली पीछे के 4 कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स है वो रोल बैक ईयर्स हो जाएंगे, चेक करो। रोल बैक अग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, ठीक है? द अग्रीमेंट में प्रोवाइड फॉर व्हाट, डिटरमाइनिंग द आर्म्स लेंथ प्राइस। अग्रीमेंट में क्या दिया होगा? वही दो चीज दी होगी जो एपीए में दिया होता है, रोल बैक के अग्रीमेंट में भी वही दो चीज दी रहेगी। या तो सीबीडीटी आपको क्या बताएगी, अमाउंट बता देगी कि आर्म्स लेंथ प्राइस इतना है, या तो सीबीडीटी आपको मैनर बता देगी कि आर्म्स लेंथ प्राइस को कैसे निकालना है, बस और कुछ नहीं, ठीक है। अब रोल बैक करने की कंडीशंस क्या है? बहुत सारे कंडीशंस है। कंडीशन नंबर 1, आपका इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन सेम होना चाहिए। सेम मतलब जो फ्यूचर के 5 साल का ट्रांजेक्शन का नेचर है वो भी सेम होना चाहिए और पीछे के 4 साल का ट्रांजेक्शन का नेचर भी सेम होना चाहिए, तो ही आप रोल बैक कर रहे हो। पता चल रहा है आप आगे के 4 सालों के लिए रॉयल्टी के लिए कर रहे हो और पीछे के 4 सालों के लिए एफटीएस के लिए कर रहे हो, तो रोल बैक नहीं हो पाएगा, नॉट पॉसिबल, ठीक है। सेकंड,
आपको रोल बैक ईयर के रिटर्न समय पे भरे होने चाहिए। अगर आपने रोल बैक ईयर के रिटर्न लेट भरे तो आपका रोल बैक नहीं हो पाएगा। थर्ड, आपने रोल बैक ईयर का फॉर्म 3CB भरा होगा 92E के हिसाब से, सीए का जो रिपोर्ट आता है ना वो भरा होगा, तो ही आपको रोल बैक करने मिलेगा, नहीं तो आपको रोल बैक करने नहीं मिलेगा। चौथा, आपको वो सारे ईयर्स के लिए रोल बैक करना पड़ेगा जिस ईयर्स में आपका इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन हुआ है पिछले 4 साल में। आप ऐसा चूज नहीं कर सकते चलो एक साल के लिए रोल बैक करता हूं, 2 साल के लिए नहीं करता, और करना है तो सारे ईयर्स के लिए करो जिसमें आपने इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन अंडरटेक किया है, या तो ना करो, या तो किसी भी ईयर्स के लिए ना करो। पांच बट नॉट फिफ्थ बट नॉट लीस्ट, आपको रोल बैक के लिए एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन देना पड़ेगा इन फॉर्म 3CEDA, फॉर्म 3CEDA, ठीक है। ये कुछ कंडीशंस आपको फुलफिल करने पड़ेंगे। इन सारे कंडीशंस पे बहुत सारे आगे जाकर क्लैरिफिकेशन आएंगे, मैं एक क्लैरिफिकेशन पे बात करूंगा थोड़ी देर के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आ रहा हूं मैं, कब कब रोल बैक एप्लीकेबल नहीं होगा। दो कंडीशंस में रोल बैक एप्लीकेबल नहीं होगा। पहला, अगर आपका मैटर ऑलरेडी, अगर आपका इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन ऑलरेडी ट्राइब्यूनल में चला जा चुका है और ट्राइब्यूनल ने अपने एंड पे उसको खत्म कर दिया है, अगर आपने आपके पिछले सालों का इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन ट्राइब्यूनल में ऑलरेडी गया और ट्राइब्यूनल ने अपने एंड पे उसको खत्म कर दिया है, तो आप फिर उसको रोल बैक नहीं कर पाओगे। सेकेंड, अगर आपके इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन को चेंज करने के बाद, रोल बैक करने के बाद अगर आपकी इनकम घट जाती है या अगर आपका लॉस बढ़ जाता है, तो आपके लिए रोल बैक इज नॉट पॉसिबल। मतलब रोल बैक सिर्फ तब पॉसिबल होगा जब रोल बैक करके आपका टैक्स बढ़ जाता है या आपका लॉस घट जाता है, तो ही रोल बैक पॉसिबल है। मतलब रोल बैक सिर्फ तब पॉसिबल है जब डिपार्टमेंट को मॉनिटरी फायदा होगा, नहीं तो रोल बैक इज नॉट पॉसिबल। इसका लॉजिक मैंने आपको क्लास में बताया था, मैं एक बार फिर से बोल देता हूं, दैट इज रोल बैक करने का इंटेंशन एसएससी के पास कभी भी टैक्स बचाना नहीं होता है। रोल बैक करने का एसएससी के पास इंटेंशन ये होता है कि मगजमारी जिंदगी से कम हो जाए, भले थोड़ा एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़े तो भी चलेगा। इसलिए गवर्नमेंट ने भी बोला है कि अगर रोल बैक करके टैक्स घट जाता है, लायबिलिटी घट जाती है, इनकम घट जाती है, लॉस बढ़ जाता है, तो रोल बैक प्रोविजन इज नॉट एप्लीकेबल, चेक कर लो, ठीक है। नेक्स्ट, रोल बैक अग्रीमेंट आपको दो चीज बोलता है, या तो आर्म्स लेंथ प्राइस का अमाउंट बोलता है या मैनर बोलता है। अब सुन लो सेकंड वाला पॉइंट, अगर रोल बैक प्रोविजन बोलता है कि आपका मैनर ऐसा ऐसा होना चाहिए, तो वो मैनर वैसा ही होना चाहिए जैसा फ्यूचर ईयर्स के लिए हो रहा है। मतलब आपका जो मैनर ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ आर्म्स लेंथ प्राइस फॉर फ्यूचर ईयर्स एंड फॉर व्हाट एंड फॉर रोल बैक शुड बी द सेम, इट शुड नॉट बी डिफरेंट। ये भाषण दिया गया पॉइंट नंबर 4 में। उसके बाद आपको एप्लीकेशन देना पड़ेगा, फ्रेश एप्लीकेशन, प्रूफ ऑफ पेमेंट ऑफ फीस देना पड़ेगा। फीस कितनी है, 5 लाख रुपए की एडिशनल फी देनी पड़ेगी। वहां 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख फ्यूचर ईयर्स के लिए तो देखे बैठे, अभी 5 लाख और देना पड़ेगा आपको अगर रोल बैक के लिए जाना है तो, ठीक है। मान लो आपका रोल बैक अग्रीमेंट हो गया, तो अभी उसका इफेक्ट कैसे दोगे। जैसे आपका नॉर्मल अग्रीमेंट हो गया तो पता है आपको फिर मॉडिफाइड रिटर्न वेटर्न भरना पड़ता है, वैसे रोल बैक अग्रीमेंट हो गया तो उसके बाद आपको उसका इफेक्ट कैसे देना पड़ेगा। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मॉडिफाइड रिटर्न भरना पड़ेगा। कौन से सालों के लिए, आपको पिछले सालों के लिए मॉडिफाइड रिटर्न भरना पड़ेगा। आपको टैक्स भरना पड़ेगा, एडिशनल टैक्स जो भी आता है उसका प्रूफ देना पड़ेगा, वो सारी चीजें करनी पड़ेगी। सर मॉडिफाइड रिटर्न में कब भरूंगा, सर तो मॉडिफाइड रिटर्न जब आप आगे के 5 सालों का मॉडिफाइड रिटर्न जब भर रहे हो ना, विद इन 3 months ऑन द एंड ऑफ द मंथ इन विद द एपीए वाज साइन, तो फ्यूचर पास के 3 सालों, 5 के 4 सालों का रिटर्न भी आप तभी भरोगे विद इन 3 months ऑन द एंड ऑफ द मंथ इन विद द एपीए वाज साइन। उसके तीन, वो दोनों का टाइम लिमिट सेम है, यहां पर वो भाषण दिया गया, ठीक है। नाउ, अगर आपके पीछे के 4 सालों का अगर आपकी कोई अपील पेंडिंग है, उस मुद्दे की अपील जो आपने रोल बैक किया है, से आपने रोल बैक किसके लिए किया, रॉयल्टी के लिए रोल बैक कर रहे हो आप, तो रॉयल्टी की अगर अपील ऑलरेडी सीआईटी अपील या आईटैट या हाईकोर्ट में पेंडिंग है, तो आपको वो अपील विड्रॉ करनी पड़ेगी, यहां पर वो भाषण दिया गया, ठीक है। अगर डिपार्टमेंट ने भी उसको अपील किया है तो वो भी आपको विड्रॉ, डिपार्टमेंट भी विड्रॉ करेगा उसको, ठीक है। तो आपको कभी विड्रॉ करनी पड़ेगी, यू हैव टू विड्रॉ बाय मेकिंग एन एप्लीकेशन बिफोर फर्निशिंग द मॉडिफाइड रिटर्न, और डिपार्टमेंट कभी विड्रॉ करेगा विद इन 3 months ऑफ द फाइलिंग ऑफ मॉडिफाइड रिटर्न। तो आपको मॉडिफाइड रिटर्न भरने के पहले विड्रॉ करनी पड़ेगी, और डिपार्टमेंट को कभी विड्रॉ करनी पड़ेगी, डिपार्टमेंट को विड्रॉ करनी पड़ेगी। आप मॉडिफाइड रिटर्न भरोगे उसके 3 महीने के अंदर वो लोग विड्रॉ करेंगे। उसके बाद में आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा हाईकोर्ट को, उसके बाद आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा कमिश्नर को, अपेलेट ट्राइब्यूनल को, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल, सबको इन्फॉर्म करना पड़ेगा भाई कि अभी आप अपील अपील मत करो, आप क्या करो, आप आराम करो जरा, हम लोग अभी अपने हिसाब से एपीए के थ्रू और रोल बैक प्रोविजन के थ्रू हम लोग मैटर सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर इन सब चीजों का आपने इफेक्ट नहीं दिया, मतलब मॉडिफाइड रिटर्न समय पे नहीं भरा, टैक्स नहीं भरा, अपील के लिए विड्रॉल नहीं किया, तो आपका अग्रीमेंट विल स्टैंड कैंसल, आपका अग्रीमेंट पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। नाउ ये जो प्रोविजन आपने पढ़ा इस पेज पर, और ये लगभग आधे पेज पर, लगभग 2.5 साइड, 2.5 पेज के जो प्रोविजन है उसमें इतनी ज्यादा क्लैरिटी नहीं है, तो इन सब पे क्लैरिटी देने के लिए सीबीडीटी ने क्या किया, सीबीडीटी ने एक पूरा का पूरा एफएक्यू का पूरा समंदर लेकर आ गया, जिसमें 14 FAQ सीबीडीटी ने एक एक करके डिसाइड किया। अब मैं 14 के 14 FAQs पे एक एक करके बात करता हूं। एग्जाम के अंदर मोस्टली सेम टू सेम FAQs एग्जाम में आ जाते हैं, तो आपको बस बराबर से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि क्वेश्चन एग्जाम में कौन से FAQs पे पूछा गया, ठीक है। सबसे पहला FAQ क्या बोलता है, सबसे पहला FAQ बोलता है कि वन ऑफ द कंडीशन इन रोल बैक प्रोविजन इज दैट आपको रोल बैक ईयर्स का रिटर्न समय पे भरना जरूरी है। रोल बैक ईयर्स का रिटर्न अगर आप समय पे नहीं भरोगे तो आपको रोल बैक करने नहीं मिलेगा। तो सवाल ये उठ रहा है, अगर मैंने रोल बैक ईयर्स का रिटर्न 139(4) में भरा था, या मैंने रोल बैक ईयर्स का रिटर्न 139(5) में भरा था, दैट इज बिलेटेड रिटर्न और रिवाइज रिटर्न, तो क्या मुझे रोल बैक करने मिलेगा। तो कान खोल के सुन लो, सीबीडी ने क्या क्लैरिफाई किया। अगर आपने रोल बैक ईयर्स का रिटर्न 139(4) में भरा था, मतलब बिलेटेड भरा था, तो आप रोल बैक की कहानी भूल जाओ, रोल बैक आपको करने नहीं मिलेगा, क्योंकि अब आप बिलेटेड रिटर्न भर रहे हो तो रोल बैक नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आपने रिवाइज रिटर्न भरा था पहले 139(5) में, और रिवाइज रिटर्न जो भर रहे हो उसका ओरिजिनल रिटर्न अगर समय पे भरा था,
अगर ओरिजिनल रिटर्न समय पे भर के रिवाइज कर रहे हो तो रोल बैक करने मिलेगा, लेकिन ओरिजिनल रिटर्न लेट भर के रिवाइज कर रहे हो तो रोल बैक करने नहीं मिलेगा। मॉरल ऑफ द स्टोरी, आपको ओरिजिनल रिटर्न समय पे भरना पड़ेगा, और अगर आप रिवाइज कर रहे हो तो आपको रोल बैक करने का मौका मिल जाएगा। ये दिया गया पॉइंट नंबर वन के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर टू, इसमें क्या बोला गया, जरा ध्यान से सुनना। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंडीशंस इन रोल बैक, जो बोला गया है दैट द ट्रांजैक्शन ऑफ फ्यूचर ईयर एंड रोल बैक ईयर हैज टू बी सेम, हैज टू बी सेम। तो यहां पर गवर्नमेंट से सवाल पूछा गया है, एक कंडीशन है ना यहाँ पर कि फ्यूचर ईयर्स का, आगे के पांच सालों का और रोल बैक ईयर्स का ट्रांजेक्शन सेम होना चाहिए, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन सेम होना चाहिए। तो सवाल यहाँ पर सीबीडीटी से ये पूछा गया, सेम का मतलब क्या, सेम का मतलब सीबीडीटी ने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया, सेम का मतलब ऑफ सेम नेचर, नेचर सेम होना चाहिए और सेम एसोसिएट एंटरप्राइज के साथ होना चाहिए। अगर आगे एक्स लिमिटेड के साथ हो रहा है तो पीछे भी एक्स लिमिटेड के साथ होना चाहिए, अगर आगे का ट्रांजेक्शन रॉयल्टी है तो पीछे का ट्रांजेक्शन भी रॉयल्टी होना चाहिए, ये मतलब होता है सेम। क्या फार एनालिसिस भी सेम होना चाहिए, क्या फंक्शंस आगे के और पीछे के सेम होने चाहिए, क्या असेट्स एम्प्लॉयड आगे और पीछे के सेम होने चाहिए, क्या रिस्क अज्यूम्ड आगे और पीछे के सेम होने चाहिए। तो सीबीडीटी ने बोला फार एनालिसिस के बारे में हम लोग एक्जैक्टली सेम होना जरूरी नहीं है, लेकिन मटेरियल डिफरेंस नहीं होना चाहिए आगे के सालों में और पीछे के सालों में, चेक कर लो बराबर से, फिर आगे बढ़ते। नाउ नेक्स्ट, नाउ वन ऑफ द कंडीशन ऑफ रोल बैक इज, अगर आपको रोल बैक करना है तो चारों सालों के लिए करो या तो मत करो, चारों सालों के लिए करो जिसमें इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन हुआ है, ना तो मत करो, ठीक है। तो यहां पर सवाल उठा एसएससी की तरफ से, क्या मैं चार साल में से कोई साल चूज कर सकता हूं? तो देखो पहले तो सीबीडीटी ने बहुत क्लियरली बोल दिया, अगर आपको रोल बैक करना है तो चारों सालों के लिए करो, नहीं तो मत करो। लेकिन सवाल ये उठा, सीबीडीटी ने फिर थोड़ा सा लाइट हो गई, थोड़ा सा मतलब सीबीडीटी लीनियंट हो गई और बोलने लगी कि अगर चार साल में से किसी एक साल में आपका वो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन हुआ ही नहीं है तो आप तीन साल के लिए भी कर सकते हो, या चार साल में से किसी एक साल में आपने कोई कंडीशन वायलेट कर दी है, जैसे पिछले चार साल में से किसी एक साल में आपने आईटीआर लेट भरा तो वो साल तो आप डिस्क्वालीफाई हो गया, किसी एक साल में आप फॉर्म 3C भी नहीं भर रहे हो तो वो साल डिस्क्वालीफाई हो गया। तो वैसे भी अगर आप करोगे तो वो केस में आप बचे हुए तीन साल के लिए कर सकते हो, ठीक है। तो कब कब कर सकते हो, अगर पिछले चार में से किसी साल में वो ट्रांजेक्शन हुआ ही नहीं है तो आप बैलेंस नंबर ऑफ तीन साल के लिए भी एप्लीकेशन दे सकते हो, और अगर पिछले चार साल में से किसी साल में आपने कोई डिफेक्ट कर दिया है, जैसे आईटीआर नहीं भरा, जैसे आप फॉर्म 3C नहीं भरा, तो आप बैलेंस नंबर ऑफ ईयर्स के लिए भी जा सकते हो। एक बार देख लो फिर आगे बढ़ते हो, हर एक क्वेश्चन आप साथ में देख के चलो। नाउ अगला क्वेश्चन बहुत इंटेलिजेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फोर। देखो दो पेज पे दो अलग प्रोविजन दिए गए, एक पेज पे दिया गया है, सेकंड पेज पे दिया गया, मतलब जो टू एंड हाफ साइड का प्रोविजन है उसमें सेकंड पेज पे दिया गया है कि रोल बैक आप नहीं कर सकते हो अगर ट्राइब्यूनल ने अपने एंड पे ऑर्डर डिस्पोज ऑफ कर दिया, और थर्ड पेज पे लिखा गया कि अगर आपकी अपील ट्राइब्यूनल में पेंडिंग है तो आप रोल बैक नहीं कर सकते हो, अगर आपकी अपील ट्राइब्यूनल में पेंडिंग है तो आपको जाकर ट्राइब्यूनल में जाकर वो अपील को विड्रॉ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले सीबीडीटी से पूछा गया क्या ये सेकंड पेज और थर्ड पेज के प्रोविजन में कोई मिसमैच है, तो सीबीडीटी ने बोला कोई भी मिसमैच नहीं है, एक जगह बोला गया कि अगर ट्राइब्यूनल अपने एंड पे खत्म कर देगा तो आप रोल बैक नहीं कर सकते हो, दूसरी जगह पे बोला अगर पेंडिंग है तो विड्रॉ कर सकते हो, ये दो अलग चीज है, ये दोनों को एक दूसरे से आप कंपेयर मत करो, दोनों एक सेपरेट चीज है। दूसरी चीज है सेकंड पेज पे एक लाइन लिखा गया है दैट द रोल बैक कैन नॉट बी डन इफ द ट्राइब्यूनल हैज पास्ड एन ऑर्डर डिस्पोजिंग ऑफ सच अपील, अगर ट्राइब्यूनल ने अपने एंड पे ऑर्डर को डिस्पोज ऑफ कर दिया तो आप रोल बैक नहीं कर सकते हो। अब इसका मतलब क्या, अब इसका मतलब यह कि अगर ट्राइब्यूनल ने खुद ने अपने एंड पे मैटर डिस्पोज ऑफ कर दिया, खुद ने, मेरे वर्ड्स को सुनना, अगर ट्राइब्यूनल ने खुद ने अपने एंड पे मैटर डिस्पोज ऑफ कर दिया तो आप रोल बैक नहीं कर सकते हो। सर व्हाट डू मीन बाय खुद ने अपने एंड पे, देखो ट्राइब्यूनल जब ऑर्डर पास करता है ना उसका स्कोप समझो, सेक्शन 254 के अंदर ट्राइब्यूनल कैसा ऑर्डर पास करता है, ट्राइब्यूनल या तो खुद के एंड पे क्लोज कर देता है या तो रिमांड बैक करता है एओ को, खुद के एंड पे करता है ना ट्राइब्यूनल तो बोलता है ऑर्डर इज कंफर्म, ऑर्डर इज मॉडिफाइड और ऑर्डर इज एनल दैट इज कैंसल, तो ये खुद के एंड पे कर दिया, या ट्राइब्यूनल दूसरी चीज करता है कि खुद के एंड पे नहीं करता है, डायरेक्ट बैक करता है, रिमांड बैक करता है केस एओ को। तो यहां पर क्या बोला गया, अगर ट्राइब्यूनल खुद डिस्पोज ऑफ कर देगा तो फिर आप रोल बैक का रास्ता बंद हो जाएगा, इसका मतलब अगर ट्राइब्यूनल एओ को रिमांड बैक करेगा तो आप रोल बैक के लिए जा सकते हो। ये भाषण दिया गया इस पर्टिकुलर पेज के ऊपर, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटेलिजेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फाइव, वन ऑफ द कंडीशन ऑफ रोल बैक इज, हर एक कंडीशन पे अपन क्या करें, क्वेश्चन उठा रहे हैं, सीबीडीटी इसको क्लैरिफाई कर रहा है और कुछ नहीं। वन ऑफ द कंडीशन ऑफ रोल बैक इज, या रोल बैक इज नॉट एप्लीकेबल अगर रोल बैक करके आपकी इनकम घट जाती है या लॉस बढ़ जाता है। कितने से घट जाती है, आपने जितना आईटीआर में डिक्लेयर किया उससे भी घट जाती है, तो आईटीआर में जितना डिक्लेयर किया अगर उससे घट जाती है तो आप पे रोल बैक एप्लीकेबल नहीं होगा। मिसाल के तौर पर आपने आईटीआर में इनकम 100 रुपीज डिक्लेयर की थी, अब रोल उसके बाद टीपीओ ने उसको बढ़ाकर 120 रुपीज कर दिया, ठीक है, ज्यादा ध्यान से सुनना, आपने आईटीआर में इनकम 100 रुपीज डिक्लेयर कर दी, टीपीओ ने उसको बढ़ाकर 120 कर दिया, अब जब मैं रोल बैक अप्लाई कर रहा हूं तो वो घट के 90 रुपीज हो जाती है तो रोल बैक अप्लाई नहीं होगा। तो ऐसे केस में गवर्नमेंट ने बोला कि अगर आप एक्सेप्ट करते हो, भले टीपीओ भले रोल बैक करके वो 90 रुपीज हो रहा है, लेकिन अगर आप एक्सेप्ट करते हो कि नहीं 90 नहीं 100 पे रहने दो, तो आप पे ये रोल बैक एप्लीकेबल होगा, बिकॉज देन यू आर सेइंग दैट वी डोंट वांट द इनकम टू बी लोअर देन द इनकम डिक्लेयर्ड इन द रिटर्न, रिटर्न से कम इनकम हमको नहीं दिखाना क्योंकि हमको रोल बैक का फायदा उठाना है, तो हम आपको रोल बैक का बेनिफिट दे करेंगे। सुन लो, आपने 100 रुपए डिक्लेयर किया था आईटीआर में, टीपीओ ने बढ़ाकर 120 कर दिया, अब आर्म्स लेंथ प्राइस जब रोल बैक में निकल रहा है तो 90 रुपीज हो रहा है, रोल बैक एप्लीकेबल नहीं हो सकता, बिकॉज दिस विल लीड टू रिडक्शन ऑफ इनकम बिलो द आईटीआर डिक्लेयर्ड इनकम। Therefore, आप खुद से बोल दो कि भाई 100 रुपीज पे इनकम दिखा दो और रोल बैक अप्लाई कर दो, सिंपल एज दैट, चेक कर लो।
नेक्स्ट, सबसे आखिरी में जो रूल था ना, सबसे आखिरी पेज पे लास्ट रूल था, उसमें बोला था कि अगर ऊपर के रूल का रूल 10RA का इफेक्ट नहीं दे पाओगे तो अग्रीमेंट कैंसिल हो जाएगा। अब सवाल ये उठ रहा है, उसमें क्या दिया गया था कि आपको ITR भरना पड़ेगा, मॉडिफाइड रिटर्न भरना पड़ेगा, आपको टैक्स भरना पड़ेगा एडिशनल टैक्स हर साल का, आपको अपील अगर फाइल किया था तो, अगर आपको अपील फाइल किया था पेंडिंग अपील है तो पेंडिंग अपील विड्रॉ करना पड़ेगा, वो सब चीज थी। अब यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है, चार साल में से अगर मैंने किसी एक साल के लिए अगर उसका इफेक्ट नहीं दिया तो क्या मेरे उस एक साल के लिए अग्रीमेंट कैंसिल होगा, क्या चारों साल के लिए अग्रीमेंट कैंसिल हो जाएगा? तो यहाँ पर सीबीडीटी ने क्लैरिफाई कर दिया अगले क्वेश्चन में कि अगर आप रूल 10RA का इफेक्ट किसी एक साल में भी अगर नहीं दे पाते हो तो अग्रीमेंट चारों सालों का कैंसिल हो जाएगा। अग्रीमेंट इज नॉट फॉर ए वन और टू ईयर, इट इज फॉर अ ब्लॉक ऑफ फोर ईयर। और आपने अगर कोई भी कंडीशन वायलेट अगर एक साल के लिए भी किया तो आपका चारों साल का अग्रीमेंट वायलेट हो जाएगा और अग्रीमेंट पूरा कैंसिल हो जाएगा। चेक कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेवन। क्वेश्चन नंबर सेवन में दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, अगर आपने आप जिस सालों के लिए रोल बैक करने जा रहे हो, अगर उन साल उन ईयर्स का मैप ऑलरेडी पेंडिंग है, मैप मतलब अगर म्यूचुअल अग्रीमेंट प्रोसीजर कुछ सीबीडीटी और सामने वाली अथॉरिटीज आपस में डिसाइड कर रही है, अगर उन्हीं मुद्दों पर सेम मुद्दे पर मैप प्रोसीडिंग पेंडिंग है तो क्या मुझे मैप प्रोसीडिंग्स लेना चाहिए या मुझे रोल बैक प्रोविजन लेना चाहिए या मुझे दोनों मिलेगा? तो गवर्नमेंट ने बोला अगर आपका मैप प्रोसीडिंग ऑलरेडी पेंडिंग है, मतलब खत्म नहीं हुआ है, पेंडिंग है, तो फिर आपके पास ऑप्शन है, या तो आप मैप के लिए जाओ या तो आप रोल बैक के लिए जाओ, दोनों नहीं ले सकते हो। अच्छा, दूसरा सवाल यहाँ पर यह है कि अगर मैप प्रोसीडिंग मेरा ऑलरेडी कंक्लूड हो चुका है, खत्म हो चुका है मैप प्रोसीडिंग, तो क्या मैं रोल बैक के लिए जा सकता हूं? तो गवर्नमेंट ने मना कर दिया, बोला मैप प्रोसीडिंग अगर ऑलरेडी कंक्लूड हो चुका है तो फिर आप रोल बैक के लिए नहीं जा सकते हो। ठीक है, चेक कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट। अगेन यहां पर कुछ कॉन्फ्लिक्ट है। रूल 10MA सब रूल 1 क्या बोलता है बताया? अग्रीमेंट या तो आर्म्स लेंथ प्राइस का अमाउंट बताएगा या तो आर्म्स लेंथ प्राइस का मैनर बताएगा। सब रूल 4 क्या बताया बोलता है? बताया कि मैनर सेम होना चाहिए। अब सब रूल 1 बोलता है अमाउंट भी बता सकता है, मैनर भी बता सकता है। सब रूल 4 बोलता है कि मैनर सेम होना चाहिए। इसका मतलब क्या, अमाउंट अलग हो सकता है? तो यहां पर सीबीडीटी ने बोला अमाउंट अलग हो सकता है, मैनर सेम होना चाहिए। मैनर का मतलब चॉइस ऑफ मेथड सेम होना चाहिए आगे के सालों का और पीछे के सालों का। कंपेरेबिलिटी एनालिसिस सेम होना चाहिए, टेस्टेड पार्टी सेम होना चाहिए, वो सेम होना चाहिए। मेथड अलग हो गया तो नहीं चलेगा, टेस्टेड पार्टी अलग हो गया तो नहीं चलेगा, और फिर कंपेरेबिलिटी एनालिसिस अलग हो गया तो नहीं चलेगा। आर्म्स लेंथ प्राइस में डिफरेंस आ जाएगा तो चलेगा, दैट इज ऑल फाइन, वो चलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्या यहां पर भी रोल बैक ईयर्स के लिए कोई कंप्लायंस ऑडिट होगा? क्या यहां पर भी क्रिटिकल अजम्पशंस एसएससी फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो चेक किया जाएगा? देखो यहां पर ना थोड़ा सा अलग सीन है, क्योंकि आप पास्ट ईयर्स के लिए कर रहे हो, फ्यूचर ईयर्स के लिए नहीं कर रहे हो। फ्यूचर ईयर्स के लिए कर रहे हो तो कंप्लायंस ऑडिट वॉडिट का कॉन्सेप्ट आता है। पास्ट ईयर्स के लिए क्या, पास्ट ईयर्स तो चला गया, आपने देख लिया उसमें क्या हुआ है, आपको पास्ट के बारे में तो पता ही है। तो पास्ट के बारे में जब आपको पता है तो जब आपने रोल बैक अग्रीमेंट एंटर किया होगा तो सब आपके सामने ही था ना, तो तभी आपने जो देखा था कि एसएससी ने कंप्लाई किया कि नहीं किया, वो आपके सामने हिस्ट्री है सब कुछ, फ्यूचर नहीं है वो। देयरफॉर यहां पर कोई कंप्लायंस ऑडिट जैसा कॉन्सेप्ट नहीं, यहां पर सिर्फ इतना चेक किया जाएगा कि जो भी दोनों के बीच में अग्री हुआ है एसएससी और सीबीडीटी के बीच में, क्या वो मॉडिफाइड रिटर्न के अंदर एसएससी ने इनकॉर्पोरेट किया है कि नहीं किया। अगर कर दिया तो काफी है, बाकी यहां पर कोई स्पेशल कंप्लायंस ऑडिट नहीं होने वाला। ठीक है, एक बार चेक कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्या एसएससी का रोल बैक प्रोविजन के लिए एप्लीकेशन देने के बाद विड्रॉ कर सकता है? द आंसर इज यस, विड्रॉ कर सकता है। ठीक है, अगर वो एप्लीकेशन दे देगा तो विड्रॉ कर देगा, लेकिन विड्रॉ करेगा तो उसको फीस रिफंड नहीं होगी, ये चीज दिमाग रखना। जैसे आपके एपीएमए में भी आप एप्लीकेशन देते हो फिर विड्रॉ कर सकते हो, विड्रॉ करोगे तो आपने जो फीस भरी थी वो रिफंड नहीं होगी, यहां पर भी 500,000 रुपया रिफंड नहीं होगा। दूसरा, क्या एसएससी सिर्फ रोल बैक के लिए जा सकता है बिना फ्यूचर ईयर्स के लिए? गवर्नमेंट ने मना कर दिया, बोला कि बिना फ्यूचर ईयर्स के लिए, बिना एपीए के लिए रोल बैक पॉसिबल ही नहीं है। रोल बैक इज ओनली पॉसिबल इफ यू एंटर इनटू एन एपीए, विदाउट एन एपीए रोल बैक इज इम्पॉसिबल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है? देखो, एपीए आपने कर लिया, साथ में आपने रोल बैक भी कर लिया, ये एक पॉसिबिलिटी है। दूसरा पॉसिबिलिटी है, पहले आपने एपीए कर लिया उसके दो साल बाद आप जाके के रोल बैक भी करना है। तो सवाल ये उठ रहा है कि आपने ऑलरेडी अगर फ्यूचर ईयर्स के लिए अग्रीमेंट कर लिया है और उसके बाद आप जागते हो कि भाई चलो एपीए भी कर लेते हैं, तो फिर आप क्या नया अग्रीमेंट करोगे रोल बैक के लिए? आपने एपीए ऑलरेडी कर लिया, फ्यूचर ईयर्स के लिए अग्रीमेंट ऑलरेडी कर लिया है और एक दो साल बाद आप जाग रहे चलो रोल बैक भी करते, तो आप रोल बैक के लिए एक नया अग्रीमेंट करोगे या पुराने अग्रीमेंट को रिवाइज करोगे? तो यहां पर सीबीडीटी ने बोल दिया है कि अगर आप ऑलरेडी एपीए कर चुके हो तो फिर नया अग्रीमेंट करने की जरूरत नहीं है, जो एपीए है उसी को रिवाइज करके आप उसमें क्या डाल दो, रोल बैक प्रोविजन का मैकेनिज्म डाल दो। इसीलिए देखो पीछे जाकर चेक करना, एपीए के अग्रीमेंट के अंदर प्रपोज एक वन ऑफ द प्रपोज पॉइंट इन द अग्रीमेंट ऑफ एपीए, थोड़ा सा 4-5 पेज पीछे जाकर चेक करना जब हम लोग एपीए का डिस्कशन कर रहे थे, वन ऑफ द पॉइंट ओवर हियर इज वाज दैट कि उसमें रोल बैक के बारे में भी लिखा हो सकता है। देखो मैं आपको दिखा देता हूं अभी, दिख रहा है टर्म्स ऑफ अग्रीमेंट में रोल बैक के बारे में भी लिखा हो सकता है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। ये था क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12, आप इफेक्ट कैसे दोगे रोल बैक प्रोविजन का? आपको मॉडिफाइड रिटर्न भरना पड़ेगा, किसके साथ? जब फ्यूचर ईयर्स का आप एपीए भर रहे हो तो फ्यूचर ईयर्स का जब मॉडिफाइड रिटर्न भर रहे हो तो पास्ट ईयर का मॉडिफाइड रिटर्न भी साथ में भरने का, ऐसा रूल 10RA में दिया है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है, अगर आपने फ्यूचर ईयर्स का अग्रीमेंट ऑलरेडी भर दिया है और फ्यूचर ईयर्स का मॉडिफाइड रिटर्न ऑलरेडी भर दिया है और पास्ट ईयर के लिए 2-3 साल बाद जाग रहे हो, तो फिर आप 3 महीने का टाइम लिमिट कैसे काउंट करोगे? तो उस केस में 3 मंथ्स विल बी काउंटेड फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच द रिवाइज्ड एपीए इज साइन। चेक करो, जब से रिवाइज एपीए साइन होगा तब। ठीक है,
एंड लास्ट दो क्वेश्चन आर ऑन सिमिलर लाइंस, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर मर्जर हो जाता है तो फिर क्या रोल बैक का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो गवर्नमेंट ने बोला है बहुत सिंपल रूल है, इसके अंदर लॉजिक बहुत सिंपल है, जो एप्लीकेंट ने फ्यूचर ईयर्स के लिए एप्लीकेशन दिया था वही एप्लीकेंट रोल बैक कर सकता है। मिसाल के तौर पर व्हाट इज एन एपीए, एपीए इज बिटवीन सीबीडीटी एंड एसएससी, एंड एसएससी इज एन एप्लीकेंट, जो एप्लीकेंट ने फ्यूचर ईयर्स के लिए एप्लीकेशन दिया था वही एसएससी, वही सेम एसएससी, सेम पैन नंबर वाला एसएससी पास्ट ईयर्स के लिए भी क्या कर सकता है, रोल बैक कर सकता है, दूसरे लोग रोल बैक नहीं करवा सकते। मिसाल के तौर पर एक एसएससी ए है, एक एसएससी बी है, एक एसएससी ए ने क्या किया, एप्लीकेशन दिया फ्यूचर ईयर्स के लिए, फिर एसएससी ए ने बी को खरीद दिया, तो एसएससी ए अभी भी है तो एसएससी ए रोल बैक करवा सकता है, ठीक है, क्योंकि एसएससी ए अभी भी है। अब एक एसएससी ए है, एक एसएससी बी है, एक कंपनी है, कंपनी बी है, और कंपनी ए और बी मिलकर मर्ज होकर कंपनी सी बनते हैं। अब सी एप्लीकेशन देता है, अब अगर सी एप्लीकेशन देता है तो ए और बी रोल बैक नहीं करवा सकते, क्योंकि एप्लीकेंट ए और बी नहीं है, एप्लीकेंट सी है, और सी का कोई पास नहीं है क्योंकि सी अभी बना है। Therefore, rule is very simple, यार। जो एप्लीकेशन दे रहा है, जो एसएससी एप्लीकेशन दे रहा है वही रोल बैक कर सकता है। फिर अमालगमेशन में अगर तीन चार कंपनी अमालगमेट होती है और एक नई कंपनी फॉर्म होती है तो कोई भी रोल बैक नहीं कर सकता है, लेकिन एक एग्जिस्टिंग कंपनी सारी कंपनी को उठा लेती है तो रोल बैक एग्जिस्टिंग कंपनी को पिछले सालों के लिए भी मिलेगा और फ्यूचर ईयर्स के लिए तो मिलने ही वाला, ठीक है। ये भाषण दिया गया, यहाँ पर एक बार चेक कर लो फिर आगे बढ़ते। यहाँ पर आपका सारा का सारा रोल बैक का प्रोविजन खत्म हो जाता है और एपीए का प्रोविजन भी खत्म हो जाता है यहाँ तक पूरा का पूरा, ठीक है। नाउ चलो आगे बढ़ते टुवर्ड्स वन लास्ट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म, दैट इज म्यूचुअल अग्रीमेंट प्रोसीजर। म्यूचुअल अग्रीमेंट प्रोसीजर के बारे में आप ज्यादा अच्छे से कब समझ पाओगे पता है, जब आप DTAA और मॉडल कन्वेंशन पढ़ोगे, उसमें आर्टिकल 25 पढ़ोगे, क्योंकि उसमें आर्टिकल 25 के अंदर बोला गया है कि आप लाख कोशिश कर लो लफड़े तो होने वाले दो देश के बीच में, अगर दो देश के बीच में लफड़े होते हैं विद रिस्पेक्ट टू टैक्स तो उसको हम कैसे रिजॉल्व करेंगे, यहां का एसएससी वहां की टैक्स अथॉरिटी से दुखी होगा, वहां का एसएससी यहां की टैक्स अथॉरिटी से दुखी होगा, तो हम उसको कैसे रिजॉल्व करेंगे। तो उसके लिए आर्टिकल 25 के अंदर पैरा वन, पैरा टू, पैरा थ्री डाला गया है। पैरा वन एंड टू में क्या होता है, पैरा वन एंड टू में एसएससी इनिशिएट करता है एक प्रोसीडिंग जिसमें एसएससी को लगता है, टैक्स पेयर को लगता है कि ये सामने वाली टैक्स अथॉरिटी इस ट्रीटी के हिसाब से मेरा ट्रीटमेंट नहीं कर रही है। तो अगर एसएससी को लगता है कि सामने वाली टैक्स अथॉरिटी ट्रीटी के हिसाब से मेरा ट्रीटमेंट नहीं कर रही है, मेरा जो टैक्सेशन है वो ट्रीटी के हिसाब से नहीं हो रहा है, मुझे सारे रिलीफ नहीं मिल रहे, मुझे सारे बेनिफिट्स नहीं मिल रहे, तो एसएससी क्या करेगा, अपनी होम कंट्री को जाकर रिक्वेस्ट करेगा कि भाई आप फॉरेन कंट्री से बात करो। अगर आप खुद से सॉल्व कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप खुद से सॉल्व नहीं कर सकते हो आप फॉरेन कंट्री से बात करो, ठीक है। फिर फॉरेन कंट्री क्या करेगी, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेगी इंडियन इकोनॉमी के साथ, मतलब फॉरेन की कंपिटेंट अथॉरिटी और इंडिया की कंपिटेंट अथॉरिटी दोनों मिलकर बैठ के बात करेंगे और दोनों डिसाइड करने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली अब इस पर्टिकुलर केस में क्या करना चाहिए, ठीक है। ये हो गया एक वे ऑफ सॉल्विंग इन आर्टिकल 25। दूसरा आर्टिकल 25 क्या बात करता है मालूम, दोनों देश की टैक्स अथॉरिटी, पहला वाला इशू तो एसएससी ने रेस किया था, अब दूसरा वाला इशू एसएससी नहीं रेस कर रहा है। दूसरा वाला इशू क्या बताया, इंडिया की कंपिटेंट अथॉरिटी और यूके की कंपिटेंट अथॉरिटी को कोई इंटरप्रिटेशन या एप्लीकेशन में दिक्कत आ रही है, कोई पैराग्राफ समझने में दिक्कत आ रही है, कोई पैराग्राफ के इंटरप्रिटेशन में दिक्कत आ रही है, कोई टर्म का डेफिनेशन समझ नहीं आ रहा है, तो दोनों देश की टैक्स अथॉरिटी एक दूसरे से बात करके उसके इंटरप्रिटेशन, उसके एप्लीकेशन को क्या कर सकती है, सिंप्लीफाई कर सकती है और समझ सकती है, ठीक है, और कंसिस्टेंट बना सकती है। तीसरा एक और चीज है, जनरली जो DTAA के अंदर रिलीफ मिलता है ना, आर्टिकल 23 के अंदर मिलता है, आपको एग्जेम्पशन मेथड में रिलीफ मिलता है या क्रेडिट मेथड में रिलीफ मिलता है, ये दोनों जो रिलीफ दी गई है ना DTAA में, ये दोनों के दोनों रिलीफ कान खोल के सुनो, ये दी गई है ओनली इन केस ऑफ ज्यूरिसडिकल टैक्सेशन, ज्यूरिसडिकल डबल टैक्सेशन के बारे में दी गई है। इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन की रिलीफ जनरली DTAA नहीं देता है। सर व्हाट इज ज्यूरिसडिकल डबल टैक्सेशन, ज्यूरिसडिकल डबल टैक्सेशन मींस व्हेन द सेम इनकम इज टैक्स ट्वाइस इन द सेम हैंड्स इन टू डिफरेंट कंट्रीज, एक ही बंदे के हाथ में एक ही इनकम दो बार टैक्स हो रही है दो अलग देशों में, वो है ज्यूरिसडिकल डबल टैक्सेशन। और इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन क्या होता है, व्हेन सेम इनकम इज गेटिंग टैक्स ट्वाइस नॉट इन सेम हैंड्स बट इन टू डिफरेंट हैंड्स बट इन टू डिफरेंट कंट्रीज, तो हाथों का फर्क है। ज्यूरिसडिकल डबल टैक्सेशन में एक ही बंदे के हाथ में दो इनकम, एक इनकम दो बार टैक्स हो रही है, और इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन में एक ही बंदे के हाथ में नहीं बल्कि दो बंदों के हाथ में सेम इनकम दो बार टैक्स हो रही है। उसका एग्जांपल मैंने आपको क्लास में दिया था कि ज्यूरिसडिकल डबल टैक्सेशन का एग्जांपल तो नॉर्मल एग्जांपल है कि आप इंडिया में भी कमा रहे हो, बाहर भी कमा रहे हो, बाहर जाके कमा रहे हो तो बाहर टैक्स लगेगा ऑन सोर्स बेसिस, इंडिया में टैक्स लगेगा ऑन रेसिडेंट बेसिस। और इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन का मैंने एग्जांपल दिया था कि एक कंपनी है वो आपको डिविडेंड देती है तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पे टैक्स लगेगा और सामने शेयर होल्डर के हाथ में भी टैक्स लग सकता है, ठीक है। ये है इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन। नाउ द प्रॉब्लम ओवर हियर इज जो DTAA होता है ना वो जनरली आर्टिकल 23 के अंदर सिर्फ और सिर्फ ज्यूरिसडिकल डबल टैक्सेशन के बारे में रिलीफ देता है, एग्जेम्पशन मेथड, क्रेडिट मेथड, इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन के बारे में नहीं देता है। तो ये जो मैप प्रोसीडिंग है ना ये आपको इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन के बारे में भी क्या देती है, बेनिफिट देने की कोशिश करती है, ठीक है। तो ये सारा भाषण यहां पर लिखा गया है, इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन क्या होता है, ज्यूरिसडिक्शनल डबल टैक्सेशन क्या होता है, ये मैप प्रोसीडिंग। पहला केस तो एसएससी स्पेसिफिक केस उठाएगा, दूसरा केस उनका इंटरप्रिटेशन की वजह से अगर दोनों एक दूसरे से बात करना चाहते, और तीसरा केस नॉट कवर्ड इन दैट इज इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हाट, एलिमिनेशन ऑफ डबल टैक्सेशन बिकॉज ऑफ व्हाट, इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन। ये सारी बातें जो मैंने अभी आपको दो मिनट में बोली वो सारे पहले पेज पे कवर है। नाउ अगर आप दुखी हो किससे, सामने वाले देश की टैक्स अथॉरिटी से,
तो आप सामने वाली देश की टैक्स अथॉरिटी को नहीं, अपने देश की टैक्स अथॉरिटी को बोलो, वो लोग उसको सॉल्व करने की कोशिश कर देंगे। अगर यूनिलैटरली सॉल्व कर लिए तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं सॉल्व कर पाए तो सामने वाले देश की टैक्स अथॉरिटी से फिर कंसल्टेशन लेना पड़ेगा। ठीक है, नाउ नीड फॉर मैप, मैप की जरूरत क्या है, वही मैंने आपको बताया कि मैप जरूरत क्या है मैप की, क्योंकि मैप के अंदर सिर्फ और सिर्फ ज्यूरिसडिक्शनल डबल टैक्सेशन है, इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन के बारे में बात नहीं किया। तो मैप ट्राई टू सॉल्व इवन इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन अपार्ट फ्रॉम व्हाट, ज्यूरिसडिकल डबल टैक्सेशन। ठीक है, अब मैप में स्टेप्स क्या होंगे, जब आप मैप प्रोसीडिंग के लिए जाओगे तो स्टेप्स क्या होंगे, सबसे आप पहले आपको क्या पढ़ना पड़ेगा एज एन एसएससी, ब्रीफ फैक्ट्स और बैकग्राउंड देना पड़ेगा कि आपका केस एक्जैक्टली क्या है, फिर इंडिया के अंदर इंडियन रेवेन्यू अथॉरिटीज का मतलब इंडिया की इनकम टैक्स अथॉरिटी का क्या कंटेंशन है, फिर आपका कितना टैक्स आने वाला है बाय वर्च्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर एडजस्टमेंट, फिर आपको सिर्फ एक एक कंट्री का डेटा देना पड़ेगा, आपको अगर चार कंट्री से दुखी हो तो सबका एक साथ मत दे दो, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सामने चार अलग देशों से चार अलग फैक्टर पे चार अलग मैटर पे चार अलग तरीके से बात करना पड़ेगा। अगर आप यूके से दुखी हो तो यूके का मैटर अलग दो, यूएस से दुखी हो तो यूएस का मैटर अलग दो, सिंगापुर से दुखी हो तो सिंगापुर का मैटर अलग दो, सबका एक साथ मत देना। आपको सारे डॉक्यूमेंटेशन भी देना पड़ेंगे, लाइक रिटर्न, टीपी स्टडीज, लाइक नोटिस, सबमिशन, ऑर्डर, ये सारी चीजें देनी पड़ेगी। प्लस इंडिया में अगर आपके फेवर में आपके अगेंस्ट जो भी है कोई जुडिशियल डिसीजन है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के अगर कोई डिसीजन है, तो वो सब भी आपको देना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, एक बार चेक कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। नाउ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि इंडिया में, इंडिया के अंदर मैप के बारे में क्या बोला गया। ठीक है, इंडिया के अंदर कोई कानून है क्या मैप के ऊपर? यस, इंडिया के अंदर एक कानून है, रूल 44G, जिसके अंदर बोला गया है कि मैप प्रोसीडिंग कैसे चलती है। ठीक है, मेनली इसमें किसके बारे में बोला गया मालूम, अगर फॉरेन टैक्स अथवा फॉरेन कंट्री में, अगर फॉरेन कंट्री का कोई बंदा है, से यूके का कोई बंदा है, अगर उसके साथ इंडिया में कुछ गलत होता है तो एग्जैक्टली उसके लिए मैप प्रोसीडिंग कैसे चलेगी उसके बारे में बोला है। ठीक है, अगर इंडिया के बंदे के साथ अगर यूके में कुछ गलत होता है तो उस प्रोसीडिंग के बारे में इंडिया कैसे बोल सकती है, उस प्रोसीडिंग के बारे में तो यूके को बोलना पड़ेगा, इंडिया की टैक्स अथॉरिटी उसके बारे में नहीं बोल सकती है, इनकम टैक्स एक्ट 1961 उसके बारे में नहीं बोल सकता है। तो मेनली अगर फॉरेन का बंदा इंडिया में आके कुछ इनकम कमाता है और उसके साथ इंडियन टैक्स अथॉरिटी कुछ गलत कर रही है, तो वो क्या करेगा, अपने देश को जाकर बोलेगा कि भाई इंडियन टैक्स अथॉरिटी हमारे साथ गलत कर रही है, आप उनसे बात करो और उनको बोल दो मेरा मैटर सॉल्व करने। ठीक है, तो जरा ध्यान से सुन लेना, सिर्फ पहला वाला पॉइंट इंडिया के रेसिडेंट के लिए, बाकी सारे पॉइंट इंडिया के रेसिडेंट के लिए नहीं, बाहर के रेसिडेंट के लिए। तो पहला वाला पॉइंट क्या बोलता है कि अगर कोई इंडिया का रेसिडेंट फॉरेन टैक्स अथॉरिटी से दुखी है तो वो क्या करेगा, फॉरेन टैक्स अथॉरिटी को जाकर नहीं बोलने वाला, वो इंडिया की कंपिटेंट अथॉरिटी को जाकर बोलेगा। इंडिया की कंपिटेंट अथॉरिटी पहले यूनिलैटरल सॉल्व करेगी और फिर बाद में यूनिलैटरली सॉल्व नहीं होता है तो फॉरेन टैक्स अथॉरिटी से बात करेगी, बस। पॉइंट नंबर वन इतने पे खत्म हो जाता है। पॉइंट नंबर टू से लेकर एंड तक सब कुछ फॉरेन के बंदे को जो इंडिया में दिक्कत हो रही है वो हो रहा है। सपोज कोई फॉरेन का बंदा है, उसको उसके साथ इंडिया में इनकम टैक्स अथॉरिटी ने कुछ गलत किया तो उसने जाकर अपनी कंपिटेंट अथॉरिटी को जाकर रिक्वेस्ट किया और बोला देखो इंडियन इनकम टैक्स अथॉरिटी हमारे साथ गलत कर दिए, तो वो कंपिटेंट अथॉरिटी ने इंडिया की कंपिटेंट अथॉरिटी को रिक्वेस्ट किया कि बोला इसका मैटर सॉल्व करो। अब इंडिया की कंपिटेंट अथॉरिटी की मर्जी, एक्सेप्ट करना एक्सेप्ट करेंगे, रिजेक्ट करना रिजेक्ट करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे तो बहुत अच्छी बात है मैटर आगे बढ़ेगा, रिजेक्ट करेंगे बोलेंगे नहीं 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 वो नालायक एसएससी उसको लेके जाओ उठा के, तो मैटर वहीं पे क्लोज हो जाएगा। एक बार एक्सेप्ट कर लिया तो फिर इंडियन कंपिटेंट अथॉरिटी क्या करेगी, इनकम टैक्स अथॉरिटी से, एसएससी से और उसके ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव से डॉक्यूमेंट्स मंगवाएगी कि भाई इसका केस पढ़ना है, ये यूके से अथॉरिटी ने बोला है कि ये बंदे के साथ गलत हो रहा है उसका केस पढ़ो, तो इंडिया की जो कंपिटेंट अथॉरिटी है वो इनकम टैक्स अथॉरिटी को बोलेगी भाई क्या किया आपने, क्या एक्शन लिया इसके अगेंस्ट बताओ हमको, वो सब डिटेल देना पड़ेगा। ठीक है, और ये लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, पूरा रेजोल्यूशन करने की कोशिश करेंगे विद इन 24 मंथ्स एवरेज टाइम, ऐसा कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं दिया, बोला एवरेज 24 मंथ्स का टाइम ले लेंगे हम लोग, उसके अंदर सॉल्व कर देंगे। ठीक है, हाँ, रेजोल्यूशन करते समय जब सामने वाले का मुद्दा यहाँ पर सॉल्व हो रहा है तो उसमें इनकम में डिक्रीज नहीं होना चाहिए, लॉस इंक्रीज नहीं होना चाहिए, जस्ट लाइक एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट और रोल बैक प्रोविजन के अंदर जो प्रोविजन था एक्जैक्टली वैसा ही। रेजोल्यूशन एक बार हो जाएगा उसके बाद में रेजोल्यूशन हम लोग एसएससी के साथ राइटिंग में क्या करेंगे शेयर भी कर लेंगे। ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। Now, एक बार रेजोल्यूशन एसएससी को कम्युनिकेट कर दिया, अब एसएससी की क्या जिम्मेदारी, एसएससी उसको एक्सेप्ट भी कर सकता है रिजेक्ट भी कर सकता है, जो भी करना है उसको 30 डेज के अंदर करना पड़ेगा ऑफ द कम्युनिकेशन ऑफ द रेजोल्यूशन। जैसे उसको रेजोल्यूशन मिला 30 दिन के अंदर एसएससी की अभी मर्जी है, उसको एक्सेप्ट करना एक्सेप्ट करेगा, रिजेक्ट करना रिजेक्ट करेगा। ठीक है, साथ साथ में अगर एसएससी ने ऑलरेडी पिछले सालों की कोई अपील वपील करके रखी है, ठीक है, जिसके लिए वो अपील करके रखा है तो उस अपील को भी उसको क्या करना पड़ेगा, उस अपील को भी उसको विड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद में कंपिटेंट अथॉरिटी अगर एसएससी ने एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया गया आई अग्री विद द रेजोल्यूशन, ठीक है, तो कंपिटेंट अथॉरिटी वो रेजोल्यूशन प्लस प्रूफ ऑफ विड्रॉल ऑफ अपील वो सब कुछ जो भी है वो किसको दे देगी, वो फॉरवर्ड कर देगी प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल, डायरेक्टर जनरल प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल या प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर, चीफ कमिश्नर, ये सबको फॉरवर्ड कर देगी और वो सब लोग अल्टीमेटली असेसिंग ऑफिसर को फॉरवर्ड कर देंगे ताकि असेसिंग ऑफिसर आज के बाद इस असेसी को परेशान ना कर सके। ठीक है, नाउ एक बार डायरेक्टर जनरल एक्सेट्रा ने एओ को बता दिया, उसके बाद एओ क्या करेगा, एओ उसका इफेक्ट दे देगा और रेजोल्यूशन का इफेक्ट दे देगा, अपना ऑर्डर पास करेगा और रेजोल्यूशन का इफेक्ट दे देगा विद इन 1 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विद द कम्युनिकेशन वाज रिसीव। उसके बाद एसएससी को ईमानदारी से जो भी उसको एक्स्ट्रा टैक्स आ रहा है वो भरना पड़ेगा, साथ साथ में अगर एसएससी ने कोई अगर एओ ने कोई अपील किया था अपनी तरफ से तो एओ भी अपनी तरफ से अपील विड्रॉ करेगा, चेक कर लो बराबर से। ठीक है, उसके बाद ये वाला ऑर्डर जो बनाया है वहां पर जो 1 महीने में ऑर्डर पास किया ना वो कंपिटेंट अथॉरिटी को वो लोग सेंड कर देंगे और एसएससी को भी सेंड कर देंगे और उसके बाद जो भी कुछ टैक्स वैक्स पहले अगर भरा वरा रहेगा तो उसका एडजस्टमेंट करके उसका मैटर क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरी की पूरी प्रोसीडिंग चलती है। अगर ये किसके लिए था, अगर फॉरेन का कोई बंदा इंडिया में आके दुखी होता है तो उसके लिए, अगर इंडिया का बंदा फॉरेन में जाके दुखी होता है
वो फॉरेन टैक्स अथॉरिटी आपका अपने को उसका इंफॉर्मेशन देगी, अपने को कैसे पता चलेगा उसके बारे में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट प्रोविजन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए मैंने इस पे क्लास में भी ज्यादा बात नहीं किया था और यहाँ पर भी मैं उस पर ज्यादा बात नहीं कर रहा हूँ। सेक्शन 93 ये कभी आज तक आया नहीं, इसलिए इस पर बात नहीं कर रहे और ये रिडंडेंट हो चुका है मोस्टली आज की तारीख में, ठीक है। नाउ अगला प्रोविजन इंपॉर्टेंट है, छोटा सा प्रोविजन लेकिन इंपॉर्टेंट है, एनजेए। एनजेए का मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है, एनजेए का फुल फॉर्म है नोटिफाइड ज्यूरिसडिक्शनल एरिया। सर नोटिफाइड ज्यूरिसडिक्शनल एरिया मतलब क्या, मतलब गवर्नमेंट ने कुछ देशों को बोला है कि हम ऐसा डिक्लेयर कर देंगे एज नोटिफाइड ज्यूरिसडिक्शनल एरिया कि हम हमारे देश के लोगों को बोलेंगे कि ऐसे नालायक देशों के साथ आप ट्रांजेक्शन मत एंटर करो, अगर एंटर करोगे तो हम आपके ऊपर भयंकर प्रोविजन लगा देंगे। सर क्यों, लेकिन सर क्यों, क्योंकि वो देश हमारे साथ कोई इंफॉर्मेशन एक्सचेंज नहीं करते, हम उनसे जब भी कोई इंफॉर्मेशन मांगते तो वो एक्सचेंज नहीं करते। देयर इज नो इफेक्टिव एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन इंडिया एंड दैट कंट्री, तो सो दैट कंट्री कैन बी डिक्लेयर्ड एज व्हाट एनजे, गवर्नमेंट उस देश को एनजे डिक्लेयर कर सकती है। चलो अच्छी बात है, तो एनजे डिक्लेयर करने का क्राइटेरिया समझ लो, गवर्नमेंट सिर्फ उसी देश को एनजे डिक्लेयर करेगी जिसके साथ हमारा इफेक्टिव एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन अग्रीमेंट नहीं है, जिसके साथ हमारा इफेक्टिव एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन अग्रीमेंट है उसको गवर्नमेंट एनजे डिक्लेयर नहीं करेगी। अब एनजे के साथ अगर इंडिया का कोई बंदा ट्रांजेक्शन करता है तो गवर्नमेंट ने क्या किसी को एनजे डिक्लेयर किया है? हाँ, गवर्नमेंट ने सिर्फ एक टेरिटरी को एनजे डिक्लेयर किया था 2013 में, दैट इज साइप्रस। वो भी टेरिटरी को गवर्नमेंट ने एनजे के डेफिनेशन से खींचकर बाहर निकाल दिया, लेकिन अभी आज की तारीख में इंडिया ने किसी भी देश या टेरिटरी को एनजे डिक्लेयर नहीं किया है, सिर्फ एक ही टेरिटरी को डिक्लेयर किया था वो साइप्रस थी, उसको भी गवर्नमेंट ने खींच लिया, ठीक है। चलो ठीक है, अगर इधर इधर लैक ऑफ इफेक्टिव एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, गवर्नमेंट कैन नोटिफाई दैट कंट्री और टेरिटरी एज एनजे। अब एक बार एक देश एनजे डिक्लेयर हो जाएगा तो वो एनजे डिक्लेयर होने के बाद, एनजे का मतलब क्या होता है, पर्सन लोकेटेड इन एनजे, मैं इंडिया में बैठा हूं और अगर मैं पर्सन लोकेटेड इन एनजे के साथ ट्रांजेक्शन करता हूं तो गवर्नमेंट मुझ पे भयंकर प्रोविजन लगाएगी। सर पर्सन लोकेटेड इन एनजे का मतलब क्या होता है, वो यहां लिखा हुआ है, उसमें तीन लोग आते हैं। अगर कोई बंदा एनजे का रेजिडेंट है तो वो पर्सन लोकेटेड इन एनजे, अगर कोई एंटिटी है, कंपनी, फर्म है, ओबीबी है, एनजे में एस्टैब्लिश्ड है, वहां इनकॉर्पोरेटेड है तो वो भी पर्सन लोकेटेड इन एनजे माना जाएगा, और अगर कोई तीसरे देश के कंपनी का वहां पर परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट है या एंटिटी का उधर परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट है तो वो भी एनजे में लोकेटेड माना जाएगा। तो एनजे में ये तीन लोग आते हैं, यहां पर लिखे गए। एक बार गवर्नमेंट ने किसी देश को एनजे डिक्लेयर कर दिया, अब इंडिया में बैठे बैठे अगर आप उसके साथ कोई ट्रांजेक्शन करते हो तो गवर्नमेंट बोलते हैं कि आप और वो सामने वाला एंटिटी इज डीम टू बी एसोसिएट एंटरप्राइज, आपके और उसके बीच का ट्रांजेक्शन इज डीम टू बी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन, और आपके और उसके बीच के ट्रांजेक्शन के ऊपर सारे ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजन अप्लाई हो जाएंगे, रेंज कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट, वो कॉन्सेप्ट, आर्म्स लेंथ प्राइस, और रेंज कॉन्सेप्ट में अगर 6 से कम एंट्री होगी तो आपको वो एरिथमेटिक मीन लेने के बाद 3% का जो वेरिएशन मिलता है ना नॉर्मल असेसिस को, 3% का वेरिएशन, 5 से कम एंट्री होगी तो 3% वेरिएशन होगा तो आर्म्स लेंथ वो भी नहीं मिलेगा आपको, जाओ माफ करो वो भी नहीं मिलेगा आपको, क्या बात है सर। और साथ बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन डाले, प्लस अगर आप वहां से कुछ लोन लेते हो और कुछ पेमेंट करते हो इंटरेस्ट का तो आपको सीबीडीटी को पावर देना पड़ेगा कि सीबीडीटी उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से अगर चाहे तो क्वेश्चन पूछ सकती है कि ये पैसा कहां से आया, क्या आया, नहीं तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा, प्लस इंटरेस्ट का डिडक्शन आर्म्स लेंथ प्राइस पे मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। भले आप दोनों एसोसिएटेड नहीं हो तो भी हम डीम तो भी एसोसिएटेड है, एनजे वाले लोगों के साथ ट्रांजेक्शन किया ना ट्रांसफर प्राइसिंग लग गया, फिर भले इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन किया बाढ़ में, एसोसिएटेडिटी का डेफिनेशन किया बाढ़ में, सिमिलरली अगर वहां से कुछ सामान खरीदा, एक्सपेंस इनकर किया तो वो मिलेगा आर्म्स लेंथ प्राइस पे, और प्लस आपको कुछ और डॉक्यूमेंट्स इन्फॉर्मेशन देने पड़ेंगे। वहां से कोई असेट खरीदा उसका डेप्रिसिएशन क्लेम करना है, आपको आर्म्स लेंथ प्राइस पे मिलेगा और आपको डॉक्यूमेंट्स इन्फॉर्मेशन देने पड़ेंगे सीबीडीटी जो प्रिस्क्राइब करेगी। वहां से कुछ पैसा आया तो आपको इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा वहां के लोगों को, अगर आप पेमेंट कर रहे हो तो टीडीएस भी देखो बहुत हाई रेट्स पे, जो भी रेट्स इनकम टैक्स लॉ में दिए गए वो, प्लस रेट्स इन फोर्स जो फाइनेंस एक्ट के अंदर रेट्स दिए रहते हैं, प्लस 30% विच एवर इज हायर पे टीडीएस काटना पड़ेगा। तो सर अगर मैं सामने वाले बंदे को रॉयल्टी पे कर रहा हूं, सर रॉयल्टी तो सर अगर हमारे दोनों के बीच में डीटी डबल है और सामने वाला देश और इंडिया के बीच में डीटी डबल है और उसमें लिखा है कि रॉयल्टी 5% पे टैक्स है लेकिन सामने वाला देश एनजे है तो भी मैं 30% काटू, डीटी डबल है में तो 5% लिखा है तो भी 30% काटना पड़ेगा, यहां पर एनजे ओवरराइड करेगा वो प्रोविजन को, तो भी आप 30% पे टीडीएस काटोगे और फिर सामने वाले को क्या बोलने का, बहुत अच्छे से सुन लो ये बहुत फेमस क्वेश्चन है इंस्टीट्यूट का, तो आप टीडीएस तो 30 पे काटोगे लेकिन अगर डीटी डबल में निकाले कि रॉयल्टी टैक्सेबल है, एफटीएस टैक्सेबल है 5% बिटवीन दिस कंट्री एंड दैट कंट्री, तो फिर सामने वाले को बोलो आईटीआर भर के इनकम डिस्क्लोज कर और फिर इनकम का रिफंड ले ले और फिर उसमें 5% टैक्स दिखा के 25% का रिफंड दे ले। ये भाषण यहां पर दिया गया और ये एग्जांपल यहां पर नीचे दिया गया है, पूरा का पूरा बराबर से देख लेना, ठीक है, क्लियर है। तो ये है आपका एनजे का प्रोविजन, इंपॉर्टेंट प्रोविजन एग्जाम्पल है। वन लास्ट थिंग फॉर द डे एंड दिस विल कंप्लीट आवर फर्स्ट चैप्टर का कॉम्प्रिहेंसिव रिविजन, कॉम्प्रिहेंसिव बहुत कॉम्प्रिहेंसिव रिविजन है, ऐसा रिविजन पूरे इंडिया में आपको कहीं नहीं मिलेगा, एक गारंटी के साथ बोलता हूं मैं पेपर 6 के लिए, ठीक है, और पेपर 7 के लिए भी आप यूज कर सकते हो, वैसे पेपर 7 के लिए मैंने अलग से रिवीजन बनाया हूं ट्रांसफर प्राइसिंग का, नॉन रेसिडेंट का, बट इसके लिए भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नाउ लिमिटेशन ऑफ इंटरेस्ट डिडक्शन इन सर्टन केसेस, ये क्या है, ये गवर्नमेंट ने आपको बोला है कि आप बहुत ज्यादा लोन मत लो बाहर से, ठीक है, अगर लोन लोगे तो हम आपके इंटरेस्ट को लिमिट कर देंगे। ये क्यों बोला है, क्यों शौक आया गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट को शौक इसलिए आया क्योंकि यहां पर एक्शन प्लान 4 ऑफ बेप्स ने रिकमेंड किया है, बेप्स प्रोजेक्ट जो है ना ओईसीडी का जो 2015 में आया था अक्टूबर,
उसके एक्शन प्लान फोर ने रेकमेंड किया है। क्या रेकमेंड किया कि भाई ज्यादा लोन ले रहे हो तो इंटरेस्ट को लिमिट कर दो, कितने पे लिमिट करो, किसके लिए एप्लीकेबल है, क्या है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो पहले सेक्शन की एप्लीकेबिलिटी समझते, बोरोवर कौन होना चाहिए वो सुन लो। बोरोवर या तो इंडियन कंपनी, सिर्फ इंडियन कंपनी के लिए प्रोविजन है, या तो अगर फॉरेन कंपनी का इंडिया में परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट है तो ये प्रोविजन एप्लीकेबल है। ये बोरोवर है, बोरोवर या तो इंडियन कंपनी या फॉरेन कंपनी का इंडिया में परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट, ठीक है। लेंडर कौन होना चाहिए, लेंडर तीन किस्म के हो सकते हैं। पहला नॉन रेसिडेंट मेरा एसोसिएट एंटरप्राइज, वो लेंडर अगर मुझे लोन देता है मैं उसको इंटरेस्ट देता हूं तो वो कवर्ड है। दूसरा कोई थर्ड पार्टी मुझे लोन देता है और मेरा नॉन रेसिडेंट एसोसिएट एंटरप्राइज उसको गारंटी देता है और मैं थर्ड पार्टी को इंटरेस्ट पे करता हूं, ये भी 94 बी में कवर हो जाएगा, ये भी डिसला होगा। कितना डिसला होगा बता रहा हूं। तीसरा अगर मेरा नॉन रेसिडेंट एसोसिएट एंटरप्राइज थर्ड पार्टी को 5 करोड़ रुपया देता है और वो थर्ड पार्टी मुझे 5 करोड़ रुपया देता है, मतलब मैचिंग डिपॉजिट देता है, देयर इज अ मैचिंग डिपॉजिट और वो मुझे लोन के तौर पर आ रहा है, तो वो भी इंटरेस्ट में कवर हो जाएगा 94 बी में। अच्छा थर्ड पार्टी ने अगर उसको 10 करोड़ दिया और उसने मुझे 5 करोड़ दिया तो उसमें दो व्यू इंस्टीट्यूट का, इंस्टीट्यूट बोलता है आधा तो मैच होता है ना तो आधा इंटरेस्ट डिसअलाउ करो, और एक व्यू इंस्टीट्यूट ये लेता है कि कुछ मैच नहीं हो रहा है ना, 10 और 5 इज नॉट मैचिंग, इज नॉट एक्जैक्टली मैचिंग, तो इग्नोर करो, ये दोनों व्यू है। लेकिन अगर 5 दिया और यहां 5 आया तो पूरा इंटरेस्ट कवर होगा 94 बी में। 10 दिया और 5 दिया, 10 उधर से डिपॉजिट हुआ मेरे तक 5 आता है, तो फिर बाद में उसमें दो व्यू इंस्टीट्यूट ने लिया, आप जाकर सोल्यूशन चेक करना, केस स्टडी नंबर 1, ठीक है। और मैंने आपको क्लास में बोला भी एक व्यू ये लिया कि फिर कुछ भी कंसीडर मत करो क्योंकि मैच नहीं हो रहा, एक व्यू ये लिया आधा तो मैच हो रहा है तो आधा इंटरेस्ट डिस्काउंट करो, आधा इंटरेस्ट 94 भी नहीं लो, ठीक है। अब एक केस यहां पर नहीं कवर्ड है कि अगर नॉन रेसिडेंट का इंडिया में पीई है और वो एक बैंकिंग बिजनेस है और वो अगर आपको लोन देता है और आप उसको इंटरेस्ट देते हो, नॉन रेसिडेंट का इंडिया में पीई है, वो बैंकिंग बिजनेस में इन्वॉल्व है और बैंकिंग बिजनेस वाला आपको लोन देता है, आप उसको इंटरेस्ट पे करते हो, तो वो 94 बी में कवर नहीं होगा, ठीक है। साथ साथ में 94 बी में थ्रेशोल्ड है कितना, 1 करोड़ से ज्यादा पूरे साल में इंटरेस्ट पे करोगे तो ही 94 बी में कवर है, नहीं तो नहीं कवर है, ठीक है। पूरे साल का इंटरेस्ट अमाउंट हैज टू बी एक्सीडिंग 1 करोड़ प्लस दैट शुड बी डिडक्टेबल अंडर द हेड पीजीबीपी, अगर वो पीजीबीपी में डिडक्टेबल नहीं है तो वो डिसअलाउ नहीं होगा, तो पीजीबीपी में डिडक्टेबल ही नहीं है तो डिसअलाउ क्या करोगे, ठीक है। अब सबसे बड़ा सवाल कि कितना डिसअलाउ होगा, गवर्नमेंट ने बोला एक्सेस इंटरेस्ट डिसअलाउ हो जाएगा, मैंने बोला एक्सेस इंटरेस्ट मतलब कितना, गवर्नमेंट ने बोला 30% ऑफ एबिटा निकालो और कंपेयर करो टोटल इंटरेस्ट से और जो भी डिफरेंशियल अमाउंट है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जितना भी एसोसिएट एंटिटी को पेमेंट किया, पॉइंट नंबर 2, तो पहले एबिटा का 30% निकालो कंपेयर विद टोटल इंटरेस्ट डिफरेंशियल अमाउंट, पॉइंट नंबर 1। सेकंड, एसोसिएट एंटिटी का जो इंटरेस्ट पे या पेबल है, मतलब जितना डिडक्टेबल है, वो पॉइंट नंबर 2, व्हिचएवर इज लेस। अब पॉइंट नंबर 1 में भी दो व्यू है, पॉइंट नंबर 1 में 30% ऑफ एबिटा निकाल के आप टोटल इंटरेस्ट से भी कंपेयर कर सकते हो, ये एक व्यू है, और पॉइंट नंबर 1 में 30% ऑफ एबिटा निकाल के आप सिर्फ एसोसिएट एंटिटी को जो इंटरेस्ट पे किया उससे भी कंपेयर कर सकते हो, दूसरा व्यू है जो नीचे लिखा है। दोनों व्यू में से कोई भी एक व्यू से आप आंसर सॉल्व कर सकते हो एग्जाम में, गवर्नमेंट की तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आया कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, गवर्नमेंट सो रही है पता नहीं क्या कर रही है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, जितना भी इंटरेस्ट डिसअलाउ हो रहा है डोंट वरी, वो आपको कैरी फॉरवर्ड करने मिलेगा और आपको अगले सालों में आपकी इनकम के अगेंस्ट पीजीबीपी, कोई भी पीजीबीपी इनकम के अगेंस्ट सेट ऑफ करने मिलेगा, सब्जेक्ट टू द लिमिट्स मेंशन इन 94 बी, 94 बी के लिमिट के हिसाब से, मतलब अगले साल की टोटल इंटरेस्ट में ऐड होगा, फिर 30% ऑफ एबिटा, वो सब में कैलकुलेशन करना पड़ेगा और आपको 8 साल तक ये कैरी फॉरवर्ड करके सेट ऑफ करने मिल जाएगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट, सॉरी एक और पॉइंट यहां पर मिसिंग है, अगर बोरोवर बैंकिंग और इंश्योरेंस कंपनी है तो ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है, चेक कर लो। बोरोवर अगर बैंकिंग और इंश्योरेंस कंपनी है तो ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है, तो ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है। और दूसरा वाला पॉइंट मैंने आपको पहले बोल दिया, अगर नॉन रेसिडेंट का इंडिया में पी है और वो बैंकिंग बिजनेस में इन्वॉल्व है, वो आपको लोन देता है, आपको उसको इंटरेस्ट देते हो, तो भी ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट द फर्स्ट टॉपिक इज ऑल अबाउट, ये आपका पहला टॉपिक है विद रिस्पेक्ट टू द रिविजन ऑफ पेपर 6C, एंड वी हैव स्टार्टेड दिस पर्टिकुलर जर्नी ऑफ रिवाइजिंग पेपर 6C डायरेक्टली फ्रॉम ICAI मटेरियल 3 ईयर्स बैक इन 2019, 2018 में इंस्टीट्यूट ने इलेक्टिव पेपर लाया, 2019 से मैंने शुरू किया और तब से मैं कंसिस्टेंटली शुरू कर रहा हूं। तो आज मैंने अपना पहला टॉपिक डाला है ट्रांसफर प्राइसिंग, जो लगभग 30 मार्क के आसपास आपके सिलेबस में आता है और लगभग 30 मार्क के लिए नॉन रेसिडेंट, तो 60 मार्क के लिए, 50 से 60 मार्क ये दो टॉपिक ही आने वाला है आपके पेपर 6 के अंदर, प्लस पेपर 7 में भी काम आएगा, ठीक है। तो आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड द रिविजन, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड ईच एंड एवरीथिंग व्हिच आई हैव टॉट यू इन क्लास, एंड नाउ दिस रिविजन इज हेल्पिंग यू ऑल टू अ ग्रेट एक्सटेंट। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। अगर पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करो, मैं चाहता हूं ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा सके पूरे देश में। आपके जितने भी टेलीग्राम के ग्रुप्स हैं, टेलीग्राम के चैनल है, व्हाट्सएप के ग्रुप्स है, व्हाट्सएप के चैनल है, जितने भी दोस्त हैं, जितने भी यार हैं, यूट्यूब पे, जहां पर भी, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, जहां पर भी इसको शेयर कर सकते हो करो, लोगों की मदद करो, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, ध्यान रखो सब लोग अपना, मैं जल्द से जल्द सारे के सारे रिविजन डालने की कोशिश करता हूँ, टेक केयर।